Hi, Vichabadi. Very warm welcome to the channel. Please let me know if you're audible as well as visible. Basically, live. मेरे को ये चेक करना था कि मैं लाइव हूँ कि नहीं, पर यूट्यूब को पहले मेरे से सर्वे करवाना है। ये नहीं कि मैं ये देख लूँ कि भाई मेरी आवाज़ आ रही है, बच्चे मेरे को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, कहना कि पहले आप ये सर्वे करो, उसके बाद में देखेंगे ये सब। हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो, क्या हाल है? वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। हाँ, थोड़ा इससे बढ़िया आवाज़ वावाज तेज कर लो। मैंने तो वैसे माइक सही तरीके से लगा लिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये पूरी आवाज़ आसपास की सब कम हो गई है। बेचारा माइक, इस जीवन के अंदर बस यही सही नहीं मिला मेरे को। हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए कौन कौन है। हाय ऐश्वर्या, हाय विपुल, हाय पी फॉर परम, हाय मेसी गर्ल, हाय यश, हाय पृथ्वीराज, हाय अनुष्का, हाय फोकस, हाय फोकस, हाय विपुल, हाय मिष्टी, हाय नुपुर, हाय तनिष्क, हाय हार्दिक, हाय मोहम्मद, हाउ आर यू, हाय मिष्टी, हाय शक्ति, हाय अर्चित, हाय नुपुर, हाय आर्यन, हाय आकाश, हाय मृत्युंजय, क्या बात है नीतिश्री, हाय नीतिश्री, हाय विराज। हाँ, जिनको मैं बता देती हूँ आपको, मैंने आपको आगे से बता दिया है कि आप ऐसा मत सोचना, वो मैं सर्वे करने में बिजी अच्छा, आज क्या होने वाला है? आज हम करेंगे इंटायर फ्लेमिंगो प्रोज खत्म। मतलब ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आपके 8 चैप्टर जो है फ्लेमिंगो के वो जाएंगे कंप्लीट। अच्छा, हर एक चैप्टर के अंदर मैंने वही समरी डाल दी है जो बच्चे कह रहे थे ना, जो भी मैंने वो वीडियो वगैरह बनाया था उसके अंदर आप नोट्स नोट्स कह रहे थे, तो वो पूरा समरी यहाँ पे डाल दिया है ऑलरेडी। और इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, तो आप अगर बाय चांस अगर जैसे आपको ये अच्छा लगता है और आप डाउनलोड करना चाहते हो आज की क्लास का पूरे नोट, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर मिल जाते हैं तो आप आराम से रीडिंग लगाओ बढ़िया नोट्स की, और उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्कर्स है, 5 मार्कर्स है, जो आए हुए हैं जो रेलिवेंट है, तो आपको पता ही है मैम रेलिवेंस का मतलब क्या होता है, 2020 से अभी तक का, तो जितने भी रेलिवेंट है उनको करते जाओ, पूरा 8 चैप्टर तैयार हो जाएंगे, पूरे 8 चैप्टर तैयार हो जाने हैं। ठीक है, ये लाइव में रिवीजन होने वाला है, और आप आराम से, मैं हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, और हर चैप्टर के बाद में पूछूंगी आपको डाउट है कि नहीं है, आपको जगे रहना है। कोशिश मैं पूरी करूंगी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊं कि आपको नींद वींद ना आए, और फिर आप बस मेरे को बता देना अगर आपको कोई डाउट है, तो हैंड टू हैंड जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सही है? हाँ, इस बात पे तुमने पूरा फोकस किया है, कहता अच्छा जगह भी रहना पड़ेगा, तो हमको लगा इंग्लिश की क्लास है, मैम लोरी क्लास का ड्यूरेशन देखो, वैसे तो अभी हम अपने एकदम एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वन शॉट वाली, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी अगर मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ एग्जैक्ट कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम चलेगा क्लास, आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट समझा के ये सब करवा के देना है, तो बेसिकली लेट्स सी कितना टाइम लग सकता है, विल लेट यू नो, आपको थोड़ा थोड़ा आगे पता चलता जाएगा। तो चलो फिर एकदम ताकत को चैनलाइज कर लेते हैं और शुरू करते हैं। आपको बता देती हूँ 8 चैप्टर है जो आ रहे हैं, और बाई चांस आपको मेरी आवाज़ अजीब लग रही हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी एग्जाम पास में आते हैं तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो छाले अभी शुरू हो चुके हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही होगा, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं यूजुअली ऐसे नहीं बोलती हूँ। सो 8 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके बाद में हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं डीप वाटर, चौथा चैप्टर है द रैट ट्रैप, पांचवा चैप्टर करेंगे इंडिगो,
पर्ट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, 8 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। इसके अंदर लॉट स्प्रिंग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा, तो टोटल मिला के 9 कॉन्सेप्ट है जो हमें करने होंगे आज की क्लास में। ओके, तो चलो इसी बात पर शुरू करें। नाइस प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं यार, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट लेसन से शुरुआत कर लेते हैं, जल्दी से ओपी कर दीजिए, ऑथर ओपी कर दीजिए। लास्ट लेसन को किसने लिखा है? ऑलफोंस डॉडेट ने लिखा है, तो ऑलफोंस डॉडेट ओपी कर दीजिए। ऑलफोंस डॉडेट यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, छोटा सा थीम जो इसका चैप्टर का है वो ये है कि किस तरीके से जब आपके पास कोई एक चीज अबंडेंस में होती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बट जैसे ही वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहती है तो आप उसे और ज्यादा वैल्यू करने लग जाते हो। यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारी आइडेंटिटी है, ये कहीं ना कहीं हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा नेशन है, नेशनैलिटी है। तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है ये चैप्टर रिवॉल्व अराउंड होगा एक कॉन्सेप्ट के, जो कि ये कहता है कि किस तरीके से जब हमारे पास में, हमारी एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारे पास में ज़्यादा टाइम होता है, हमारे पास में हमारी आइडेंटिटी अवेलेबल होती है, हम हमारी लैंग्वेज को एक्सरसाइज करवा पाते हैं, हमारी नेशनैलिटी को परस्यू कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती है। पर जिस मिनट कोई हमसे ये चीज़ें हमारी छीन लेता है तो हमें एकदम से ये चीज़ों की डेफिशिएंसी महसूस होने लग जाती है। चैप्टर के अंदर हमारे प्रोटैगनिस्ट है फ्रांस, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, और चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर वो हो गया है स्कूल के लिए लेट, और उसे अभी याद आ रहा है कि यार जल्दी से अब स्कूल की तरफ निकलना चाहिए। और जब वो स्कूल की तरफ भाग रहा होता है तो बीच में ये और याद आ जाता है कि एमएमएल उससे क्वेश्चन पूछने वाला है पार्टिसिपल्स पे, तो एक तो वो लेट हो चुका है, उसके ऊपर से उसे ये याद आ रहा है कि उसने तो पढ़ाई नहीं की है, अभी जो एग्जाम जो स्कूल में जाके टेस्ट होने वाला है वो अलग है। तो अब उसे ये याद आता है यार ऐसी सिचुएशन के अंदर ना तो आप घर वापस जा सकते हो और ना ही अब आप स्कूल जा सकते हो, और उसके ऊपर से मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, एकदम वार्म मौसम हो गया है, हाँ बर्ड्स एकदम ऐसे चहक रहे हैं, इधर उसको देखने के लिए 100 चीज़ें मिल रही है, उधर देख रहा है प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो सोचता है यार ये तो एकदम बेस्ट टाइम है, मेरे को जाने का ही नहीं है, ना घर जाऊँगा ना स्कूल जाऊँगा, बंक करूँगा, बैठूंगा यहीं पर आराम से। जैसे वो ये सोचता है ये सारी की सारी चीज़ें उसे टेम्प्ट करती है, आ जाओ फ्रेंड्स आ जाओ, बिल्कुल अभी स्कूल मत जाओ, पर वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है एंड वो डिसाइड करता है चलो अभी मेरे को तो स्कूल जाना है, तो अभी स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है और स्कूल की तरफ भाग ही रहा होता है। और इतने में वो टाउन हॉल जो है, जैसे आप देखोगे कोई छोटे टाउन होते हैं या फिर कोई भी आपका कोई मोहल्ला होता है, कोई एक जगह होती है, उसका एक सेंट्रल होता है। अब वो जो सेंट्रल होता है वहाँ पर आसपास के सारे लोग आकर इकट्ठे होते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ पर जो गाँव होते हैं ना उनमें तो एकदम बढ़िया बरगद का पेड़ होता है जिसके नीचे सारे बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और दुनिया भर की सारी बातें वहीं पर हो जाती है, पूरे गाँव में जो हुआ है सबको पता चलता है। ऐसा ही कोई बरगद का पेड़ जरूर वहां पर होगा जिसे इन्होंने टाउन हॉल कहा। वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगाया हुआ होता है, ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये बुलेटिन बोर्ड पे सारी खबरें आती है। अब यार ये जो पूरा एपिसोड है, ये जो पूरा राइटअप है जो अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, ये फ्रेंको प्रशियन वॉर के टाइम का है, तो उस वक्त व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था या फिर कॉल नहीं हुआ करता था कि हम बता दें हाँ यार वॉर हार गए, ऐसा नहीं होता था, तो ना ही कबूतरों के थ्रू चिट्ठियां आती थी, तो जो भी मैटर होता था उसे आकर बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाता था, तो साथ ही साथ में सोल्जर्स को भी पता चल जाता था और गांव वालों को भी पता चल जाता था कि क्या मैटर है। अब ये बुलेटिन बोर्ड इतना मनहूस था कि सारी की सारी बुरी खबरें इससे आया करती थी, एक अच्छी खबर नहीं आई इसकी, और आज इसके सामने भीड़ थी। तो अब यहाँ पर फ्रांस मन मन में सोचता है तो यार आज इसने कुछ रायता फैलाया है, तो कुछ तो किया है इसने, आज कोई तो प्रॉब्लम है। अब वो ये सोच रहा होता है और वो चाहता है कि वहां जाए और पूछे कि मामला क्या है, इतना छोटा सा पिद्दी सा बच्चा है तो देखूं तो सही मामला क्या है। पर उसे याद आता है कि वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है, उसके ऊपर से उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े, अब यहाँ रुक जाएगा तो एमएमएल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले उसे, तो इसीलिए कैसे जैसे वो अपने आप को वहां से बचाता है और भागता है। वो जैसे भाग रहा होता है बुलेटिन बोर्ड पे एक ब्लैकस्मिथ वॉचर नाम का ब्लैकस्मिथ अपने छोटू के साथ में खड़ा होता है, कह रहा है आराम से जा बेटा, कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से जा, खूब टाइम है तेरे पास। अब वो जैसे ये बोलता है तो फ्रांस को लगता है, कहते यार ये वॉचर पागल हो गया क्या, मेरे स्कूल जाने का टाइम तो कब का निकल चुका है और अब मेरे को कह रहा है आराम से जा, ये क्या हो रहा है, मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा। भागते भागते हाफते हाफते स्कूल के बाहर पहुंचता है, देखता है यार मैं तो काफी लेट हो गया। अब क्या होता है ना, उसने अपना पूरा भरोसा इस पूरे टाइम में पूरा भरोसा एक चीज पे दिखाया होता है कि स्कूल के अंदर शोरगुल होगा, उसे लगता है कि स्कूल के अंदर इतना भारी कमोशन होगा, सारे लोग इस तरीके से ची ची कर रहे होंगे, टीचरें एकदम स्केल से ऐसे मार रहे होंगे, हाँ बच्चे जो है वो एकदम कानों में हाथ डालकर और अपने लेसन रिसाइट कर रहे होंगे, इतनी आवाज होगी कि इस आवाज में छुपके से जाकर मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा और किसी को क्या ही पता चलेगा। अब वो ऐसा सोच के जाता है, पर अब जब वो स्कूल के सामने जा रहा है तो स्कूल ऐसा दिख रहा है जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, यहाँ पर तो सन्नाटा हो चुका है यार, यहाँ पर तो उसके खुद के चलने की आवाज तक आ रही है, वो कहते ये कहाँ आ गया यार मैं,
मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर मेरा इतना अच्छा माहौल होगा जिसके अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाऊंगा, एमएमएल को पता ही नहीं चलेगा, उसे अजीब लगता है। अब वो जाता है अपने क्लासरूम, अब क्लासरूम में जाता है तो यहाँ पर पास में उसको क्लासरूम में से क्रॉस करते हुए विंडोज दिखती है। अब जैसे ही उसे विंडोज दिखती है तो वो देखता है कि यार एक तो मैं लेट हूँ और उसके ऊपर से सारे लोग अपनी सीटों पर बैठ भी चुके हैं, और वो तो इतना कम है ही नहीं, उसके ऊपर से एमएमएल अपना रूलर लेकर चले जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं वो। अब तो बिल्कुल उसे कोई नहीं बचा सकता, आज वो पिटेगा और इसी स्केल से पिटने वाला है भयंकर तरीके से, ये वो डिसाइड कर लेता है। अब क्या करें यार, आ गए हैं तो अंदर भी जाना पड़ेगा, तो वो दरवाजा खोलता है। अब दरवाजा खोलता है तो दो इमोशंस के साथ में वो फिल्ड होता है, एक इमोशन होता है डर कि पटैक एकदम बहुत चाड़ा वाड़ा उसे पड़ने वाला है, और दूसरा इमोशन होता है शर्म। ऐसा नहीं होता आप सबके सामने दरवाजा खोलकर और फिर जा रहे होते हो, एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है और पता भगवान जाने सब देख और रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो दूरी है जो 1 किलोमीटर की हो चुकी है, न जाने क्यों ये बहुत जल्दी से तय हो जाए बस, ठीक है। तो वैसे ही उसके अंदर भी इमोशन होते हैं, वो दरवाजा खोलता है और खोल कर वो जा ही रहा होता है, और इतने में एम हेमल कुछ ऐसा कहते हैं कि वो सोचता है हे माँ, एकदम ऐसा हो जाता है। एम हेमल कहते हैं प्यारे फ्रेंड, प्यारे ये प्यारा किसको बोला आपने, तो प्यारे फ्रेंड तुम बहुत लेट हो गए हो, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वो कहता है कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो आज मेरा आखिरी दिन है क्योंकि ये कैसे मेरे से बात कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, बोलते जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। फ्रेंड जाता है जाकर अपनी सीट पर बैठता, अभी वो बहुत चौंका हुआ है, उसका डर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है पर चौक वो बुरी तरीके से गया। अब इसके बाद में इतना चौंकने के बावजूद भी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अभी और चीजें उसे चौंकाई जा रही है, अभी दो चीजें और है जो उसे सरप्राइज कर देती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये एमएमएल का बिहेवियर उसे सरप्राइज कर देता है, फिर वो देखता है तो एमएमएल के कपड़े, ये एमएमएल ने ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं। एमएमएल वो कपड़े पहन कर आते हैं जो वो संडे को पहनते हैं, जो उनका बेस्ट आउटफिट है, जो वो तब पहनते हैं जब पीटीएम्स होती हैं या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो एमएमएल ने ये कपड़े काहे को पहने हैं। और इसके ऊपर से यहीं पर मुद्दा खत्म नहीं होता, वो पीछे मुड़कर देखता है, जो सबसे सरप्राइज वाला चीज होता है, पीछे मुड़कर देखता है ये जो लास्ट बेंचेस है, बैक बेंचेस है, ये हमेशा खाली रहती थी, हमेशा खाली रहती थी, और आज ये भरी हुई है और यहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए हैं। आप मेयर देख लो, पोस्टमास्टर देख लो, आप हॉजर देख लो, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मुद्दा क्या है यार। इतने में एमएमएल खड़े होते हैं और कहते हैं देखो बच्चों, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्साज और लोरेन के जो स्कूल्स हैं उनकी उनके अंदर अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, और तुम्हारा जर्मन का मास्टर जो है वो कल से आ जाएगा, तो आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन। अब जैसे ये चीज हमारे फ्रेंड्स को सुनाई देती है कि आज आखिरी फ्रेंच लेसन है, तो मैं चाहता हूं कि तुम सब अटेंटिव हो। फ्रेंच इसके बाद, ये फ्रेंच लेसन का आखिरी होने के बाद में फ्रांस कोई बात सुनी नहीं रहा होता, वो सोचता क्या, उसको इतना भयंकर शॉकर लगता, कहते नहीं, क्योंकि अभी तक वो पूरे लैंग्वेज को ऐसे ही सोचता था, उसको बर्डन लगता था, ये किताबें उसे बर्डन लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, कहते बेकार है यार क्या पढ़ाते रहते हैं ये, उसे किताबें बेकार लगती थी, उसे टीचर एरोगेंट लगते थे, क्रैंकी लगते थे, कहते ये भी पागल है, हमेशा हम लोगों के साथ में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हम लोगों को सजा देते रहते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना, टीचर्स एकदम बेकार लग रहे थे उसे, टीचर बेकार लग रहा होता था, किताबें बेकार लग रही होती थी। और सडनली जब उसे ये पता चलता है कि आज फ्रेंच वो आखिरी बार पढ़ने वाला है, तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं, कि मैंने सीखा नहीं अभी तक, मेरे को तो लिखना नहीं आता, मेरे को बोलना नहीं आता है, आप मेरे से मेरी लैंग्वेज कैसे छीन सकते हो। उसे एकदम से ये जो किताबें हैं जो उसे एकदम बेकार लगती थी, अपनी जिगर का टुकड़ा लग रही है यार, अरे यार ये क्या, मैं नहीं दूंगा मेरी किताबें, उसको जिगर का टुकड़ा लगने लग गई है। और जो जो एमएमएल को, आई एम सॉरी, जो एमएमएल को वो बहुत ही क्रैंकी समझता था और बहुत ही एरोगेंट समझता था, वो एमएमएल उसे अच्छे लगने लग गए। इनफैक्ट वो तो ऑलरेडी उन्हें मिस करना शुरू कर चुका है, वो मिस भी करने लग गया एमएमएल को, कि एमएमएल अरे यार एमएमएल तो चले जाएंगे, क्या मैं एमएमएल से फिर से कभी नहीं मिल पाऊंगा, ऑलरेडी वो चीज शुरू हो चुकी है। सो ये बताता है कि जब हमारे पास कोई चीज अबंडेंस में होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, जिस मिनट वो हमसे दूर चली जाती है, हमारा उस चीज के लिए वैल्यू जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, वो इतनी सारी चीजें सोच रहा होता है कि अच्छा इसी वजह से विलेजर्स यहाँ पर आए थे, इसीलिए विलेजर्स यहाँ पर आए थे क्योंकि वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे हमारी लैंग्वेज को, वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे 40 साल की एमएमएल की सर्विस को, वो थैंक यू बोलना चाहते थे, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते थे और अपनी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करना चाहते थे उस देश के लिए जो देश अब उनका नहीं है। बच्चों जब भी वॉर होता है तो जो जो कंट्री जीतती है, जो एरिया जीतता है, वो कोशिश करता है कि वो अपना डोमिनेंस हारने वाले एरिया के ऊपर लगाए,
और वो डोमिनेंस को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका कल्चर खत्म कर दो, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ भी किया था। इनका कल्चर खत्म कर दो, जैसे इनका कल्चर खत्म हो जाएगा इनकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, ये अपने आप हमारे जैसे बन जाएंगे, हमारा डोमिनेंस अपने आप इनके ऊपर आ जाएगा। और ऐसा ही कुछ बर्लिन ने किया। और ये सारी चीजें जब वो ये सोच रहा था, और इतने में एमएमएल ने उसका नाम पुकारा, बोला खड़े हो जाओ फ्रांस, जल्दी से खड़े होकर पार्टिसिपल सुनाओ, क्या तैल ले, कहता आज ही होना था ये, क्यों नहीं बढ़ गया यार मैं आज। वो कहता मैं क्या नहीं कर देता, मैं क्या नहीं कर देता एमएमएल के पूछने पर एकदम चपड़ चपड़ पूरे के पूरे पार्टिसिपल सुनाने के लिए, पर पहले वर्ड के अंदर फंबल कर गया, पहले वर्ड के अंदर ही हार मान ली उसने, उसे आता ही नहीं था, वो पढ़ के ही नहीं आया था। क्यों? ये हमारी वो ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करता है, जिस ह्यूमन टेंडेंसी को हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। कल करेंगे, आज नहीं, आज ये कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, कल ये चीज शुरू करेंगे। देखो कल कहाँ आ गया, कल यहाँ आ गया कि आज आखिरी फ्रेंच लेसन था, और आज जब उसे अपना 100% देना था वो अपना 100% नहीं दे पाया, और वो अपने आप को बहुत ही वहां पर यू नो हेल्पलेस महसूस कर रहा था, और वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था, ये रियलाइजेशन था उसके अंदर। पर इस वक्त एमएमएल ने कहा कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है छोटे फ्रेंड्स, ये गलती हम सबकी है। अरे मैंने भी तो तुम्हारे साथ में ऐसा ही किया है, मुझे भी जब फिशिंग जाना होता था तो मैं तुम लोगों को छुट्टियां दे दिया करता था, कितनी बार तो मैं तुमसे मेरे काम करवाया करता था, और तुम्हारे पेरेंट्स कुछ चंद पैसों के लिए तुम्हें फार्म्स पे, तुम्हें मिल्स के अंदर काम कराया करते थे, तुम तो खैर बच्चे हो। तो हम सबकी गलती है, हम सबकी गलती है, पूरे एल्साज की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हर चीज को कल तक टालते हैं, और देखो कल हमें कहां लेकर आ गया। अब उन लोगों को ये मौका मिल जाएगा हमें कहने का कि क्या फ्रेंचमैन कहते हो तुम अपने आप को, ना बोलना आता है ना लिखना आता है। फिर वो बताते हैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के साथ में, वो ये भी बताते हैं कि उनकी लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। अब बच्चों ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज फ्रेंच है, हर इंसान को अपनी लैंग्वेज खूबसूरत लगती है यार। आप लोग इतनी सारी लैंग्वेज जो यहाँ पर बोलते हो, मैं अपनी लैंग्वेज या आप अपनी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज की जब भी बात आएगी तो हमें तो हमारी लैंग्वेज खूबसूरत ही लगेगी ना, हम सबको अपनी लैंग्वेजेस खूबसूरत लगती हैं। और बस यही चीज जो है, यही जो प्यार है, ये प्यार उन्होंने बताया, बोला दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, और इसीलिए तुम्हें इसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि जब तक तुम इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखोगे तब तक तुम्हारे पास इस जेल से आजाद होने की चाबी रहेगी, तुम्हारे अंदर तुम्हारा देश जिंदा रहेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी जिंदा रहेगी, तो चाहे लोग तुम पे कितना भी डोमिनेंस जमा ले तुम फ्री हो पाओ। यहां पर एक और थीम है चैप्टर का, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म और लैंग्वेज के लिए प्यार। एमएमएल जो कह रहे हैं ये लैंग्वेज के लिए प्यार है बच्चों, तुम्हें अपना लैंग्वेज अच्छा लगता है, मुझे अपना लैंग्वेज अच्छा लगता है, मैं अपने लैंग्वेज से प्यार करती हूँ, ये मेरा प्यार है। पर जिस दिन मैं आकर ये कहने लगूँ ना ना अरे तुम्हारी लैंग्वेज ना ना इतनी अच्छी नहीं है तुम्हारी लैंग्वेज, लैंग्वेज तो हमारी बढ़िया है, देखो ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, चुपचाप बोलो, बोलना शुरू करो, चलो मेरी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी तुम्हें। ये होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। आप प्यार करो अपनी लैंग्वेज को, आप प्रमोट करो अपनी लैंग्वेज को, पर आप थोपो मत किसी और पे। और ये जो बर्लिन वाले लोग कर रहे थे ये थोप ही रहे थे अपनी लैंग्वेज किसी और पे, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एमएमएल ने पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो इतने पेशेंस के साथ में पढ़ा रहे थे, इतने पेशेंस के साथ में, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब कुछ उन्हें जो आता है फ्रेंच के बारे में वो सब कुछ आज बच्चों को दे देना चाहते हो। और बच्चे भी इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे थे। फ्रांस तो कहता है मेरे को पहली बार ये सब समझ में आ रहा है जो ये कह रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं आज पहली बार समझ आ रहा है मेरे को, तो न जाने उसको क्योंकि जाती भी दिख रही थी लैंग्वेज पे, एक अजीब सा कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर डेवलप हो चुका था, वो और अच्छे से सुन रहा था, चीजें और ईजी लग रही थी उसे। और ऐसे ही एक एक करके सारे लेसन हुए। राइटिंग के लेसन के लिए एक छोटे गिफ्ट के रूप में एमएमएल बच्चों के लिए कॉपीज भी लेकर आए थे, जो पूरे के पूरे क्लासरूम में फ्लैग्स के जैसी दिख रही थी। सारे बच्चे अपना राइटिंग का सेशन वहां पर कर रहे थे, और सिर्फ आवाज आ रही थी तो पेंसिल या पेन की कॉपी पे एकदम लिखने की, एंड दैट्स इट। सारे लोग इतना फोकस के साथ में काम कर रहे थे, मतलब यहाँ पर छोटे बच्चे भी अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, इनफैक्ट पिजन्स भी ध्यान दे रहे थे, पिजन्स भी अपने हाथों से अपने कॉज से ऐसे 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 स्क्रैच कर रहे थे जैसे कि वो भी राइटिंग कर रहे हो। फ्रांस कहता है, कहते यार ये लोग इतने ताकतवर है क्या,
कि हमसे हमारी मदर टंग छीन ली तो इनसे भी अपनी मदर टंग छीन लेंगे। ये इतने ताकतवर हैं क्या कि इनको भी बोलेंगे चलो जर्मन में कुक करके दिखाओ। हाँ ये ऐसे हैं क्या? तो वो ये सोच रहा था, और इस बीच में जब भी वो रुकता वो एमएमएल को देखता। एमएमएल अपनी सीट पर बैठे रहते और क्लासरूम के एक एक कोने को देखते रहते। 40 साल एमएमएल ने यहाँ पर दिए थे, कुछ नहीं बदला था, बस गार्डन के ट्रीज बड़े हो गए थे, ये जो बेंचेस हैं ये सारी थोड़ी घिस गई होंगी, बाकी यहाँ पर वो 40 साल उनकी आंखों के सामने आ गए होंगे। सोचो कितना दिल उनका टूट गया होगा। इनफैक्ट ये सुनकर भी कि ऊपर उनकी जो बहन है वो ट्रंक में सारे कपड़े वपड़े बांध रही थी, पूरी पैकिंग कर रही थी क्योंकि कल उन्हें देश छोड़कर जाना था, पर फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो लास्ट तक एक एक पूरा अपना सेशन जो है वो डिलीवर करके जाएंगे और बच्चों की एक एक बात सुनकर जाएंगे यहाँ से। सोचो इतना ज्यादा इमोशन पूरे के पूरे क्लास में आ गया था कि हॉजर को पढ़ना नहीं आता था तो वो भी अपनी किताब लेकर आया था प्राइमरी की, तो वो भी वहां पर बच्चों के साथ में अल्फाबेट्स को चैंट कर रहा था। अब यार ऐसा होता है ना, दोस्ती हो जाती है। आप किसी एक एरिया में रहते हो, उस एरिया के डॉक्टर से, अकाउंटेंट से, वकील साहब से, हाँ सब लोगों से एकदम ऐसे दोस्ती हो जाती है। अब ये हॉजर जो है उसकी अलग दोस्ती हो चुकी थी एमएमएल से। एमएमएल जा रहे थे इस वजह से वो बहुत दुखी था, पर उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए वो भी वहां पर अल्फाबेट पढ़ रहा था, उसे रोना आ रहा था, तो वो एकदम कपकपाती आवाज में पढ़े जा रहा था। सारे लोग उसे सुनकर हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। और इतने में 12 बज गए। जैसे ही 12 बज गए तो एकदम से आफ्टरनून प्रेयर जो है उनकी शुरू हो गई। आफ्टरनून प्रेयर के साथ साथ में उनके विंडो के नीचे प्रशियन सोल्जर्स आ गए और एकदम उन्हें एक सिग्नल देने लग गए कि बस अभी स्कूल खाली करो, काम खत्म हो गया है। और जैसे ही उन्होंने वहां पर ट्रम्पेट ब्लो किया, इतने में एमएमएल खड़े हो गए, जैसे कि वो कोई एक स्पीच देना चाहते हों, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हों। उन्होंने आय से शुरुआत करी, पर पता नहीं कुछ तो उन्हें चोक कर गया, वो उनके इमोशंस थे, वो बहुत इमोशनल हो गए थे और फिर वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो बस एक पीस ऑफ चॉक उन्होंने लिया और बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, वी लव फैंस, जुग जुग जियो फैंस, खूब जियो। एकदम ऐसे बड़ा बड़ा उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ये चीज ये बताती है कि अगर उनके बुलेटिन बोर्ड में ये ताकत है कि वो हमसे हमारी लैंग्वेज छीन सकते हैं, तो मेरे ब्लैक बोर्ड में यानी कि मेरे एजुकेशन में भी ये ताकत है कि हम हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कुछ और नहीं कह पा रहे थे, एंड दैट इज व्हेन उन्होंने सिग्नल किया, अपने एक जेस्चर शो किया और बोला स्कूल डिसमिस हो गया है, तुम जा सकते हो। ये था आपका लेसन, द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। सब थीम्स एंड थीम्स मैं साथ में बताती हुई चल रही थी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स है तो फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। ये पूरी की पूरी समरी यहाँ पर है। ये समरी आपको अभी ये टाइम पर यही करना चाहिए। आप ये एक बार पढ़ लोगे, आपका चैप्टर एकदम खलास हो जाएगा, एकदम अच्छे से प्रिपेयर। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं आपके लिए, तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। और बच्चों को हो गया है क्लियर, गॉट द चैप्टर, एकदम क्लियर, स्प्राइट क्लियर, वीव ला फ्रांस। इसके अंदर बहुत सारे थीम्स हैं बच्चे, बहुत सारे थीम्स हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं आइडेंटिटी और कल्चर का थीम है, तो कहीं हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है प्रोक्रास्टिनेशन की, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अबंडेंस जब होता है तब हम किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करते, किसी चीज़ की स्कैर्सिटी हमें उसे उसकी वैल्यू करवाती है। इसके साथ में हमने देखा है कि कितना पावर है एजुकेशन के अंदर, लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी का प्रतीक होती है, ये सारे थीम्स इसके अंदर आ सकते हैं। थंडर क्लैप, अच्छा एक्चुअली थंडर क्लैप का मतलब होता है एकदम से चौक जाना। अब जैसे अभी आराम से आया वो, हाँ फ्रांस, छोटा फ्रांस आराम से आया, उसे अभी कुछ नहीं पता है, वो आया है, बैठा है, उसे शॉकर पे शॉकर लगे जा रहे हैं और उसके ऊपर से हीज लाइक, अभी उसको सुनने में आया कि अब से वो पढ़ेगा ही नहीं, जो किताब उसे फालतू लगती थी वो एकदम जिगर का टुकड़ा लगने लग गई उसे। उसे लग रहा था, वो ये सोच रहा था कि एमएमएल जा क्यों रहे हैं यार। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, जैसे अभी अभी तुम्हारा भी फेयरवेल हुआ होगा, तो ऐसा नहीं होता, स्कूल के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, पूरे स्कूल के अंदर हम उनसे नफरत कर रहे होते हैं, मतलब बहुत गंदे हैं यार ये, और जब फेयरवेल पे जाते हैं तो वो एकदम एक बार देख के हंस देते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है अरे यार क्या यार, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, एकदम वैसा ही फीलिंग था। अबन वील डू वोकैबुलरी लेटर, मतलब मैंने वैसे तो आप अगर एनसीईआरटी खोलकर भी बैठोगे तो सारी चीजें कवर होती भी जाएंगी।
रिप्रोच का मतलब पता है क्या होता है? ब्लेम करना होता है। तो वो कहते हैं कि देखो यार, यहाँ पर जो है ये जो ब्लेम करने वाली बात है कि फ्रांस कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहा था, जो वो पढ़कर नहीं आया था। आज एमएमएल उसे नहीं डांटना चाहते थे, आज उन्होंने बोल दिया था कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वो कहते हैं कि ये ब्लेम हम सब पे होना चाहिए, क्योंकि गलती सिर्फ और सिर्फ फ्रांस या छोटे बच्चों की नहीं है। अरे जब माँ बाप ही यहाँ पर अपने लैंग्वेज को इतना ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, खुद कभी स्कूल नहीं गए हैं और बच्चों से सिर्फ और सिर्फ काम करा रहे हैं, तो फिर बच्चों को क्या दोष दें? और जहाँ पर टीचर खुद कह रहा है कि मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, आज की छुट्टी है, बाय बाय, तो बच्चों को क्या कहें? हाँ, और जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मेरे को, मैं बच्चों से काम करा रहा हूँ, कह रहे हैं चलो पौधों में पानी दे दो, तो बच्चों को कुछ नहीं कह सकते ना। तो वही चीज जो है यहाँ पर शो की गई है कि ये ब्लेम सबको करना चाहिए। हौजर नाम है मेरी जान। वाई एमएमएल लुक टॉल? क्योंकि वो रिस्पेक्ट में बढ़ गए थे। आज तक ऐसा होता है ना कि हम किसी एक इंसान को, मतलब बेसिकली ये हाइट से रिलेटेड नहीं है, वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। आज तक वो एमएमएल को बहुत एरोगेंट क्रैंकी टीचर के जैसे देखते थे। अरे यार रोज डांटते रहते हैं यार, रोज क्वेश्चन पूछते रहता है, क्यों करता है ऐसा एमएमएल? आज एमएमएल की ये ताकत देख के कि एमएमएल लास्ट तक बच्चों बच्चों के साथ में क्वेश्चंस कर रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे, अपना 100% देकर जाना चाहते थे, चाहे उनका दिल अंदर से टूटे जा रहा था, बट वो वहां पर बैठे हुए थे। ये ताकत उनकी देखकर फ्रांस को फील हो रहा था कि उनके लिए, मतलब एमएमएल के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, देखो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो लैंग्वेज से जुड़ा हो, और शोविनिज्म का मतलब होता है डोमिनेंस। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म यहाँ पर बर्लिन ने किया था, अपना अपने लैंग्वेज को आपके ऊपर थोप दिया था। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करके देखना जरा, थोड़ा सा पता लगेगा मैम ने जो पढ़ाया उसमें बच्चे सो रहे थे कि क्या हो रहा था। Concluding his last lesson by writing "Vive la France" on the blackboard shows that MML was overwhelmed with emotions, wanted to distract all attending class that day, was keen on not leaving the country, wanted to teach French participants through it. What do you think is the correct answer? This is a previous year question, everyone. और ये मेरे सारे के सारे जागते हुए बच्चे, चमकते हुए सितारे। अरे वाह क्या बात है, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दे दिया है। यहाँ पर वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, वो एकदम इमोशन से भरे हुए थे, वो इमोशन से एकदम फिल्ड थे, और इसी वजह से बस उन्होंने अपने इमोशन के लिए यही बोला, इमोशन में यही बोला कि मैं जा रहा हूँ दूसरे कंट्री में, पर मेरे देश तो जुग जुग जी। ऑल राइट, इसी से जुड़े हुए चैप्टर से जुड़े हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हैं, और आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलना हमारे टेलीग्राम क्लास 12 बाय अनअकैडमी से, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ऑलरेडी वहां मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वहां पे आप बैठकर सारा सॉल्व कर सकते हो, और आंसर जो है वो मैंने लिख रखे हैं तो करके आपको भेज दूंगी। ऑल राइट, तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कमेंट वाले क्वेश्चंस खतरनाक है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेजर्स सिटिंग एट द बैक इन एमएमएल्स क्लासरूम। ये सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, आपको बताना है कि वो जो विलेजर्स हैं उन विलेजर्स को अलग से अल्फोंस डॉडेट ने क्यों बताया, तो चैप्टर में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है ये बताना चाहते हैं, कि कैसे वो बाय बाय करना चाहते थे एमएमएल को। वो वहां पर इकट्ठा इसके लिए हुए थे क्योंकि वो भी सॉरी थे कि वो स्कूल कभी अटेंड नहीं किए, वो भी कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहते थे एमएमएल को उनकी 40 साल की सर्विसेज के लिए, वो रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे उस कंट्री को जो कंट्री उनकी है ही नहीं। अरे वाह, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट, कॉमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। कहा था ना ये सबसे बड़ा थीम है इसका, आपको किसी भी चीज की वैल्यू तभी पता चलती है जब आप उसे खो चुके होते हो। ये तो अपने करंट सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर दोनों चीजें बतानी है। पहले तो बताना है कि जब उन्होंने वो चीज खोई उनका लॉस, और इसके साथ में अब उनको कैसा फील हो रहा है कि चलो उनसे तो उनका आइडेंटिटी ही छिन गया है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। हाँ जी, ह्यूमन टेंडेंसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है लॉ स्प्रिंग। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, लॉ स्प्रिंग। और आपको तो पता ही है, मैंने आपको अभी अभी ओ ये क्या हो गया,
हाँ जी, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ, तो फटाफट से वाटर ब्रेक ले लीजिए जल्दी से, बिना पानी के इतने देर तक नहीं बैठने का। हॉजर कौन था? एक कैरेक्टर है बेटा, विलेजर्स जो है, मतलब ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से विलेजर्स जो है वो वहां पर आए थे, तो विलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे, नेचुरली MML इतने सालों तक वहां पर रहे, तो विलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे वो सब लोग वहां पर आए थे MML को फेयरवेल देने के लिए, अपनी लैंग्वेज को फेयरवेल देने के लिए, क्योंकि अब उनकी लैंग्वेज भी उनकी नहीं रही थी। अनीस जंग ओपी, ओके। अनीस जंग ने लिखा है बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, नाम है लॉस्ट स्प्रिंग एक्सर्प्ट है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। सो आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया है, एक कुछ ऐसी स्टोरीज ढूंढी है इधर उधर से सारे लोगों से बात करके, जो स्टोरीज क्या बताती है, जो स्टोरीज किस बारे में, बाय द वे, जो स्टोरीज डिस्कस करती हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिन बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया। देखो यार, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनका बचपन जो है वो जीने दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हालातों के आगे या कॉन्सिक्वेंसेज या सर्कमस्टेंसेस के चलते कभी कभी अपना बचपन खो देते हैं और बहुत ही जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। ऐसी ही दो कहानियां उन्होंने बताई है, जिसमें एक है साहिब और दूसरा बच्चा है मुकेश। पहली जो स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, साहिब की स्टोरी है। अब साहिब एक रैग पिकर है, यानी कि कचरा बीनने वाला है। ओके, साहिब को वो कैसे जानती है, तो वो बताती है कि मेरे मोहल्ले के अंदर साहिब रोज जो है आया करता है, और साहिब आता है और जैसे वहां पर कचरे का डब्बा है उसमें जाता है, ढूंढता रहता है, कुछ तो ढूंढता रहता है। अब वो वहां पर कुछ तो ढूंढता रहता है, सर्च करता रहता है, कोई वैल्यूबल चीज मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं पैसे कमा सकूं, है ना, वो ये सोचता रहता है। तो एक दिन अनीस जंग उससे पूछ ही लेती है कि तेरे पास कोई काम नहीं है क्या यार, हाँ स्कूल वूल जा, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर। कहता मेरे मेरे मोहल्ले में स्कूल है ही नहीं, कहाँ पर जाऊँ। तो बोला अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे लिए स्कूल बनाऊंगी तो तू आएगा? तो साहिब कहता आप स्कूल बनाओगे? आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। अब वो वहां पर एक ऐसा प्रॉमिस उसे कर देती है जिस प्रॉमिस को ना तो वो खुद कीप करना चाहती है, उसे एक मजाक मजाक के अंदर वो कह देती है ये जानने के लिए कि उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है भी कि नहीं। साहिब उसे इतना सीरियस ले लेता है कि थोड़े दिनों में वहां पर भागते हुए आता है और पूछता आपने स्कूल बना दिया क्या, आप कह रहे थे ना कि आप स्कूल बनाओगे। भागते भागते आता है और पूछता है। अनीश जंग को बहुत शर्मिंदगी होती है ये देखकर कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस साहिब को कर दिया है जो वो बिल्कुल कीप भी नहीं कर सकती है। मतलब इतने समय के साथ में उन्होंने यहाँ पर अपने एरिया के अंदर साहिब जैसे न जाने कितने बच्चों को देखा है, कितने सारे बच्चे हैं जिनको वो मॉर्निंग बर्ड्स बोलती हैं। उन्हें मॉर्निंग बर्ड्स के साथ इसके लिए कंपेयर किया गया है क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं और बर्ड्स के जैसे चहकते रहते हैं। इसके साथ में क्योंकि ये आर्मी है बेयरफुट बॉयज की, ये नंगे पांव बस इधर उधर ही घूमते रहते हैं, कचरा बीनते रहते हैं, और जैसे सुबह सुबह एकदम चिड़िया निकलती है और दोपहर में गर्मी के कारण वो अंदर छुप जाती है, एग्जैक्टली ऐसे ही है ये बच्चे। नंगे पांव आते हैं सुबह सुबह और जैसे ही धरती गर्म होने लग जाती है इतने में वो वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग इतना बेसिक, मतलब इतना बेसिक कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पाँव में चप्पल तका तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका सोचो उनका जिंदगी कैसे गुजरता होगा। इन सबको वो रेकग्नाइज जरूर करने लग गई है बेयरफुट बॉयज के जैसे, बट डेफिनेटली वो उन्हें अच्छे से जानती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका नाम जानती है, वो तो इनफैक्ट साहिब का नाम भी नहीं जानती थी। वो तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने साहिब से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और साहिब ने बताया कि उसका नाम साहिब आलम है। तब जाके उन्हें पता चला कि साहिब का नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और जब उसने ये सोचा, उन्होंने उनका नाम सुना, तो उसे ऐसा लगा, उन्हें ऐसा लगा कि यार अगर मैं साहिब को बताऊंगी कि तेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो उसे मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा यार, क्योंकि वो एक रैग पिकर है। और ये सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पर कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलती है। कमिंग बैक टू बेयरफुट बॉयज वाला पॉइंट, कि ये लोग नंगे पाँव घूमते रहते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत सारी जगह पे लोगों को नंगे पाँव घूमते हुए देखा है। पूछने पर सारे लोग इसे एक ट्रेडिशन बुलाते हैं, पर अनीस जंग का ये मानना है कि ये नंगे पाँव घूमने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पावर्टी से आता है, ये अपनी परपेचुअल पावर्टी को छुपाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। इसके साथ साथ में उन्होंने उन्हें इससे एक स्टोरी याद आती है जो एक इंसान ने उनसे कही थी जो उडुपी उडुपी से बिलोंग करता है। वो कहता है कि वो जब वहां पर रहा करता था और उसके पापा जो है वो एक इसमें मंदिर के अंदर पंडित हुआ करते थे, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो जूते ले सके। आज
30 साल बाद जब यूडीपी इतना ज्यादा और वो मंदिर इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, मतलब एरिया इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, चाहे मंदिर की हालत खराब हो, वहां पर जो पंडित है और उनका जो बेटा है वो ना तो सिर्फ जूते अच्छे पहन सकता है, वो स्कूल जाता है, उसके पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, इनफैक्ट उसके पास इतना कुछ है कि वो जैसे ही स्कूल से वापस आता है, पटका ये इधर इधर फेंका, टाई फेंका, जूते फेंके, सॉक्स फेंका, ऐसे बैग फेंका, तो अभी उनको पता चलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी हैं, पर ये सारी चीजें सीमापुरी में चेंज नहीं हुई है जहाँ से साहिब बिलोंग करता है। अब ये सीमापुरी क्या है? सीमापुरी जो है वो ईस्ट दिल्ली के अंदर एक ऐसा एरिया है, मतलब एक्चुअली दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है, आप मान सकते हो कि दिल्ली की जान है, दिल्ली का हिस्सा है, बट कहीं ना कहीं दिल्ली से कोसों दूर है। हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं ना कि दिल्ली या कोई भी एक सिटी जो होती है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेस होती है वो वही होती है जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है। नहीं, आपकी देश की जो जनता जहाँ पर रह रही होती है और ऐसे कंडीशंस के अंदर रह रही होती है जहाँ पर उन्हें बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो उस जगह को छोड़कर नहीं जा रही है, वहां पर आपकी जान बचती है, एंड दैट इज वाई मैंने सीमापुरी को वैसे बताया। तो अभी यहाँ पर जो है एकदम से उन्हें पता चलता है कि ये जो है ये सीमापुरी से आते हैं। अब ये सीमापुरी में अकेला साहिब नहीं रहता है, न जाने कितने सारे रैग पिकर्स, एक टैली उन्होंने बताई थी 10,000 रैग पिकर्स की जो वहां पर रहती हैं, और ये 10,000 रैग पिकर्स जो हैं वो बिना एमिनिटीज के रहते हैं। उन्होंने ट्रांजिट होम्स तो बना लिए हैं, चलते फिरते घर तो बना लिए हैं जो कि टेम्पररी घर है उनके, और उसके ऊपर टीन शेड लगाकर वो कैसे जैसे रह तो लेते हैं, बट ना तो वहां पर क्लीन वाटर आता है, ना तो क्लियर वाटर है जिसको वो पी सकते हैं, और ना ही वहां पर कोई ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम है। ऐसी गंदगी के अंदर वो लोग जीते हैं और उनके ऊपर कोई भी ख्याल नहीं रखता, उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता। इनफैक्ट उनके पास तो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी नहीं है। और इसी पॉइंट से मैं आपको बांग्लादेश वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाती हूँ। एक्चुअली साहिब और साहिब की फैमिली जो है वो ढाका से है जो कि बांग्लादेश में है, और ढाका से वो लोग यहाँ पर आए हैं, और उसी के जैसे न जाने कितने सारे लोग हैं जो ढाका से यहाँ पर आए हैं 1971 में। अब ये 1971 से यहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली में, सीमापुरी में रह रहे हैं, और इनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये वॉर के रेफ्यूजीज हैं। आपको बता देती हूँ कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान हुआ करता था, और पाकिस्तान और दूसरे पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होने के कारण बांग्लादेश अपना हक मांगने लगा, और नेचुरली उसको अपना हक चाहिए था, वहां पर रहने वाली पॉपुलेशन को अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, और इसी की वजह से उन दोनों के बीच में वॉर हो गया। इस वॉर के चलते बहुत सारे लोग, मैं अगर आपको टैली दूं तो कम से कम नहीं भी तो 80 लाख लोग ऐसे थे जो उस वक्त भारत के अंदर एंटर हुए थे। भारत के अंदर ये एंटर हुए, भारत ने जब ये सारी चीजें देखी भी थी तो ना तो भारत ने सिर्फ उन्हें जगह दी, बट इसके साथ साथ में भारत ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई भी की। और इसी वक्त इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था, 1971 वाला वॉर, जिसमें इंडिया बड़े ही शान के साथ में जीता भी था, और यहीं से जन्म लिया बांग्लादेश ने। तो ये जितने भी लोग हैं जो 1971 से यहाँ पर आए हैं और सीमापुरी में रह रहे हैं, ये सारे लोग बस उसी टाइम के लोग हैं, और इनको कोई आइडेंटिटी नहीं दी जाती है। इनफैक्ट जब इनसे ये पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशंस के अंदर क्यों रह रहे हो, तुम अपने देश के अंदर रह सकते थे जहाँ पर इतनी हरियाली थी, इतना सब कुछ हरा भरा था, तो वो लोग ये कहते हैं कि क्या करेंगे वहाँ पर रहकर जिस देश की जमीन हमें 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती है। यहाँ पर रहकर अगर हम लोग भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, अगर हमारा पेट दर्द नहीं करता है सोते टाइम, तो हम यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। उनके लिए आइडेंटिटी इतना मैटर नहीं करता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें आप बांग्लादेशी कहोगे या भारतीय है, उनके लिए मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ फूड। और इसी चीज को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका फायदा उठाते हैं, इन्हें राशन कार्ड दे देते हैं ताकि इन्हें अनाज जो है वो सस्ते में मिले, और उससे इनके इनको वोट बैंक की जैसे ट्रीट किया जाता है और फिर इनसे वोट्स लिए जाते हैं। कोई यहाँ पर इस चीज पे फोकस नहीं करता है कि इन लोगों की लाइफस्टाइल क्या है और ये यहाँ पर कैसे जी रहे हैं, ना इनकी कोई आइडेंटिटी है, सिर्फ और सिर्फ वोटर्स और वोट बैंक के जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, और सीमापुरी में वो एक तरीका है रैग पिकर। यहाँ पर माँ बाप जो है वो रैग पिकिंग कर रहे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो इन्हीं टेंट्स के अंदर, इसी सीमापुरी के अंदर जो बड़े होते हैं वो भी रैग पिकिंग सीख जाते हैं। रैग पिकिंग तो मानो जैसे कि सीमापुरी में एक आर्ट बन चुकी है, एक ऐसी कला बन चुकी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने मास्टर कर ली है। अब ये रैग पिकिंग का भी ना सब लोगों के लिए अपना एक अलग मतलब है। जहां पर एडल्ट्स के लिए रैग पिकिंग का मतलब 2 वक्त का रोटी है, क्योंकि यहाँ पर वो रैग पिकिंग करके जो चीजें बेच के आते हैं उसे उसकी एक एनकैशमेंट वैल्यू होती है,
वहां पर बच्चों के लिए एकदम ये रैप्ड है वंडर के अंदर, इन लोगों के लिए गेम है कि चलो चलो वहां पर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। साहिब कहता है कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा गेम बन चुका है सच में, है ना। इतना मजा उन्हें यहाँ पर आ रहा होता है, बट ये इतना ही इजी नहीं है और ऐसी जिंदगी नहीं चलती रहती है। आपको पता है एक दिन की बात है कि अनीस जंग साहिब को देखती है, उसने काफी अजीब सी फीके कलर की शर्ट पहनी हुई होती है और नीचे टेनिस शूज पहने हुए होते हैं, और वो एक टेनिस क्लब के बाहर कोर्ट के बाहर खड़ा होता है, और वो वहां पर खड़े खड़े अनीस जंग को बोलता है मुझे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है, और उसे पता भी नहीं है कि ये गेम क्या है, और उसे ये भी नहीं पता है कि उसने जो जूते पहन रखे हैं वो भी इस गेम के हैं। फिर वो कहता है आपको पता है वो जो गार अंकल है ना, वो मुझे अंदर जाने देते हैं और मुझे झूले भी झूलने देते हैं। उसकी इस खुशी को देखकर अनीस जंग बहुत खुश होती है। अनीस जंग उसके पैर में जूते देखकर भी बहुत खुश होती है, क्योंकि शायद उसका सपना जो है वो सच हो गया है, उसको जूते मिल गए हैं जो कि वो कहता है कि किसी एक इंसान ने उसे दिए हैं, शायद किसी रिच इंसान ने उसे दे दिए होंगे क्योंकि उसमें एक छेद हो गया होगा, पर साहिब के लिए तो सच में वो सपना ही उसका साकार हो गया है। बट वो जो गेम देख रहा है वो एक ऐसा लेजर एक्टिविटी, एक ऐसा गेम है जो शायद साहिब कभी भी नहीं खेल पाएगा, जो जिंदगी में नहीं लिखा है साहिब के, एंड दैट इज वाई वो उसके कभी नहीं खेल पाएगा। तो ये अनीस जंग अच्छे से समझती है, ये चीज वो अच्छे से जानती है। एंड देन कुछ दिनों के बाद में वापस से साहिब उन्हें मिलता है। इस बार साहिब के हाथ में केतली होती है और उस केतली को लेकर वो एक चाय की दुकान की तरफ जा रहा होता है, और जैसे ही अनीस जंग वहां पर मिलती है तो वो कहता है कि अब मैं वहां काम करता हूँ, उस टी स्टॉल में काम करता हूँ। वो इशारा करता है और कहता है कि वहां पर मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और 2 वक्त का खाना दिया जाता है। एक एक रुपए कमाने वाला साहिब, 10 10 रुपए कमाने वाला साहिब और भूखे पेट सोने वाले साहिब को 800 रुपए दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ में उसे 2 वक्त का खाना भी दिया जाता है। साहिब के लिए तो ये सपने जैसा होगा नहीं, साहिब को तो खुश हो जाना चाहिए ये चीज सुन के, पर साहिब खुश नहीं है। उसके चेहरे का वो जो चाम है, उसके चेहरे की जो हंसी है, वो कहीं पर चली गई है, क्योंकि अब वो अपना मालिक खुद नहीं रहा है। उस झोले को उठा के सारे लोगों के साथ में वो चला करता था, हर जगह पे वो जाया करता था और जाकर एक-एक चीजें उठाया करता था, रोज कुछ नई चीज मिलने की उसे खुशी हुआ करती थी, वो अपना मालिक खुद था। अब ये जो उसके हाथ में केतली है ये उस टी स्टॉल के ओनर की है, एंड दैट इज वाई उसका बचपन जो है वो गरीबी के हाथों छिन गया है। ऑल राइट तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि गरीबी के हाथों, इन सर्कमस्टेंसेस के हाथों बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है और इसके लिए कोई कुछ करता भी नहीं है। अनीस जंग सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व कर सकती है और इन बच्चों के लिए आवाज उठा सकती है, हमारे तक पहुंचा सकती है, बट इससे ज्यादा वो भी नहीं कर सकती कुछ। इस मामले के अंदर सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इन बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। वो लोग जो सीमापुरी में रहते हैं और ऐसे न जाने कितने सारे एरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि कैसे भी हो, कहीं से भी वो लोग आए हो, हमारे देश का, भारत का वो हिस्सा है और उन्हें वो चीज़ हमेशा मिलनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमें समझाने की, ये पार्ट हमें समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसे लिखा है अनिल जंग ने, बट इसके प्रोटैगनिस्ट है मुकेश। मुकेश एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसने एक सपना देखा है, और उसका सपना ये है कि वो मोटा मैकेनिक बनेगा। और जैसे ही अनीस जग उससे पूछती है कि तुम्हें मोटा मैकेनिक बनना है, और वो एकदम एकदम ऐसी चीज बोलता है कि हाँ मैं मोटा मैकेनिक बनूंगा, उस डिटर्मिनेशन के साथ में जब वो ये चीज बोलता है तो अनीस जग को ऐसा लगता है जैसे कि उसका ये बोलना सिर्फ एक ख्वाब के जैसा है उसके लिए। ये एक ऐसा लगता है जैसे कि उसका ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब फिरोजाबाद की गलियों के अंदर धुआं हो जाएगा। ऐसा इसके लिए क्योंकि मुकेश जो है वो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। फिरोजाबाद जो कि ग्लास ब्लोइंग, देश की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, यानी कि कांच की चीजें सारी वहां से बनाई जाती है, एंड देश का सबसे बड़ा बैंगल मेकिंग, ग्लास बैंगल्स का मार्केट वहां पर ही है, वहीं पर बैंगल मेकिंग होती है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो हर एक जो घर है वो बैंगल मेकिंग के अंदर इंडल्ज है, हर दूसरे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग होती है, और वहां पर इतनी सारी पुश्तें बैंगल मेकिंग करे जा रही है कि मुकेश का ये कह पाना कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो कम से कम उस डायरेक्शन के अंदर कोई स्टेप ले रहा है, उसने सपना देखा है। फिरोजाबाद के अंदर इस बैगल मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जब तक वो मैटर है, सबसे पहली बात तो ये है कि
कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री बहुत ही हजार्डस इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर इतने सारे लोग काम करते हैं जिसमें से 20,000 बच्चे काम करते हैं। इन सारे के सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि ये बच्चों को, पहली बात तो चाइल्ड लेबर देश के अंदर प्रोहिबिटेड है, और उसके ऊपर से हजार्डस इंडस्ट्री के अंदर तो काम कराना बहुत ही बड़ा अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर ये 20,000 बच्चे जो हैं वो फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अगर लॉ को एनफोर्स यहाँ पर करा दिया जाए तो इन 20,000 बच्चों को मुक्ति मिलेगी उन डिंजी सेल्स में, जहाँ पर बैठकर बिना लाइट बिना एयर के वो बैंगल बनाते रहते हैं। वो इस तरीके से यहाँ पर इस बैंगल मेकिंग के अंदर इंडल्ज है, छोटी छोटी उम्र में इतने वो इसके अंदर लग जाते हैं कि जब तक वो 18 साल के होते हैं, मैच्योर होते हैं, देश के यूथ में काउंट होते हैं, तब तक वो अपनी आंखें गवा बैठते हैं। और जब उनका टाइम होता है सच में देश के अंदर कंट्रीब्यूट करने में, देश के इनकम में कंट्रीब्यूट करने में, देश के लिए काम करने में, तब तक तो उनकी आंखें चली जाती है। यार ये हम इंडस्ट्री के लिए, ये जो बिजनेस के लिए है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस कीमत पे कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा इस तरीके से लोगों को लेकर आना, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाना, बच्चों को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाना देश को हैंडीकैप कर रहा है। ये देश का युवा है जो कि देश की फ्यूचर है, और अगर हम इन्हीं का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हम कैसी ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, इस चीज पे पॉइंट करता है ये वाला पैराग्राफ। एंड देन इसके बाद में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से ये सारे के सारे बच्चे जो है वो इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर इंडल्ज हैं। एनीवे इसके बाद में फाइनली वो दोनों मुकेश के घर जाते हैं, जिसमें मुकेश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि मुकेश बड़ा प्राउडली ये बताता है कि वो घर उसका अभी नया नया बन रहा है। सो अभी जैसे ही उसकी गली में जाते हैं तो बड़ी पतली सी गली होती है और सारे घर एक जैसे ही दिखते हैं, बहुत ही कच्चे हाउस वो होते हैं, छोटे छोटे घर जो घर होते हैं और उनके मतलब इतने अच्छे तरीके से वो बनाए हुए नहीं होते हैं, और उन्हीं घरों के अंदर सारे के सारे लोग इंसान और इसके साथ साथ में जानवर वो सब वहीं पर रह रहे होते हैं। नालियां बाहर होती हैं और उन नालियों के अंदर कचरा फंसा हुआ होता है जिसकी वजह से बदबू आ रही होती है, और ऐसे ही किसी हाफ बिल्ड शैक के सामने जाकर मुकेश खड़ा हो जाता है और एक टांग मार के और दरवाज़ा उसका खोल देता है। अब जैसे वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि एक ही रूम है जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है। एक साइड पे चूल्हा है जहाँ पर घर की बहू, जो कि बहुत ही वीक बहुत ही यंग लड़की है, वो वहाँ पर उस चूल्हे पे बैठ कर वहाँ पर खाना बना रही है, पालक की सब्जी बना रही है, और उसके साथ में उस चूल्हे की पूरी धुआं जो है उसकी आंखों में जाए जा रही है, और उसी धुएं वाली आंखों के साथ में वो हंसती है, और पूरी जगह वो देखती है तो ऐसा लगता है, अनीस जंग देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा ये जो घर है ये घर किसी भी दिन गिर सकता है, ऐसी हालत के अंदर वो घर है। वो अपने आप को, वो बहू जो है वो अपने आप को छुपा लेती है दीवार के पीछे जैसे ही घर के बड़े आते हैं, ऐसा ही कस्टम कहता है। अकॉर्डिंग टू कस्टम जो भी बहू होती हैं घर की, उन्हें घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं जो मेल्स हैं उनके सामने नहीं आना होता है, एंड घूंघट करना होता है, पर्दा करना होता है, और वो जाकर इसी वजह से दीवार के पीछे छुप जाती है। इस केस के अंदर इस घर का जो सबसे बड़ा है वो है मुकेश के पापा, और मुकेश के पापा जो यहाँ पर आते हैं, मुकेश के पापा ने इतना सब कुछ किया, बट सोचो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हो रहा है कि वो अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाए, एक डिसेंट घर नहीं बना पाए। पहले वो टेलर के जैसे काम करते थे, फिर वो बैंगल मेकर के जैसे काम किए, और उसके बावजूद भी वो बच्चों को अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए। यहाँ पर ये जो हालत चल रही है, इस हालत पे क्वेश्चन जब अनीस जंग पूछती है मुकेश की ग्रैंड मदर से, तो मुकेश की ग्रैंड मदर ने तो इस हालत को एक्सेप्ट ही कर लिया है यार बच्चों, वो तो कहती है कि ये तो हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है। बोला कि हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। उसका तो ये मानना है कि ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं, ये सब कुछ उनके किस्मत में लिखा हुआ है, ये तो भगवान की देन है, और क्या भगवान की देन को कोई तोड़ सकता है, ये जो लीनियत चलती आ रही है इसे कोई तोड़ सकता है। उन्होंने तो ये मान लिया है कि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर ही कास्ट का ठप्पा लगा हुआ है, और क्योंकि ये कास्ट का ठप्पा यहाँ पर लगा हुआ है वो बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी दूर चल के जब वो आगे जाती हैं तो एक छोटी सी बच्ची जो है वो एकदम बहुत ही फेडेड पिंक कलर की ड्रेस पहनकर वहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम कर रही होती है, और उसके हाथ बैंगल्स में इतनी तेज चल रहे होते हैं जैसे कि कोई मशीन हो। उसका नाम होता है सविता। उसे तो ये भी नहीं पता है कि ये बैंगल्स वो बना किसके लिए रही है। उसको तो नहीं पता है कि किसी एक दिन वो भी दुल्हन बनेगी और वो भी इन बैंगल्स को पहनेगी, और ये बैंगल्स होंगी सुहाग की निशानी। हाँ, हमारे देश के अंदर बैंगल्स को मैरिज की ऑस्पिशियसनेस माना जाता है,
और यही ऑस्पिशियसनेस, यही सुहाग जो है, और इसी सुहाग की निशानी को उसके पास में बैठी हुई दादी जी ने भी पहना हुआ है। वो भी बहुत सालों पहने दुल्हन बनी होगी, पर इस बैंगल मेकिंग के प्रोसेस में उन्होंने शायद चूड़ियां तो पहन ली हैं पर आंखें गंवा दी हैं। वो चूड़ियां पहन चुकी है पर आंखें गवा चुकी है। वो अपनी मैरिज लाइफ को देख तक नहीं सकती, अपनी जिंदगी को भी नहीं देख सकती। उनके पास में जो दादाजी होते हैं, जिनकी दाढ़ी एकदम ऐसे उनके छाती तक पहुंच रही होती है, चेस्ट तक पहुंच रही होती है, वो कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग आता है और मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ, मैं वही कर सकता हूँ, और मैंने मैंने सिर्फ एक डिसेंट घर जो है वो बना लिया है, एंड दैट्स इट, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुन के अनिल सिंह ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो घर तक अचीव नहीं किया है, आज उनकी कितनी बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने घर बना लिया है। ये सारी चीजों को देखकर वो सोच रही होती है कि ये सारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दो तरीके की दुनियाएं उनके सामने आ चुकी होती है, और एक दुनिया जो है वो उन लोगों की होती है जो इस तरीके से इस पूरे के पूरे खेल के अंदर फंसे हुए हैं, और दूसरी दुनिया वो होती है जो इन लोगों का फायदा उठा रहे होते हैं। असल में मुद्दा ये होता है कि अनीस जी यहाँ पर सारे लोगों से बात करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें बैंगल मेकिंग ही करनी है, अगर तुम्हें यू नो यही चीज को परस्यू करना है, तो कम से कम तुम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो, तुम अपने कोऑपरेटिव क्यों नहीं शुरू करते। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अपना कोऑपरेटिव इसलिए शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम कोऑपरेटिव शुरू करेंगे तो पुलिस हमें अंदर कर देगी ये कहकर कि हम कुछ इलीगल धंधा कर रहे हैं। यहाँ से अनीस जंग को पता चलता है कि ये एक विशेष साइकिल है, एक ईविल साइकिल है जो बनाई हुई है, और इस विशेष साइकिल में एक तरफ ये बैंगल मेकर्स है जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जहां पर फिरोजाबाद में एक छोटे बच्चे के ऊपर भी बैंगल मेकिंग का बोझ डाल दिया जाता है इससे पहले कि वो समझ पाए कि बैंगल मेकिंग क्या होता है। उसे तो पता भी नहीं चलता है कि ये बैंगल मेकिंग क्या होता है, और उससे पहले ही उसके कंधों पे उसका बोझ डाल दिया जाता है, और वो बच्चा हिम्मत नहीं कर सकता है उससे निकलने की। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जहां पर पॉलिटिशियन, साहूकार, मिडिलमैन, हाँ पुलिसमैन, आपके कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट, सब लोग मिले हुए हैं और सब मिलके इन्हें एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, और ये एक साइकिल उन्होंने बना दी है जिससे कोई निकल नहीं पा रहा है। कोई बच्चा भी, छोटा बच्चा जिसको पता भी नहीं होता है कि बैंगल मेकिंग क्या होती है, मेरे को करनी भी है नहीं करनी है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि फिरोजाबाद के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों को ये हिम्मत करना तो सिखाया ही नहीं जाता है ना। तो जब इस हिम्मत का एक 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 चिंगारी वो मुकेश के अंदर देखती है, जब मुकेश ये कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो अनीस जंग बहुत खुश होती है। अनीस जंग उसके डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए उसे बोलती है प्लेन उड़ाएगा? मुकेश कहता है नहीं, बनूंगा तो मैं मोटर मैकेनिक ही, क्योंकि मुकेश ने फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन उड़ते हुए देखी नहीं होती है, उसने तो सिर्फ गाड़ियां देखी होती है और उसे तो बस वही करना होता है। दैट्स आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एंड एंड ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। प्रीवियस ईयर questions में पहला क्वेश्चन आ सकता है, साहिब डिस्कार्डेड एंड वोन आउट टेनिस शूज आर एन इंडिकेशन टू प्रोक्योर डिफरेंट वंस, अ ड्रीम कम ट्रू, अ साइन ऑफ हिज पॉवर्टी, एन इंसल्ट टू द स्पोर्ट इटसेल्फ। ऑल राइट, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है, अ ड्रीम कम ट्रू, ये उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है, ऐसा है जैसे कि एक सपना पूरा हो गया हो। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद स्टेट वन रीजन व्हाई द राइटर सेज दिस, क्योंकि जहां पर देश के कोने कोने में डेवलपमेंट हो रहा है, फिरोजाबाद के अंदर तो अभी तक चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, वहां पर तो लॉ इन्फोर्स नहीं हो रहा है, वहां पर लोग ऐसे कंडीशन के अंदर जी रहे हैं और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। दैट मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर फिरोजाबाद के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, डेवलपमेंट यहाँ तक पहुंचा नहीं है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, say a group of women in tattered sarees when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents and that become
ट्रांजिट होम्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. क्वेश्चन है, द फ्रेज ट्रांजिट होम रेफर्स टू द ड्वेलिंग्स दैट आर. ऑप्शन वन कहता है अनहाइजेनिक, ऑप्शन बी कहता है इनएडिक्वेट, ऑप्शन सी कहता है फ्रजाइल, और ऑप्शन डी कहता है टेम्पररी. हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है टेम्पररी. ट्रांजिट होम्स मतलब जो चलते हुए हो, तो टेम्पररी हो गया. डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गार्बेज टू देम इज गोल्ड. क्या लगता है क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई होगी यहाँ पे? हाइपरबली, सिमिली, सेनेकडेकी या पर्सोनिफिकेशन? हाइपरबली होगा बेटा. गार्बेज को गोल्ड बताया है, कचरे को सोना बता दिया है. एग्जैजरेशन हुआ है यहाँ पे, ओवर स्टेटमेंट है. हाइपरबली होगा. अच्छा यहाँ पर अगर मेटाफर होता तो मैं मेटाफर को प्रेफरेंस देती, क्योंकि यहाँ पर ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है. सिमिली इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि लाइक और एज नहीं है. सेनेकडेकी इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब होता है जब आप किसी एक पार्ट से किसी होल को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो. एंड पर्सोनिफिकेशन इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि ये गोल्ड से ना बातें कराई जा रही है, ना ये सांस ले रहा है, ना ये भाग रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें. हाइपरबली होगा. नेक्स्ट है, चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इमोर्टैलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एम्बिशन. क्या लगता है थर्ड वाले का क्या होना चाहिए? हेलो हेलो हेलो. हाँ बैटरी चेंज करनी थी. ओके, बी लगता है नेसेसिटी. अरे वाह बिल्कुल सही लगता है तुम्हें, नेसेसिटी, क्योंकि ये इनकी जरूरत है. व्हाट डज एक्वायर द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट मीन? रैग पिकिंग हैज रीगेन्ड इट्स लॉस्ट स्टेटस. अ सेगमेंट ऑफ रैग पिकर्स आर स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स. रैग पिकिंग हैज अटेन्ड द पोजिशन ऑफ अ स्किल. ओनली अ फ्यू पीपल आर एक्सपर्ट्स इन रैग पिकिंग. क्वेश्चन नंबर फोर. ओके ऑल राइट. हाय मोहित बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये लॉ स्प्रिंग का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020-21 का. एक्चुअली पूरी स्क्रीन यहाँ पर आती नहीं है. जब आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ को तो नीचे मैंने यहाँ पर ईयर दे रखा है. आई विल जस्ट शो यू. आपको हर एक जो क्लास है उसमें, हर एक जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर देखो ये ईयर दिया हुआ है ना, सॉरी ये जो ईयर दिया हुआ है ऐसे मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. वो पूरा इसके अंदर आता नहीं है इसलिए आपको नीचे का नहीं दिख पाता. हाँ क्या लगता है क्वेश्चन नंबर फोर का? सी रैग पिकिंग, ओ सब सही है ना. हाँ यस, रैग पिकिंग हैज अटेन्ड द पोजिशन ऑफ अ स्किल इज द करेक्ट आंसर. वॉट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लॉ स्प्रिंग अनीस जंग थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहिब एंड मुकेश? कि वो कितनी बड़ी, कितनी ऑब्जर्वेंट है, कितनी ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, और वो कैसे आवाज उठाने की कोशिश करती है यहाँ पर मुकेश और साहिब के लिए. इसके साथ में वो कितनी एम्पेथेटिक है क्योंकि उन्होंने अपना दया जो है वो यहाँ पर शो किया है, तो दया भी दिखाने की कोशिश की है.
नेक्स्ट आपका चैप्टर है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपर्ट है फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। सबसे पहले तो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ओपी कीजिए, बाय चांस क्वेश्चन में आता है नहीं तो आंसर में लिखने के काम आएगा। डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपर्ट है, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपर्ट ओपी करो। और काहे का है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इंट्रोडक्शन होता है ना आंसर का, उसमें लिखने में काम आएगा ये। गुड, ऑल राइट। विलियम डगलस ने इसे लिखा है। कहानी है कि किस तरीके से डर पर जीत पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर विलियम डगलस जो है वो 10 या 11 साल के रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो स्विम करना सीखेंगे। उनकी मम्मी उन्हें बहुत बार बता रही होती है, कहती यार याकिमा रिवर में मत जाना, क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ही ट्रेचरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इतने उसके किस्से कहानी है लोगों को डुबाने के, तो डूब उब जाएगा। और इसीलिए मना करने के बाद वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो YMCA पूल जाएंगे, जो कि याकिमा रिवर से ज्यादा बेस्ट, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देता है इंसान को स्विम करने की, सीखने की। अब वो वहां पर जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं, पूल के अंदर जाना ही एक बहुत ही बुरी मेमोरी उनकी वापस लेकर आ जाता है। मामला ये है कि जब वो 3 या 4 साल के रहे होंगे तो अपने पापा के साथ में कैलिफोर्निया बीच गए थे। अब वो कैलिफोर्निया में एक बीच में गए थे, और वहाँ पर जब गए तो उनके पापा के साथ वो आराम से खेल रहे थे, और सर्व करते टाइम एक वेव आया और उस वेव ने उन्हें नॉकडाउन कर दिया। अब वो वेव के अंदर पूरी तरीके से धस चुके थे, और उनके पापा जोर जोर से उनके ऊपर हंसे जा रहे थे, और वो वहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इतनी पुरानी मेमोरी अभी भी उनके दिमाग के अंदर फ्रेश थी, और जैसे ही वो यहाँ पर पूल को देखते हैं तो वो मेमोरी फिर से आ जाती है। बट कोई बात नहीं, हौले हौले सीख जाएंगे, कोई नहीं। तो नए वाटर विंग्स के पेयर लेकर आते हैं, ठीक है। अभी उनको ऐसा भी लग रहा होता है कि नहीं नहीं और मैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर अंदर नहीं जाऊंगा, मैं इतना स्किनी हूँ, उन्हें बड़ा शर्म आ रहा होता है कि लोग उन्हें बॉडी शेम करेंगे एंड ऑल दैट। बट फिर भी उन्होंने कैसे जैसे अपने प्राइड को साइड में रख के और स्विमिंग करना शुरू किया होता है। अब वो क्या करते हैं, वहां पर जितने बाकी लोग आते हैं स्विम करने के लिए, उन्हें देख देख कर उनकी नकल कर करके सीखने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन की बात है जब अच्छा अभी वो नकल करके सीख रहे होते हैं तो वो पानी के साथ में कंफर्टेबल हो ही रहे होते हैं कि उनके साथ में एक मिसएडवेंचर हो जाता है। एक दिन की बात है, वो इसी पूल में गए होते हैं, और जैसे यहाँ पर जाते हैं तो अभी पूल बहुत ज़्यादा साफ होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिल होता है, शांत होता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आया होता। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अभी बिना किसी लोगों के तो वो यहाँ पर स्विमिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो डूब भी गए तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। एंड दैट इज वाई वो पूल के साइड में बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई आएगा तब मैं यहाँ पर स्विमिंग करूंगा। वो इंतजार कर रहे होते हैं, और इतने में हट्टा कट्टा एकदम है ना शक्ल से ही बुली दिखने वाला इंसान वहां पर आता है। लगभग 18 साल का वो रहा होगा, और अकॉर्डिंग टू डगलस भगवान ने उसे संडे को बनाया होगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होता है वो। इतने उसके ऐसे मसल्स वसल्स निकल रहे होते हैं, डगलस उसे देख रहे होते हैं, उसकी मन ही मन तारीफें कर रहे होते हैं। और इतने में वो बच्चा आकर कहता है, ओए स्किनी हाँ तेरे को उठाकर फेंक दूं अभी, कैसा लगेगा तेरे को उठाकर फेंक दूं पानी के अंदर तो। अरे डगलस के रिफ्लेक्सेस इस पे काम करते, डगलस उठ के भागते हैं, ये कहते नहीं नहीं हाँ। इससे पहले वो उठाता है डगलस को, और उठाकर डीपर एंड जो था पूल का उस पे फेंक देता है। अब ये जो डीपर एंड है ये 9 फीट डीप होता है, और जैसे ही डगलस को वहां पर वो फेंकता है, डगलस के रिफ्लेक्सेस तो इतना भी काम नहीं कर पाते कि पाँव खोल लें, वो तो सिटिंग पोजिशन के अंदर डूब रहे होते हैं। अब जब वो डूब रहे होते हैं तो उन्हें डर तो बहुत लग रहा होता है, पर अभी उन्हें इतना ज्यादा डर नहीं लगा है कि वो एकदम से सुधबुद्धि अपनी खो दें, एकदम से बस सोचना ही उनका बंद हो जाए। तो ऐसे में जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो वो एक प्लान बनाते हैं, और प्लान ये होता है कि वो सबसे जब नीचे जाएंगे टाइल को टच करेंगे तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक जंप लगाने वाले और इसके साथ में वो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो जंप लगाएंगे तो फोर्स पे एकदम ऊपर आएंगे और सरफेस पे एकदम फ्लैट लाई करेंगे, पैडल करेंगे, और पैडल करके जो एज है पूल का वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एज जो है पूल का वहां तक पहुंच जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। अब बस डगलस को ये लग रहा होता है कि कब वो टाइल्स को टच करें और कब वो अपने प्लान को एक्शन में लाए, पर ये 9 फीट डीप पूल जो है वो तो 90 लग रहा होता है, हाइपरबली है इसके अंदर, ऐसा लग रहा होता है जैसे 90 फीट है यार, नीचे जा क्यों नहीं रहा मैं। और तब तक तो न जाने कितना पानी निगल चुके होते हैं, कितना पानी सांस के थ्रू अंदर ले चुके होते हैं, तो लंग्स तो ऑलमोस्ट अभी बर्स्ट हो ही रहे,
बट इतने में वो फाइनली टाइल्स को टच करते हैं और उन्हें याद आता है प्लान प्लान प्लान, ठीक है। अब डगलस ने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती है ना, इसके लिए इम्पोर्टेंट है साइंस, क्या करें। तो डगलस को ऐसा लगता है कि अब मैंने जो टाइल को जैसे मैंने टच किया है, अब मैं फुल फोकस, पूरा फोकस करके और पूरी हिम्मत लगा के एकदम फोर्स लगाऊंगा और ऊपर चला जाऊंगा एकदम करके, और एकदम साउथ इंडियन मूवी की तरह बाहर चला जाऊंगा पूल के अंदर, क्या आई एम बैक। बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जितनी हिम्मत उनके अंदर होती है उस हिम्मत के साथ में जंप करते हैं, और वो जिस इंटेंसिटी से उन्हें लगता है कि वो बाहर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ऊपर आ रहे होते हैं। अब दुख दुख हो रहा है क्योंकि अभी तक लग रहा था कि प्लान काम करेगा, पर ये प्लान काम नहीं कर रहा है, मैं ऊपर उतनी जल्दी से आ नहीं पा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे होते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर अब उन्हें डर लग रहा है, वो फ्लेल कर रहे हैं, अरे बचा लो यार, कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। वो ढूंढ रहे हैं कहीं रोप वोप मिल जाए, कोई तिनका सहारा मिल जाए, वो डूबते को तिनके का सहारा, कुछ नहीं मिल रहा। वो ऊपर आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, और अब उनका केवल आंखें और नाक ऊपर आया है, बाकी पूरा बॉडी नीचे है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पाँव को ऊपर लेकर आने की, हाथ को ऊपर लेकर आने की, पर उसके पाँव ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक फोर्स है, कोई एक फोर्स है जो उन्हें नीचे खींचे जा रहा है। ग्रेविटेशन कहते हैं मेरे बच्चे उसे, तो एक फोर्स है जो मुझे नीचे खींचे जा रहा है। मैं कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे को ऊपर नहीं आने दे रहा। एक ऐसा फोर्स है जो मेरे को ऊपर नहीं आने दे रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो पाँव है वो पैरालाइज हो गए हो, मेरे पाँव एकदम डेड वेट्स के जैसे हो गए, मैंने फील नहीं कर पा रहा। अब डगलस यहाँ पर ये इतना खतरनाक डिस्क्रिप्शन अपने डूबने का देते हैं, और उसके बाद में वो बोलते हैं, वो खूब चिल्लाते हैं बट किसी की कोई कहीं तक आवाज़ नहीं जाती। अब उनकी जर्नी वापस नीचे डूबने की शुरू हो जाती है। अब वो नीचे डूब रहे हैं। अब जब वो नीचे डूब रहे हैं, उनके लंग्स ऑलरेडी दर्द कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा दर्द कर चुके हैं, फटने की कगार पे आ गए हैं, जो तो पहली बार ही आ गए थे। इसके ऊपर से उनकी पूरी की पूरी बॉडी जम गई है, वो कुछ भी हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहे हो ही नहीं रहा। उनको सिर्फ और सिर्फ उनके सर के अंदर जो दुख दुख हो रही है, जो दिल के अंदर दुख दुख हो रही है, वो ये चीज बता रहा है कि भाई वो जो है जिंदा है, अदरवाइज उन्हें लग रहा है वो मर चुके हैं, ऐसी उनकी हालत हो रखी है। और डर एकदम पीक तक पहुंच गया है, पर अभी भी उन्हें प्लान याद है। वो जैसे ही टाइल्स को टच करते हैं, अपने प्लान को फिर एक्शन में लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं, फिर से वो कोशिश करते हैं ऊपर आने की, पर पूरी तरीके से इस मास ऑफ येलो वाटर ने उन्हें घेर लिया होता है। सिर्फ और सिर्फ ये पानी पानी दिखता है, कोई आवाज नहीं जाती, कोई नहीं दिखता, कोई नहीं सुनता, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर भी ऊपर नहीं जा पाते, धीरे धीरे ऊपर जा रहे होते हैं, आंखें और मुंह अभी भी बाहर आता है, और अभी भी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते। अब ये तीसरी बार वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस टाइम ये टाइल्स को टच नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये तीसरी बार अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में उनका डर इतने इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुका होता है। अब उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये एक ऐसा फियर है, एक ऐसा टेरर है, एक ऐसी इस इंटेंसिटी के साथ में कि तुम नहीं समझोगे। वो मैं कहते तुम नहीं समझोगे, जिस इंसान ने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है वो नहीं समझ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतना भयंकर, इतना इतना शॉक, इतना शार्प टेरर जो है उसने मुझे घेर लिया था। तो पता चलता है कि कितने इंटेंसिटी पे ये टेरर था, और उनके दिमाग ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। वो अभी अपने स्टेप्स पे आ चुके होते हैं अनकॉन्शियस होने के, एकदम से उन्हें एक अजीब सा रिलीफ फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे अब नहीं जाना है, अब मुझे कहीं जंप नहीं करना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। बहुत शांति है, सब कुछ एकदम सही है, कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने की, थक गया हूँ, जंप कर भी नहीं सकता। हाँ, और अब बस यहाँ पे ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे हग कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मा जो है वो मुझे हग कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आर्म्स मेरे अराउंड आ रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझे सो जाना चाहिए। एक्चुअली अनकॉन्शियस हो रहे थे, और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। डगलस यहाँ पर बोलते हैं कि उनकी जिंदगी के कर्टन्स, वो बोलते हैं एंड द लाइफ ऑफ एंड कर्टन्स ऑफ लाइफ फेल, वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी के कर्टन्स गिर गए हैं। दैट मीन्स वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, वो अनकॉन्शियस हो गए थे। ओब्लिवियन का मतलब भी यहाँ पर अनकॉन्शियस ही होता है। तो वो बताते हैं वो अनकॉन्शियस हो गए थे नेचुरली, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सर्प्ट है, तो हमें नहीं पता है कि जब वो बेहोश हुए तो उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि डगलस को खुद को नहीं पता है ये चीज़। पर डगलस ये ज़रूर हमें बताते हैं कि जैसे ही उनकी आंखें खुली
वो पूल के साइड में उल्टे लेटे हुए थे और वो उल्टियां कर रहे थे। एक स्ट्रेंजर वहां पे था जो कि उस बुली को डांट रहा था कि ये बच्चा मर चुका था, तुम क्या कर रहे थे। वो बुली कह रहा था मैं मजाक कर रहा था। कभी कभी आपकी मजाक जो आप वर्बली करते हो किसी के साथ में, इस तरीके से जो मजाक करते हो, वो जानलेवा होता है। यहाँ पर डगलस की जान जा चुकी थी, वो मर चुका था अगर वो स्ट्रेंजर वहां पर नहीं आता। उस स्ट्रेंजर ने उन्हें बचाया, बोला चलो ठीक है अब इसको उठाओ, उठाकर चलो लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। फाइनली लॉकर रूम में उसे लेकर गए। वो लोग वहां से चले गए थे पर डगलस के मन से अभी तक वो डर, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं निकला था। अभी भी डगलस उस एक्सपीरियंस को सोच सोच के कांपे जा रहे थे। अभी भी डगलस को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कैसे ये करेंगे, मतलब ना वो घर भी कैसे जाएंगे। सेवरल आवर्स लेटर वो घर गए। अब जब वो घर गए थे तो ये एपिसोड उनके दिमाग पर ऐसा असर लेकर आ चुका था कि ना तो सिर्फ इस एपिसोड ने उन्हें मेंटली बट फिजिकली भी हैंडीकैप कर दिया था। वो पूरे दिन खाना नहीं खा पाए, उस रात सो नहीं पाए। वो सोते थे तो उनको वो चीख चीख करके उठते थे। कोई भी चीज थोड़ा सा भी एग्जर्शन उनके ऊपर आता था तो उनके पाँव पैरालाइज हो जाते थे, उनका स्टमक खराब हो जाता था, वो इतने अपसेट हो गए थे। ये पूरा एपिसोड उनके उनको दिमाग से, दिमागी तौर पे उन्हें फिजिकली बहुत अपसेट कर रहा था। इसके ऊपर से इतने सारे लोग हैं जो उन्हें बताते थे बहुत सारे वाटर स्पॉट्स के बारे में, बहुत सारे वाटरफॉल्स के बारे में, और वो भी जाना चाहते थे यार अपने फ्रेंड्स के साथ। वो भी कैनोइंग करना चाहते थे, बोटिंग करना चाहते थे, फिशिंग करना चाहते थे, वाटरफॉल्स में जाना चाहते थे। बट जब भी वो ट्राई करते वो डर वापस आ जाता और ऐसी इंटेंसिटी पे वापस आता कि उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है इसने उन्हें हैंडीकैप बना दिया था। यार चाहे तुम कल स्विमिंग करो चाहे मत करो, पर कोई तुमसे अगर तुम्हारी विल छीन लेता है, अगर कोई तुम्हें तुमसे तुम्हारी विल छीन लेता है कि अब से तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स आप उसको लेकर हैंडीकैप हो जाते हो, क्योंकि आपकी फ्रीडम छीन ली जाती है वहां पे। और वही चीज डगलस के साथ हो रही थी। डगलस चाहे आगे चलकर कभी स्विमिंग करे या ना करे, बट इस डर की वजह से वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था जो वो करना चाहता था। उसकी विल उतनी फ्री नहीं थी, उसे ये सोचना पड़ता था कि नहीं मैं ये करूंगा, मेरे को डर लगेगा, मैं फिर से डूब जाऊंगा, है ना। तो ये चीज के साथ में अब देखो क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके साथ में जी लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जिंदगी में मेरे को अब बस इस डर के साथ ही जीतना जीना पड़ेगा क्योंकि ये डर ही मेरी सच्चाई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हार नहीं मानते हैं और इस डर को हराते हैं। और डगलस ये दूसरे कैटेगरी वाले लोगों में से था। डगलस ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो हार नहीं मानेंगे और इस पानी से तो बिल्कुल हार नहीं मानने वाले हैं। एंड इसीलिए 1 अक्टूबर उन्होंने इंस्ट्रक्टर को रख लिया, एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो उन्हें स्विमिंग करना सिखाएगा। अब इंस्ट्रक्टर को पता बताया गया ऑफ कोर्स कि उनको पानी से डर लगता है, एंड दैट इज व्हाई इंस्ट्रक्टर ने ना तो सिर्फ और सिर्फ उनके सिर्फ सीखने के एस्पेक्ट पे ध्यान दिया, उनके उस फियर को भी केटर करने की कोशिश की। उस इंस्ट्रक्टर ने पूरी कोशिश की कि एक एक हिस्सा जो है स्विमिंग का वो सिखाया जाए। एंड दैट इज वाई सबसे पहले तो उन्होंने उसके वेस्ट पर एक बेल्ट लगाया जिससे एक रोप को अटैच किया, एक पुली पर उसे बांधा, एंड देन उसके बाद में एक एंड जो है रोप का अपने हाथ में ले लिया। अब वो उस रोप को होल्ड करके रखते, जैसे ही वो उसे पुल करते डगलस बाहर आ जाते पानी से, और जैसे ही वो उसे रिलीज करते डगलस पानी में चले जाते। और इसी के थ्रू उन्होंने पानी के अंदर टू फ्रो होना उन्हें सिखाया। न जाने कितनी बार उन्होंने इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइजेस जो है वो रिपीट कराई, और कितनी बार उन्होंने एज ऑफ द पूल पर उन्हें पकड़कर और किक करने के लिए सिखाया। डगलस हर हफ्ते 5 घंटे के लिए वहां पर जाया करते थे, 5 दिन रोज 1 घंटा वो वहां पर जाया करते थे और सीखा करते थे। अप्रैल में फाइनली इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि भाई मेरा काम तो हो गया है, मैं आपको फुल टू स्विमर बना चुका हूँ, अब आप जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि अब आपको पानी से डर नहीं लगेगा। यहाँ पर पीस बाय पीस इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम कर लिया था, पर डगलस को ऐसा लग रहा था कि वो अपना काम नहीं कर रहे थे। डगलस को ये लग रहा था कि शायद इंस्ट्रक्टर के यहाँ पर होने की वजह से वो ये सारी चीजें कर पा रहे थे। अगर इंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं होगा तो डगलस तो डूब ही जाएंगे। उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल भी ये चीज मेरे को तो, मैं जैसे बीच में जाऊंगा तो मैं तो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा, वो तो उसने रोप से मेरे को ये सब कुछ सिखाया था। तो डगलस खुद ये ट्राई करना चाहते थे, एंड दैट इज वाई वो पूल में एक बार अपना खुद से लेंथ लगाना चाहते थे। और जैसे ही वो पूल में गए, पूल के बीचों बीच वो डर वापस आया। फर्क सिर्फ इतना था कि डगलस ने अब उस डर को एक्सेप्ट कर लिया था। डगलस अब उसे एक्सेप्ट कर चुके थे,
कि ठीक है ये डर एग्जिस्ट करता है और जब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा तभी वो यहाँ से जाएगा। तो उससे बात करने लगे, ओए मेरे को क्या डरा रहा है तू, हाँ एकदम उससे बात करने लग गए कि मैं नहीं डरता तुझसे, तेरे को क्या लगता है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और फिर वो स्विम करने लगे। अभी भी उन्हें अपने आप पे संतुष्टि नहीं आ पा रही थी, अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं ये तो सिर्फ पूल है जो मैंने यहाँ पर यू नो तैर लिया है, मेरे को और ट्राई करना है। एक एक करके वो सारे वाटर्स के अंदर ट्राई करने लग गए, वो न्यू हैम्पशायर गए, लेक वेंटवर्थ गए और वहां पर जाकर उन्होंने ट्राई किया। जैसे वो वार्म लेक के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर वो फाइनली स्ट्रिप करते हैं और फटाफट से लेक के अंदर जाते हैं और लेक के बीचों बीच जैसे वो पहुंचते हैं वो डर वापस आता है। और इस बार वो डर को भगा देते हैं ये कहकर कि जा मैं नहीं डरता तुझसे। और जैसे ही वो ये बोलते हैं वो एकदम से चला जाता है। अब वो नहीं डरते हैं, वो पूरे शोर तक स्विम करके आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं यूहू ये डर जा चुका है। और पूरा गिल्बर्ट पीक जो है उसे एको करता है। ये जो फीलिंग है कि उन्होंने अपने डर को हरा दिया है कि अब वो नहीं डरते हैं पानी से, इस फीलिंग को वो कहते हैं केवल वही समझ पाएगा जो उस डर को समझ सकता है, जिसने कभी उस डर को एक्सपीरियंस किया है और उस डर को ओवरकम किया है। इस फीलिंग को सिर्फ वही इंसान समझ पाएगा। वो कहते हैं कि एट लास्ट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। ये जो फीलिंग है ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और उन्होंने हमें समझाया कि इस पूरे एपिसोड से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ये पूरा एपिसोड उनकी जिंदगी पे एक बहुत ही डीप मीनिंग होल्ड करता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो एपिसोड है इस एपिसोड ने उन्हें ये सिखाया कि मौत से डरते हैं हम लोग, पर मौत तो बहुत पीसफुल है। हमें डर मौत से नहीं लगता, हमें मरने के डर से डर लगता है। तो हम जो डरते हैं वो हम डर से डरते हैं। और ऐसा ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कहा करते थे, वो भी यही कहते थे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर डराना है तो डर को डराओ, हराना है तो डर को हराओ, हम लोग फ्री हो जाएंगे। और विलियम डगलस तो कहते हैं कि मैंने तो दोनों चीजें फेस किया यार, मैंने तो यहाँ पर डर को भी फेस किया है और मौत जो डर प्रोड्यूस मतलब मौत को भी फेस किया और मौत जो डर प्रोड्यूस कर सकती है वो भी फेस किया है। और इसीलिए मेरी जीने की इच्छा जो है वो बढ़ गई है, मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है। आखिरी में मुझे रिलीव्ड फील हो रहा है, आजाद फील हो रहा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी स्विम कर सकता हूँ, कहीं पर भी ट्रैक कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उनको ये आज़ादी फील हो रही है। और यही आज़ादी हमें फील होती है जब हमारे डर को हराते हैं। तो पूरा चैप्टर हमें बताता है कि शियर डिटर्मिनेशन और परसीवरेंस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपका डर आपको हैंडीकैप करता है, पर अगेन आप अपने पेशेंस के साथ में उसे भी हरा सकते हो। आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर और कुछ नहीं है, चाहे वो आपका डर ही क्यों ना हो। एक दिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपके अंदर वो विल पावर हुई, तो आप किसी चीज को भी हरा सकते हो, आप किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हो। आपकी विल पावर बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ में कंप्लीट होता है चैप्टर डीप वाटर। एंड इसी तरीके से हमारे डगलस ने जो अवर्जन है पानी का वो कर दिया है ओवरकम। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, दिस इज इंस्पायरिंग। ओके, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, एनएमए, YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यार एक तो तुम इंस्टाग्राम पे स्पैम करते हो यार, पूरे टाइम पर तो बस यही दिख रहा होता है, तो नोटिफिकेशन ऑफ करनी पड़ेंगी। ओके एक मिनट, यस हाँ बस 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 एक मिनट। हाँ ये लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू डगलस। डगलस के रेफरेंस में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ऑप्शन वन आपका कहता है डगलस फियर केप्ट हिम अवे फ्रॉम लेजरली एक्टिविटीज इन वाटर। द फॉल इन द पूल एट YMCA टॉट यंग डगलस अ लाइफ लेसन। द फियर ऑफ ड्राउनिंग वाज द सोर्स ऑफ डगलस एंग्जायटी एंड टेरर। Douglas decided to practice relentlessly to overcome his fear. Okay.
एंड अरे वाह, ए लग रहा है। मेरी जान, दैट इज नॉट ट्रू, बताना है। ए के चक्कर में कैसे पढ़ रहे हो तुम? डी होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही है। डगलस का जो डर था उसकी वजह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है पानी की वो नहीं कर सकता था। ये जो YMCA का पूल, मतलब YMCA में जो उसके साथ ये मिसएडवेंचर हुआ था उससे उसे लाइफ लेसन मिला। द फियर ऑफ ड्राउनिंग जो है वो एंग्जाइटी और टेरर उसके लिए लेकर आया था। डगलस डिसाइडेड टू प्रैक्टिस रिलेंटलेसली टू ओवरकम हिज फियर। नहीं, वो आराम से वन टाइम, एकदम ऐसा था कि एक चीज को मास्टर करता था, वन थिंग एट अ टाइम। वो सबसे पहले उसने आराम से पहली बार तो इसको एक एक घंटा 5 दिन दिया, और उसमें भी वो कोशिश करता था कि पहले वो टू एंड फ्रो सीख लेगा, उसके बाद में हो सकता है इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज सीखेगा हंड्रेड्स ऑफ टाइम, उसके बाद में किक करना सीखेगा आराम से। अक्टूबर से अप्रैल हो गया उसे, पर आराम आराम से उसने सारी चीजें सीखी जब तक वो पूरी तरीके से डर नहीं गया। और उसके बाद में भी उसने खूब टाइम लगाया, जुलाई में जाकर उसे महसूस हुआ कि हाँ अब मैं फ्री। डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। द स्टोरी कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ्स मेनी चैलेंजेस। इलैबोरेट विद रेफरेंस टू टेक्स्ट। ऑफ कोर्स, ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी में ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये तो आते ही रहते हैं। ये सारी चीजें तो हमारे जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल होती है। अब यहाँ पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन चैलेंजेस के हाथों हम हार मान जाएंगे या इन चैलेंजेस को हराएंगे, जैसे डगलस ने किया। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर डगलस का पूरा टेक्स्ट जो है कि किस तरीके से उसने शुरू किया एंड हार नहीं मानी, वो एक्सप्लेन करना है। द प्रो सिलेक्शन डीप वाटर एंड इंडिगो ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग फियर इन ऑर्डर टू बी एबल टू लीड लाइफ सक्सेसफुली। इमेजिन योर सेल्फ, ओके, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर हु हैज टू एड्रेस हाई स्कूल स्टूडेंट्स। राइट दी एड्रेस, दिस एड्रेस इन 120 टू 150 वर्ड्स, इलैबोरेटिंग ऑन अकरेंसेस फ्रॉम द टू टेक्स्ट टू इंस्पायर योर ऑडियंस एंड टू कन्विंस देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग फियर। यू मे बिगिन लाइक दिस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो व्हाट इट्स लाइक टू बी अफ्रेड। फियर इज आवर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड थ्रेट और डेंजर, बट व्हेन। तो बच्चों यहाँ पर ये आ गया आपका पैरेलल क्वेश्चन, और यहाँ पर एक पैरेलल जो है वो ड्रॉ किया है किसके बीच में, डीप वाटर और इंडिगो के बीच में। दोनों के अंदर ही ये बताया हुआ है कि किस तरीके से डर को हराना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जहां पर डीप वाटर बात करता है विलियम डगलस की और किस तरीके से उसने हार नहीं मानी, अपने डर को हराया, वैसे वहीं पर इंडिगो चैप्टर के अंदर एक सब थीम है जहां पर गांधी जी ने पहले ये कोशिश करी कि जो पेजेंट्स हैं उनसे, उनके मन से उन डर निकाला जाए ब्रिटिशर्स का, क्योंकि जब वहां से वो फ्री होंगे तब जाकर वो कुछ कर पाएंगे या फिर वो अपनी आवाज उठा पाएंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ पाएंगे। एंड उन्होंने भी वही किया। जब गांधी जी के ऊपर आंच आई तो वो मोतिहारी के कोर्ट हाउस में सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो क्योंकि उन्होंने भी डर का सामना किया, तो डर का सामना करना इम्पोर्टेंट है ताकि हम एक ऐसी जिंदगी जी सके जहाँ पर हम जो चाहें वो करें। एक पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करना है, रीसेंट सैम्पल पेपर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपकी स्टोरी आ गई है द रैट ट्रैप। लिखा है इसे सेल्मा लेगरलॉफ ने। जल्दी से सेल्मा लेगरलॉफ कॉपी कर दो। नोटिस नहीं है, नोटिस नहीं है, वो सिक्स टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है। कब तक क्लास चलेगी यार? क्लास कब तक चलेगी? रैट्रैप इज द फोर्थ चैप्टर, 20 मिनट्स ईच चैप्टर भी अगर मान के चलो तो अभी है टाइम। तो लेट्स सी, अभी कितना बजे? 3:30 बजे है। 5 बजे तो आप कम से कम मान के चलो, 5-6 बजे तक। ऑल राइट, सो यस, द रैट ट्रैप जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एकदम फेरी टेल मैनर में नरेट किया गया है, जहाँ पर सेल्मा लेगरलॉफ जो है वो बताती है एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में, और कैसे उसकी जिंदगी लव, कंपैशन,
से चेंज हो गई, किस तरीके से एक सेकंड चांस ने उसे एक नया पर्सन बना दिया। चैप्टर की शुरुआत होती है जब हमें बताया जाता है, हाँ इस चैप्टर के बाद में ब्रेक, इस चैप्टर के बाद में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चार चैप्टर हो जाएंगे तो फिर इंटरवल। हाँ सो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को सेकंड चांसेस देना, किसी एक इंसान को माफ करना कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है माफी। इसके साथ साथ में किसी को भी अगर हम प्यार से ट्रीट करते हैं, किसी भी इंसान को अगर हम कंपैशन के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसका इंसान का सोल भी चेंज हो सकता है, इतना पावर होता है इसमें। चैप्टर की शुरुआत होती है रैट ट्रैप सेलर से, जो कि एक वैगाबॉन्ड है, एक बंजारा है, इधर से उधर घूमता रहता है, बेघर इंसान है, और उसका कोई घर बार नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इधर उधर रैट ट्रैप सेल करता फिरता है। जो भी वो कैसे बनाता है, कुछ मटेरियल मांग मांग के बनाता है, कहीं तो शॉप में, कहीं तो फार्म में कुछ वायर अगर मिल जाता है पड़ा हुआ, तो उसी से वो रैट ट्रैप्स बना लेता है। कितनी उदास जिंदगी होगी उसकी। ये रैट ट्रैप को बेचना भी इतना कोई प्रॉफिटेबल वेंचर है नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि खूब आराम से बिकाई हो रही है, कोई बहुत लोग रैट ट्रैप्स खरीद रहे हैं। इसकी वजह से उसे दो वक्त का गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है और वो भीख भी मांगता है। अब ऐसे में वो एक दिन की बात है, चलते चलते उसके दिमाग में एक थॉट आता है, और वो थॉट ये होता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंफर्ट्स, जितने भी रिचेस, जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ रैट ट्रैप है और कुछ नहीं। हम सब इन सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, टेम्प्ट होते जाते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि एक नेवर एंडिंग कॉइल है, आप कभी भी इससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे। वो सोचता रहता है उन लोगों के बारे में जो इन ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में भी जो इसके अराउंड अभी भी चक्कर काटे जा रहे हैं। इसके बाद में फाइनली ये थॉट उसके लिए इतना ज्यादा एंटरटेनिंग होता है कि इसके बारे में ही वो सोचता रहता है। एक दिन की बात है जब वो अपने पाँव एकदम घसीट घसीट के चल रहा होता है धीरे धीरे, और बहुत ठंड होती है, तो वो एक ग्रे कॉटेज के सामने आ जाता है। वो सोचता है कि चलो अपना लक ट्राई कर लेता हूँ वहां पर जाकर। तो वहां पर नॉक करता है, सोचता है कि रहने की जगह मिल जाएगी। जैसे ही वहां पर नॉक करता है तो एक ओल्ड क्रॉप्टर जो है वो दरवाजा खोलता है। वैसे तो सारे लोगों से जब भी उसने मदद मांगी है तो सारे लोग उसे परेशान कर देते हैं, या उसका मजाक उड़ाते हैं, या फिर उसे सार फेसेस देकर भगा देते हैं। बट ये ओल्ड क्रॉप्टर तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लोनलीनेस इसकी एक बहुत बड़ी थीम है, और यही थीम आपको यहाँ पर भी समझ में आएगी। ये ओल्ड क्रॉप्टर जो है वो बेचारा बहुत ही बूढ़ा होता है। इसके साथ साथ में उसका कोई घर, यू नो, घर में कोई रहने वाले नहीं है, कोई फैमिली नहीं है उसका, तो वो अकेला ही रहता है। और जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर को देखता है तो उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसे कोई एक कंपेनियन मिला है, आज वो किसी के साथ में तो एटलीस्ट बात करेगा, किसी के साथ में तो फूड शेयर करेगा, अपना टबैको शेयर करेगा। और इसीलिए वो उसे अंदर बुलाता है, अंदर बुलाकर उसके खाने की व्यवस्था करता है, इनफैक्ट उसको यू नो स्मोक करने के लिए टबैको भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ में कार्ड्स लेकर आता है उसके एंटरटेनमेंट के लिए, उसके साथ में कार्ड्स खेलता है। वो जितना ज्यादा जेनरस होता है खाने के साथ में, कैंसर के साथ में और कार्ड्स के साथ में, उतना ही ज्यादा जेनरस होता है अपने सीक्रेट्स के साथ में भी। वो बताता है कि जब वो जवान था तो वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, और अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो इस वजह से वो ये तो नहीं कर सकता, लैंड एक्टिविटीज तो नहीं कर सकता, लैंड लीवर तो नहीं बन सकता। ऐसे टाइम पे उसकी जो काउ है उसने उसे बहुत मदद की है, और अभी पिछले ही साल उसका मिल्क सेल करने से, उसे क्रीमरी में सेल करने से उसे 30 क्रॉनर कमाए हैं। और जैसे ही वो ये कहता है तो रैट्रैप सेलर सोच में पड़ जाता है, कहता है, उसे कहता है यकीन नहीं होता। वो जाता है और जाकर अपने 30 क्रॉनर वाला पाउच जो है वो किचन की विंडो से उठाकर लेकर आता है, उसे शो करता है, और वो पाउच वापस टंगा देता है। एंड जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद में दोनों सो जाते हैं। सुबह जैसे ही वो जल्दी उठता है, क्योंकि उसे अपनी काउ को मिल्क करने जाना होता है और फिर उसे सेल करने जाना होता है क्रीमरी, तो वो जैसे ही उठ जाता है तो अभी वो तो वहां निकलने के लिए तैयार होता है। अब ऑफकोर्स उसको भी यहाँ से निकलना पड़ेगा रैट ट्रैप सेलर को, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। रैट ट्रैप सेलर उसे थैंक यू बोलता है और बाय बाय हो जाता है। 30 मिनट के बाद में रैट ट्रैप सेलर उसके घर के आगे वापस आकर खड़ा हो जाता है। वो वहां पर ताला तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है पैसे कहाँ पे है। वो विंडो पेन को तोड़ता है, यानी कि कांच को तोड़ता है, और तोड़कर वहां से पाउच से पैसे निकालता है, और निकाल कर वापस वो पाउच को वहीं टंगा देता है। अब वो पैसे चुरा कर उसे अपनी स्मार्टनेस पे बहुत गर्व हो रहा होता है, और वो इसके साथ एक और स्मार्टनेस करता है, और वो सोचता है कि नहीं, अब मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊंगा, मैं फॉरेस्ट से जाऊंगा। वो फॉरेस्ट में चला जाता है और सोच रहा होता है कि अरे वाह, क्या एकदम बढ़िया लाइफस्टाइल मेरी होगी, क्या जिंदगी मैं गुजारने वाला हूँ इस क्रॉनर के साथ में, बहुत मजे आ रहे होते हैं। बट थोड़ी देर के बाद में
रियलिटी हिट करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में वो घूमते जाता है घूमते जाता है, थकते जाता है, कहता है यार मैं तो चलते जा रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई रोड ही नहीं आ रही। थोड़ी देर में तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने वो पैसे क्यों चुराए, वो सब कुछ एक ट्रैप ही था। आज मैं एक ऐसे ट्रैप में फंस गया हूँ, एक ऐसे प्रिजन के अंदर फंस गया हूँ जहाँ से मैं बाहर तक नहीं निकल पाऊंगा। बस वो यही सोचता रहता है और कुछ सोच ही नहीं सकता। अब ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं जब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही होती है और वो थक हार के नीचे लेटता है तो उसे हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ आती है। अब ये जो हैमर स्ट्रोक्स है ये बताते हैं कि आसपास ज़रूर जो है कोई मिल है, कोई लोग हैं। तो वो अपनी हिम्मत एकदम इकट्ठा करता है, जुटाता है और वहां पर जाता है। अब हिम्मत जुटा के वो वहां पर जाता है और जाकर ढूंढता है कि यहाँ पे कौन है। तो देखता है कि यहाँ पर रामजो आयन वर्क्स है। रामजो आयन वर्क्स जो है वो बहुत ही कमाल का आयन वर्क्स है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम होता है। अब देखो कि सीजन के अंदर न जाने कितनी सारी बोट्स आती है रॉ मटेरियल लेकर, और पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग प्रोसेस की वजह से पूरा का पूरा रोड जो है वो एकदम काला हो जाता है। ऐसी ऐसी हालत होती है, इतना ज़्यादा काम करता है वो। अब जब वो रामजो आयरन वर्क्स के अंदर वहाँ जाता है तो वहाँ पर जाके उसके उसे दिखता है कि एक ब्लैक स्मिथ है, मास्टर ब्लैक स्मिथ है, जिसने एकदम ब्लैक स्मिथ वाले कपड़े पहन रखे हैं, वो बड़ा सा शर्ट और नीचे जूते वुड के। एंड इसके साथ साथ में उसका एक अप्रेंटिस है जो उसके साथ में काम कर रहा है, और वो दोनों मिलकर इंतजार कर रहे हैं आयरन के पकने का, जिसको उन्होंने फर्नेस यानी कि भट्टी में डाला हुआ है। अब यार वहाँ पर जैसे ही वो पहुँच जाता है तो एकदम जाता है और जाकर एकदम भट्टी के पास में एकदम हाथ एकदम गर्म करने लग जाता है। इतनी ठंड, बारिश वारिश हो रही होती है दिसंबर का महीना। तो इतने में मास्टर ब्लैक स्मिथ उसे महसूस करता है, कहते अरे ये, तो कहता है मैं यहाँ पे आ जा, जी रुक जाओ। तो इतने पे मास्टर ब्लैक स्मिथ उसके साथ में बातचीत नहीं करता, कहता है एकदम हॉटी बहुत ही एरोगेंट कॉन्सेंट उसे देता है, कहता मेरे कौन से चाचा लग रहे हैं, मेरे को कौन सी बात करनी है इनसे। तो इसके बाद में वो तो सोचता है चलो बढ़िया है, मौका मिल गया मेरे को। हाउएवर मास्टर ब्लैक्समिथ उसे अलाउ इसके लिए करता है क्योंकि यार ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही यूजुअल बात है कि कोई एक इंसान जो इतना बेघर होगा वो आग को देखकर वहां पर आ गया होगा, ऑफ कोर्स रात बिताने के लिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा ठंड है। और खास करके ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये कहानी भी ऐसे इलाके के अंदर बनाई हुई है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। अभी फाइनली उन्होंने बताया कि चलो अभी वो उसे रहने के लिए बोल देता है। अभी अभी तक उन्हें जब तक वो यहाँ पर खड़ा था तब तक रियलाइज ही नहीं हुआ कि रात रात चल रहा आया है, इतनी सारी आवाजें हो रही होती है, चाहे वो कोल की आवाज़ हो, बाहर वाटरफॉल की आवाज़ हो, चाहे कोल को कोल के क्रैकल करने की आवाज़ हो, इतनी सारी आवाजें हो रही होती है जिस बीच में उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता। खैर अब वो आ गया तो सो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से एक पिग आयन यानी कि एक रॉ आयन लेता है और लेकर आराम से सर के नीचे लगा के तकिया बना के और सो जाता है। अब जितना ज्यादा कम इंटरेस्ट ब्लैक स्मिथ ने रैटरप में दिखाया है उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट इस रैटरप सेलर में दिखाया है, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रैटरप सेलर के अंदर ये आयन वर्क्स के मालिक दिखाते हैं। एक्चुअली आयन वर्क्स का जो मालिक होता है उसे क्वालिटी आयन जो है वो एक्सपोर्ट करने का एक उसका मिशन होता है, एंड दैट इज वाई वो मॉर्निंग और इवनिंग इंस्पेक्शन के लिए आते ही रहते हैं। एंड दैट इज वेन यहाँ पर जो है वो इवनिंग इंस्पेक्शन के लिए आए होते हैं और आकर वो देखते हैं कि ये इंसान कौन है। उस रैगा मफिन को कहते हैं फटे पुराने कपड़े पहन के कौन आया है यहाँ पे, वो जैसे ही और उसके एकदम कपड़ों में से स्टीम निकल रही है, इतना ज्यादा चिपक के सो रहा है वो फर्नेस से। तो उसे उठाते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं वो उसे कंफ्यूज कर लेते हैं अपने जानकार नील्स ओलाफ से कि ये जरूर नील्स ओलाफ है। कहते हैं अरे नील्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैट रैट सेलर को पता नहीं होता, कहते कौन है ये, कोई कोई बात नहीं, चुप रहता हूँ। वो सोचता है कुछ एक डॉलर्स मिल जाएंगे। अब वो वहां से उसके साथ में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अरे यार तुमने रेजिमेंट क्यों छोड़ दिया, ये वो, और रैट रैट सेलर उनकी बातों पे हाँ में हाँ मिला रहा होता है। एंड फाइनली उसे इनवाइट कर लेते हैं घर पे आने के लिए, कहते हैं कि देखो अब तो हो गया सब कुछ, तुम्हें मेरे साथ क्रिसमस के लिए घर पे आना पड़ेगा और एकदम तुम आओ आराम से खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे। अब वो कहता है यार मैं तो यहाँ पर पैसे के लिए आया था और ये इंसान ने मेरे को घर पे लेकर जा रहा है, ये तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैं जाऊंगा लायन को बोल दूंगा लो खा लो मेरे को। हाँ तो इसके लिए वो बोलता है नहीं 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 वो बिल्कुल हाँ नहीं करता। एंड इतने में वहां पर आयन मास्टर जो है वहां से चला जाता है। 30 मिनट के अंदर आयन मास्टर की बड़ी बेटी एडला विलमैनसन वहां पर आती है और वो इतनी खूबसूरत नहीं होती है बट बहुत ही मॉडेस्ट होती है और शाय होती है। और जैसे ही वो यहाँ पर आती है और आकर रात रात सेलर को कहती है कि अरे मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके साथ में जिंदगी ये सब कुछ कर रही है, तो क्यों ना आप मेरे साथ में कम से कम क्रिसमस के लिए चलिए, हम लोग साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। एडला जब उस इंसान को देख रही होती है तो वो समझ जाती है कि इस इंसान ने ना कुछ कांड तो जरूर किया, या तो ये भाग कर आया है या फिर इसने कुछ तो चुराया हुआ है,
कुछ तो इसने जरूर किया है, वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है, बट उसके बावजूद वो ये कहती है कि आप चिंता मत करो, आप जितना फ्रीली हमारे यहाँ पर आए हो उतना ही फ्रीली हम आपको जाने भी देंगे। ये चीजें सुन के उसे इतना ट्रस्ट हो जाता है एडला विल्मैंसन पे कि वो एक बार में हाँ कर देता है कि ठीक है चलो। अब उसके साथ में जा रहा होता है, और जब जा रहा होता है तो उसे लग रहा होता है कि बस अब तो वो फंस गया है, उसने क्यों वो पैसे चुराए, और अब तो वो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। अब ऐसे के अंदर जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, आराम से उसका सोता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब एडला विल्मैंसन यहाँ पर अपना पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर रही होती है, और वो पापा को कह रही होती है कि पापा मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये आपका नोन हो सकता है, उसके अंदर तो कहीं से एजुकेटेड इंसान के ट्रेट्स भी नहीं दिख रहे थे। तो उसके पापा कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी उसके कपड़े वपड़े चेंज होंगे, वो ट्रैम्प मैनर्स भी उसके साथ में चले जाएंगे, एंड उसके लिए वो पूरे प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से उसे रैट ट्रैप ये जो बिजनेस है वो जो करता है इसको छुड़वाना पड़ेगा, एंड देन इसके साथ में यू नो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कुछ अच्छा काम करना, और सबसे पहले तो कुछ खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी है उसे। तो वो ये बात कर रहे होते हैं, एंड देन इतने में ही रैट ट्रैप सेलर जो है वो एंटर करता है, और रैट ट्रैप सेलर एंटर करता है, उसको ऑलरेडी वैले ने पूरी तरीके से तैयार कर दिया होता है, सूट वूट पहना दिया होता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है यहाँ पर एकदम आयरन मास्टर देखता है, कहता है मैं तो रैट ट्रैप सेलर लाया था, ये टॉम क्रूज कहाँ से आ गया। वो ये देखता है, वो रियलाइज कर देता है कि यार ठीक है रात के अंधेरे में तो उसे रिकग्नाइज करना मुश्किल हो सकता है, पर इतना ज्यादा उजाले के अंदर तो अब तो ये तो नील जलॉफ नहीं है, ये तो इंसान ने मेरे साथ में चीटिंग करी है। और वो उसे डांटता है और कहता है कि वो शेरिफ को बुलाएगा क्योंकि रैट ट्रैप सेलर ने उसे धोखा दिया। रैट ट्रैप सेलर कहता है कि मैंने कब बोला कि मैं आपका फ्रेंड नील जलॉफ हूँ, मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा था कि मुझे तो बस वहीं सोने दो, मुझे घर जाना भी नहीं है, आप दोनों ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने बोला तुमने सच भी नहीं बोला। जैसे यहाँ पर शेरिफ की इन्वॉल्वमेंट होने लग रही होती है, जो कि आयन मास्टर उसे धमकाता है, तो इतने में वो कहता है अरे मिस्टर आयन मास्टर, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, हम सारे के सारे लोग जो है इन सारी चीजों से अट्रैक्ट होते हुए घूमते फिरते हैं, एक दिन तुम्हारा भी आएगा जिस दिन तुम भी किसी चीज से अट्रैक्ट होगे और ट्रैप में फंस जाओगे, अगर आज शेरिफ आया तो। इस कॉन्सेप्ट को सुन के आयन मास्टर को काफी मजा आता है, एंड दैट इज व्हेन आयन मास्टर डिसाइड करते हैं कि चलो भाई अभी तुम्हें यहाँ से जाने देते हैं और तुम आराम से जाओ, और शेरिफ को आज क्रिसमस मनाने देते हैं। अब जैसे ही वो यहाँ से निकल रहा होता है, इतने में एडला आ जाती है, और एडला कहती है पापा मैं इसको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, एक इंसान को तो अभी सोचो हम लोगों ने क्रिसमस ट्री और प्रॉमिस किया था, अब वही इंसान यहाँ से चला जाएगा तो कितना खराब लगेगा, मैं सुबह से इतनी सारी तैयारियां इसके लिए कर रही थी, मैं इतनी ज्यादा खुश थी किसी के साथ में हम क्रिसमस मनाएंगे, और यही इंसान अगर यहाँ से चला जाएगा तो मैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। अब वो ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही होती है, एंड जैसे ये बातें वो कहती है कि ये बेचारा कितना ज्यादा दुखी होता होगा, इधर उधर घूमता होगा, इसे फिर भी कहीं पर भी यू नो कोई लोग रखते नहीं होंगे, कितनी बार इसे डर लगा रहता होगा कि इसे इंस्पेक्ट कर दिया जाएगा, और ये चैन से नहीं सो पाता होगा, अगर एक दिन हम इसे दे देंगे तो क्या चला जाएगा। उसकी बातें इतनी ज्यादा कन्विंसिंग होती है कि आयन मास्टर भी मना नहीं कर पाता, और वो कहता है कि अरे भाई तुम तो संतों से भी खतरनाक हो, मतलब तुम्हारी बातें इतनी ज्यादा कन्विंसिंग है, बट मैं कह देता हूँ कि अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसके अंदर। तो एडला विल्मैंसन यहाँ पर क्या बोलती है, एडला बोलती है कि कोई बात नहीं पापा, वो उसे लेकर जाती है, और लेकर जाकर बोलती है चलो बैठो आराम से और खाओ। वो आराम से वहां बैठता है और खाना खाना शुरू कर देता है, एंड पूरे टाइम बस यही सोच रहा होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या मोटिव होगा इस लड़की का इसके पीछे, कोई मुझे क्यों बचाएगा और वो क्यों मुझे यहाँ पर रखेगी। बट देन इसके बाद में वो सोचता है चलो बाहर में जान दो, खाने पे फोकस करते हैं, वो खाने पे फोकस करता है। इसके बाद में वो बिल्कुल परेशानी नहीं करता है इन लोगों को, क्योंकि वो पूरे टाइम सिर्फ खाता है और सोता है, खाता है और सोता है। फाइनली जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है एंड उसके बाद में सब गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अडला बताती है कि उसके पापा का ये मानना है कि ये जो सूट उसने पहन रखा है इसे वो एज अ गिफ्ट रख सकता है, और मेरी तरफ से मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम हर क्रिसमस यहाँ पर आ सकते हो, जब भी तुम्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करना हो हमारे साथ तुम कर सकते हो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस बात को सुनकर भी वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि कोई इतना कंपैशनेट कैसे हो सकता है, सब कुछ जानने के बावजूद वो इतना ज्यादा कंपैशन शो कर रही थी। अब इस चीज को देखकर वो काफी दंग रह जाता है एंड जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस सर्विस के लिए एडला और उसके पापा निकल पड़ते हैं, और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर पर चोरी हुई है, और जिस इंसान ने चोरी की है वो रैट ट्रैप बेचता है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि अरे ये तो वही इंसान है जो हमारे यहाँ पर आया हुआ है। उसके पापा उसे बहुत डांट रहे होते हैं, जैसे देख ले अब भगवान जाने तुम्हें किस चोर को घर के अंदर घुसाया और कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। एडला को उन चांदी के चम्मचों की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, एडला को सिर्फ एक चीज की फर्क था और वो था उसका ट्रस्ट।
एडला ने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था और वो नहीं चाहती थी कि उसका ट्रस्ट टूटे। और वो सही है, पता है, हम सोचते हैं ना कि कितनी बार ये दुनिया जो है वो हार्टलेस हो जाती है। हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया किसी और की हेल्प नहीं करती, ऐसा इसके लिए क्योंकि उन्होंने धोखा खाया होता है। अगर यहाँ पर उस क्रॉफ्टर के साथ में रैट्रैप सेलर ने धोखा नहीं किया होता तो क्रॉफ्टर शायद हर दूसरे इंसान पर भरोसा करता, पर अब नहीं करेगा। और अगर आज एडला का भरोसा टूटेगा तो कल वो भी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। एंड यही चीज जो है उसको बार बार परेशान कर रही होती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तो वैले बताता है वो कुछ लेकर तो नहीं गया, इनफैक्ट कुछ देकर गया है। बहुत ही बुरी तरीके से पैक किया हुआ एक क्रिसमस प्रेजेंट होता है एडला विलमैनसन के नाम पे। और वो जो क्रिसमस प्रेजेंट होता है वो है एक रैट ट्रैप। उसके अंदर होते हैं 30 क्रोनर के बिल्स और एक लेटर। उसे देखकर एडला सच में रो पड़ती है। उस लेटर को जैसे ही वो खोलती है तो वहां पर उसे पता चलता है कि ये लेटर उसके लिए है जिसमें उसने लिखा है कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कैप्टन के जैसे ट्रीट किया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस आप किसी चोर की वजह से शर्मिंदा हो जाओ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये जो 30 क्रोनर है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये जो 30 क्रोनर है आप इस 30 क्रोनर को वो पास वाले क्रॉफ्टर को लौटा दो जो अपने विंडो पे एक पाउच में 30 क्रोनर लटका के रखता है हमारे जैसे लोगों को लर करने के लिए, हमारे जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये रैट ट्रैप आपके लिए है क्योंकि आपने, और एक रैट की तरफ से है जिसे आपने बचाया इस पूरे दुनिया के ट्रैप के अंदर फंसने से, एक कैप्टन की तरह रेस करके। वो इसे फ्रेंडशिप और हाई रिगार्ड के अंदर लिखते हैं एंड इनफैक्ट साइन भी करते हैं एज कैप्टन बोन स्टेहर, क्योंकि उनके अंदर का वो जो कैप्टन था, एक नया इंसान था, वो कहीं ना कहीं जगा दिया था एडला विलमैनसन ने। उसे उसे एक मौका दिया था, उन्होंने लेटर में लिखा कि आपने मुझे एक मौका दिया है अपने कॉन्शंस को क्लियर करने का, और इसीलिए उस मौके का यूज करेंगे। एंड इसी तरीके से उन्होंने क्रॉफ्टर को उसके पैसे लौटा दिए। आप सोचो कि इससे मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो हम उसे कभी माफ नहीं करते, बट एडला ने उसे माफ किया और उस माफी का, उस माफी का इतना बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा कि उस कंपैशन से, उस फॉरगिवनेस से उसके अंदर का जो एक इंसान है, इसकी इंसानियत जो है वो जाग उठी थी। इसके साथ में कहीं ना कहीं उसका जो कंपैशन और प्यार था कि उसने बिना ये सोचे कि सच में कैप्टन है या नहीं है, उसे वैसे ही खाना खिलाया, वैसे ही रखा, वो भी कहीं ना कहीं उसको ये दिखा रहा था कि नहीं यार, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आप अपना 100% ट्रस्ट किसी चीज पे डालते हो, अपना कंपैशन किसी चीज पे डालते हो, तो उससे आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको अच्छी अच्छी चीजें हमेशा करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसी से इंसानियत जो है वो जिंदा रहती है। सो दैट्स इट एंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका रैट ट्रैप। ब्रेक दे दो अब। अच्छा एक मिनट ब्रेक दे देते हैं आपको, और ये क्वेश्चन खोल के ब्रेक दे देते हैं आपको। हाँ, किसी को भी लव और कंपैशन से आप चेंज कर सकते हो, उसके अंदर वो बदलाव लेकर आ सकते हो। दैट रैप आपको ये सिखाता है, फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चांस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी पीना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पानी पी लो फटाफट से, ब्रेक दे देती हूँ। हाँ ओके, ब्रेक कितनी देर का है मैम? ब्रेक कितनी देर का है मतलब अब तुमको क्या चाहिए? 10 मिनट का ब्रेक चाहिए? बाकी टीचर्स भी दे देंगे तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक, तो तुम मेरे सामने ही नाटक कर रही हो। अच्छा, सारी टीचर्स ब्रेक देते हैं? अच्छा, गॉट इट। ठीक है ब्रेक दे देती हूँ, पर ब्रेक के अंदर मैं क्या करूँ, बातें करूँ आपसे? आप भी रेस्ट कर लो, ठीक है।
हम क्या कुछ बातें ध्यान रखे अभी वीडियो देखते थे। आप चाहें तो अपना एनसीईआरटी खोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ में मैं पूरा एनसीईआरटी जो है वो डिस्कस करे जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट को टच करूँ। तो यस, ये हो सकता है। एंड आप इसके साथ में अपने जो क्वेश्चंस है वो तो कर ही सकते हैं। चाहें तो कुछ कुछ बातें जो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जिन पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो आपके लिए याद करना भी इम्पोर्टेंट है। एक नोटपैड भी लेकर बैठ सकते हो और उन सारी की सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो। कम्युनिटी पे भी सेंड करेंगे ये PDF। मैम आप खो गई, नहीं ये रही। ओके, छोले भटूरे खा लो यार, छोले भटूरे खिला दो। आपकी वेकेशन से सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मेरी वेकेशन आपकी वजह से होता है वो, बुद्धू बच्चे। वॉइस लो है, लो है। अरे अब मेरी आवाज़ खुद ही लो हो गई है इसके लिए। रिपोर्ट की वो दो PDF तो भेज दी है, वो हैंड रिटन PDF भेजना भूल गई थी, अभी भेज दूंगी। निन्नी आ रही है। किसी करूँ? इतना करने के बाद क्या करना है? इतना करने से आपको चैप्टर सारा समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद में आप पूरा अपना क्वेश्चंस निकालो बस। वाई पेडलर वेंट थ्रू फॉरेस्ट रादर देन रोड? अरे पुलिस पकड़ लेती ना रोड से जाता तो। लोग कितने सारे कह देते हाँ यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, तो पुलिस जल्दी पकड़ लेती उसे। इसके लिए वो फॉरेस्ट से चला गया। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है इंग्लिश में, कैसे करूँ? पहले तो यार देखो, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सैम्पल पेपर लेकर बैठ जाओ और उसके बाद में एक-एक क्वेश्चन, मतलब पूरा सैम्पल पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो। बट उसके ऊपर जितने भी मिनट्स लग रहे हैं वो लिखते रहो, ताकि आपको पता रहे कि कितना आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। पोएट्री सेक्शन के लिए अलग वीडियो आएगा, आज केवल और केवल प्रोस है। आज अगर मैं पोएट्री सेक्शन इसी इंटेंसिटी के साथ में करा दूंगी तो कल तो मेरे को बस हो जाएगा कि बस अब इसके बाद मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। PDF आपको कम्युनिटी और टेलीग्राम दोनों पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, आप अपने सारे जूनियर्स को भी बता सकते हो, नया बैच जो अनअकैडमी लेकर आ रहा है उसके बारे में। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया बैच है। और लगे हाथ जो भी बच्चे बिना लाइक करके चैनल पे आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। सास को पढ़ाने वाले हो, सब इसी में होगा। हाँ पाप लगेगा बेटा, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया ना सेशन को। इतना करने के बाद कोई वीडियो नहीं देखने है? अगर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो आप करिए, अदरवाइज तो अब चैप्टर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन निकालिए। हाँ कैसे बेशरम हो तुम? माई वॉइस इज लाइक अ रेडियोलॉजिस्ट। अरे क्या रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? उनकी आवाज कैसी होती है? हाउ डू यू सेग्रीगेट वॉइसेस रेडियोलॉजी के बेसिस पे? आप जैन वाले प्लस रिवीजन कर लिया है? अरे वाह क्या बात है। नया फॉर्मेट लिखना है या पुराने में? नया लिख लो, बढ़िया है। पर अगर आपकी टीचर पुराना वो बोलती है तो पुराना कर लो, क्या होगा। विस्तास और ये दोनों मैं आपको बता दूंगी, मेरे को आगे से अभी बताया नहीं है अकेडमी वालों ने। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मैम। कोई बात नहीं मेरी जान, पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ी, बस ये वाले में तो पढ़ लो कम से कम। पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी आज तुम्हारे लिए। अरे यार तुम फिर है ना, मैं तुम
मेरे से ऐसे ऐसे बातें कर करके सारे के सारे सरप्राइजेस ले लेते हो, फिर ऐसा हो जाता है। अभी नहीं बताऊंगी, बताती हूँ बाद में बताऊंगी। पैरेलल क्वेश्चन को हम कैसे एकदम ओपी कर लेंगे। मेंटी टेस्ट करवाओगे? मेंटी मेंटी टेस्ट, मेंटी टेस्ट, मेंटी टेस्ट नहीं कराऊंगी। मेंटी टेस्ट क्या होता है? यहाँ पे तो इतनी सारी, इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मेंटी को खुद मेंटी हो जाए। अब करा दो, लंच करने जाना है। हाँ यार मेरे को भी जाना है, मैंने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको ताकि कुछ खा पाए यार। हाँ सुबह से पढ़ा ही रहे हैं। बुला के ले आओ यार बाकी सारे लोगों को भी। और मैं बता रही हूँ कि मेरे को वैसे भी खाने में लौकी खानी है, और तुमने जो खाने के अंदर छोले भटूरे खाए, बद्दुआ लगेंगी मेरी। तो चाहे तुम्हारे खाने के अंदर छोले भटूरे क्यों ना हो, चुपचाप लौकी समझ के खा लेना। इसके लिए तो मैंने जल्दी जल्दी नहीं कराया, मैंने कहा क्या करूं, जल्दी जल्दी कराऊंगी जाकर तो मैंने वैसी लौकी खानी है। हाँ अगर मम्मी ने छोले भटूरे बनाए होते, बात अलग होती, मेरी स्पीड ये हो जाती ऐसे 2x पे चल रही होती है। ओके सो चलो फिर शुरू करते हैं। द राइटर टोन्स डाउन द फिलोसॉफिकल लोड इनहेरेंट इन द रैटरग विद द इंक्लूजन ऑफ आयरोनिकल सिचुएशंस, सैटिरिकल डायलॉग्स, क्लासिकल रेफरेंसेस, ह्यूमर एंड विट। क्या करें, डी लग रहा है, डी है आंसर। अरे बिल्कुल सही आंसर है, ह्यूमर एंड विट। एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी बाय सेल्मा लेगरलॉ। यार रैट ट्रैप के अंदर अपने आप में मेटाफर है, दुनिया को ट्रैप में बता रहा है ये। रैट ट्रैप में आने की पूरा दुनिया ट्रैप में है ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक ट्रैप है, अपने सारी की सारी चीजों के साथ में हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है। और जैसे ही हम किसी चीज को अचीव करने के लिए भागते हैं, वैसे ही हम एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। अब हम उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके हाउ डज द स्टोरी रैट ट्रैप हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। क्योंकि यार अकेलापन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और देखो ना यहाँ पर क्रॉफ्टर अकेला था, तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए उसने एक रैट ट्रैप सेलर को, एक पेडलर को भी घर के अंदर घुसा लिया और उसे सारी की सारी चीजें बता दी। ये रैट ट्रैप सेलर भी जो था वो अकेला ही था, एंड दैट इज वाई वो प्यार, कंपैशन, ट्रस्ट, ये सारी चीजों को नहीं समझता था। इसके साथ में आप सोचो आयरन मास्टर भी अकेला था। वो अपनी बेटी के साथ जरूर रहता था, पर वो दोनों इतने अकेले थे, इतना सब कुछ उनके पास था, पर उसके बावजूद भी वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते वो भी तो रैट ट्रैप सेलर को अपने घर के अंदर लेकर आए थे। तो ये इसी वजह से हम लोग सब समाज में रहते हैं, राइट? यही तो रीजन है कि हम लोग सब लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये लोगों को ही हम समाज कहते हैं, तो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आइसोलेशन जो है उसमें हम कम ग्रो करते हैं, हम सीख नहीं पाते हैं। तो ये देश एक पूरा कम्युनिटी है, और इसके साथ में जब हम चलते हैं तब हम बहुत कुछ सीखते हैं। यही हम अकेले थकेले चलेंगे सारी चीज तो चीजों से परे होकर, तो हम चीजें सीख नहीं पाएंगे। ओके अमिस्ट टेकन। ओके चलो दूर होकर पढ़ना पड़ेगा इसे। अ मिस्टेकन आइडेंटिटी लेड टू अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वन फॉर द रैट ट्रैप पेडलर। हाउ डिड दिस इंपैक्ट हिम? अरे यार यहाँ पर देखो, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, मतलब आप सोचो कि उसे एक कैप्टन समझ लिया था, और वहीं से बस एक नए रैट ट्रैप सेलर का जन्म हो गया। अब वहीं से एक कैप्टन का जन्म हो गया, क्योंकि अभी तक वो रैट ट्रैप सेलर ही था, पर जिस टाइम उसे कैप्टन माना, उसने अपने दिल से बस वो अपने आप को कैप्टन समझने लग गया, और उन क्वालिटीज को कहीं ना कहीं वो अपने अंदर लेकर आने लग गया, और वो चेंज हो गया। उसे लव, कंपैशन, इन सारी चीजों की डेफिनेशन समझ में आने लगी। हाँ दुनिया को लेकर परसेप्शन बदल गया।
If the Christmas spirit is about selflessness, forgiveness, and becoming better version of ourselves, amongst other things, Edla Will Manson is the epitome of this spirit, justified with 2 points of evidence from the Ratchet. हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एडला ने पॉइंट नंबर 1 सब कुछ जानने के बावजूद उसे अपने घर के अंदर लेकर आया था, और दूसरा इसके बावजूद कि वो एक रैट रैप सेलर था, उसने ये तक आतक ऑफर किया था कि वो अगले क्रिसमस में भी यहाँ पर आ सकता है। और राइट, नेक्स्ट चैप्टर है इंडिगो, लिखा है लुई फिशर ने। हाँ, ये जो बच्चे मेरा लुई फिशर कहते हैं, लुई फिशर ओपी नहीं कर रहे ना, सो गए ना तुम, शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? जल्दी से लुई फिशर ओपी कर दो, ऐसा क्यों कर रहे हो ध्रुव? हाँ जी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो, जिसे लिखा है लुई फिशर ने, जो कि बायोग्राफिकल अकाउंट है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जिसमें से माना जाता है कि ये किताब काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस किताब के अंदर वो महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बताते हैं, और इंडिगो बस उसी किताब का एक एक्सर्प्ट है। इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है कि किस तरीके से गांधी जी ने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स उन्हें उन्हीं के देश के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकते, और कहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि इस आज़ादी की लड़ाई को वो लोगों के साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं, और कैसे लड़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछने पर, जब 1942 के अंदर लुई फिशर जी गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, हाँ ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, तो गांधी जी बताते हैं कि यार ये बात है 1916-1917 की, जब मैं एक एनुअल कन्वेंशन में गया था जो कि लखनऊ में होना था, और वहाँ पर 2,301 डेलीगेट्स आए हुए थे, न जाने कितने विजिटर्स आए हुए थे, और उस जगह पे एक पेजेंट आता है जो कि एकदम बाकी सारे हमारे देश के पेजेंट जैसा ही था, और वो आता है, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और आकर बताता है कि वो राजकुमार शुक्ला है, वो चंपारण से आया है, और चंपारण में शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट चल रही है, जिसके चलते शेयर क्रॉपर्स के साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इसीलिए गांधी जी को चलना चाहिए। अब गांधी जी चंपारण का नाम इससे पहले कभी नहीं सुने थे, उनके लिए पहली बार था, और उन्हें नहीं पता था कि चंपारण एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि बिहार के अंदर है, नेपाल के किंगडम के पास है, हिमालय के फुटहिल्स पे है। तो अभी तक गांधी जी ने ये नहीं सुना था, और गांधी जी ये भी बोल रहे थे कि मेरे पास में काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए, अभी पहले मेरे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं आपके साथ में नहीं चल सकता। राजकुमार शुक्ला जो था वो बहुत ही डिटर्मिंड इंसान था, और इसीलिए वो हार मानने वालों में से नहीं था। गांधी जी इसके बाद में जहाँ पर भी जा रहे थे, राजकुमार शुक्ला जी उन्हें पीछे पीछे फॉलो करे जा रहे थे। वो सारे काम खत्म करने के बाद में गांधी जी जब अपने आश्रम आए, तब भी शुक्ला जी वहाँ पर आए, और फाइनली हफ्तों के बाद में उन्होंने बोला, प्लीज एक डेट बता दो मुझे कि आप चलने वाले हो। गांधी जी उसकी टेनासिटी, उनकी परसिवरेंस को देखकर इतना खुश हुए कि उन्होंने हार नहीं मानी है, कि उन्होंने बोला कि देखो यार, मैं सच एंड सच डेट को कैलकटा आऊंगा, और तुम मुझे वहां से लेकर जाना मेरा काम खत्म होते ही, एंड हम दोनों जो है, हम दोनों चलने वाले हैं तुम्हारे चंपारण, और देखने वाले हैं क्या इशू है। बस जैसा कि उन्होंने बोला था, गांधी जी कैलकटा आए, गांधी जी के फ्री होने का उन्होंने इंतजार किया, और उसके बाद में दोनों ने पटना के लिए बोर्ड कर लिया। अब जब वो पटना गए, तो पटना में राजेंद्र प्रसाद जी के घर वो जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। अब राजेंद्र प्रसाद जी के पास जैसे ही वो जाते हैं, वहां पर वो थे नहीं। अब उनके जो नौकर थे, उनका मानना ये था कि ये तो रोज रोज आ जाता है हमारे मालिक को परेशान करने के लिए, आज जरूर इसके साथ में भी एक और फार्मर आया होगा। गांधी जी के गेटअप को देखकर और बाकी सारी चीजों को देखकर उन्हें ये तक नहीं पता था कि गांधी जी टचेबल है, अनटचेबल है, क्या है। उस वक्त अनटचेबिलिटी एकदम पीक पे चल रही थी, तो उन्होंने गांधी जी को पानी तक नहीं पीने दिया वेल से, ये सोचकर कि अगर गांधी जी अनटचेबल हुए तो पूरा का पूरा कुआं जो है वो खराब हो जाएगा। एंड ये चीज़ वो हमें बताते हैं, एंड देन इसके बाद में पता चलता है कि वो वहां से निकल गए, और वहां से निकलने निकल कर उन्होंने सोचा वो मुजफ्फरपुर जाएंगे।
अब वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहे थे, तो यहाँ पर उनके एक नोन थे जिनसे वो शांति निकेतन में मिले थे, जिनका नाम था जेबी कृपलानी, वो प्रोफेसर थे। उन्होंने जेबी कृपलानी को टेलीग्राम किया, उन्हें बताया कि यार मैं आने वाला हूँ मुजफ्फरपुर, तो तुम मुझे वहां से पिक कर लेना। अब वहां पर मुजफ्फरपुर में मिडनाइट में जाकर उनकी ट्रेन रुकती है और वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं जेबी कृपलानी जी, अपने बच्चों के साथ में उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद में वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, उनके घर पर वो रहते हैं, जो कि वो कहते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे ये जो टीचर्स थे, इनफैक्ट कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था वो उन्हें बिल्कुल भी सहारा नहीं दे सकता था, क्योंकि वो एक होम रूल के एडवोकेट थे, राइट? तो वो होम रूल के एडवोकेट थे और उनके लिए वो अलाउड नहीं था। अच्छा, इसके साथ में अभी जैसे ही गांधी जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, गांधी जी के आने की खबर सब लोगों तक पहुंच जाती है, सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे पेजेंट्स को पता चल जाता है कि गांधी जी यहाँ पर आए हुए हैं। एंड दैट इज वाई वो लोग भी उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका एक चैंपियन आया है, एक ऐसा महात्मा आया है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब यहाँ से ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में अभी पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लॉयर्स होते हैं वो भी उन्हें ब्रीफ करते हैं, वो पूरा मुद्दा बताते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि चंपारण में जितनी भी एरेबल लैंड थी, जितनी भी ऐसी लैंड थी जहाँ पर आप कुछ भी उगा सकते हो, दैट मीन्स उपजाऊ धरती, तो जितनी भी उपजाऊ धरती थी वो सारी की सारी धरती को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लार्ज एस्टेट्स में डिवाइड कर लिया था। अब उसके बाद में पहली बात तो धरती हमारी थी, पर कहा उन्होंने कि हमारा है ये, ओके। अब इसके बाद में हमारे देश का जो किसान है, उनको अभी खेती अगर करनी होती थी तो उन्हें उसी उसी लैंड पे जो वो ब्रिटिशर्स कहते थे उनकी थी, उस पे ही खेती करनी होती थी। अब उस पे खेती करने के लिए ब्रिटिशर्स रेंट लेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने एक यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट उनके साथ किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम इस लैंड पे खेती कर सकते हो, बस शर्त ये है कि इसके 15% एरिया पे तुम्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा। इंडिगो एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, और 15% एरिया पे तुम्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा। अब ये इंडिगो जो है, इस इंडिगो को वो क्या करते थे, बाहर एक्सपोर्ट करते थे, इंडस्ट्रीज में काम आता था। आपको तो पता ही है, ब्रिटिशर्स के खुद के पास तो कुछ था ही नहीं, तभी जाकर वो कॉलोनीज बनाते थे और लोगों से चीजें चुराते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने वो क्या किया, उसे एक्सपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट करके लोगों से फिर वहां पे पैसा कमाते थे। तो सोचो, हमारा लैंड, हमारा किसान, हमारा इंडिगो, और पैसे कौन कमाते थे, ब्रिटिशर्स कमाते थे, और ये सब कुछ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट से चल रहा था। अब इसके बाद में क्या होता है, अभी अफवाह फैल जाती है, और अफवाह ये नहीं कह सकती मैं, बोल सकती हूँ न्यूज फैल जाती है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। अब यार कोई भी चीज जो नकली होती है, जो मैनमेड होती है, वो हो सकती है कि ज्यादा सस्ती हो ऑर्गेनिक से, राइट? तो इसके लिए अभी इंडस्ट्रीज को तो फायदा हो रहा था, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाया है, तो नेचुरली इससे चीजें सस्ती होंगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया से इंडिगो लेकर जाते थे, वो चीज का धंधा हो गया ठप। अब ब्रिटिशर्स इतने इंडिगो का क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि इस पूरे अरेंजमेंट को बंद कर देते हैं, पर बंद कर रहे हैं तो जाते जाते कुछ कमा लेते हैं। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर इनको ये बोल दिया जाए कि हम तुम्हें इस पूरे अरेंजमेंट से फ्री कर रहे हैं एक कॉम्पनसेशन पे। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो तुम्हें हमें कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में कुछ लोगों के लिए ये पूरा प्रॉब्लम इतना ताम झाम वाला था कि उन्होंने सोचा, अरे यार ये लो पैसे और हमें फ्री कर दो। तो उन्होंने एक हाथ पैसे दे दिए, दूसरे हाथ एक सिग्नेचर कर दिया, अग्रीमेंट साइन कर दिया, बात खत्म हो गई। अब दूसरी तरफ जो लोग थे वो कह रहे थे, हम क्यों दें यार पैसे, नहीं हम क्यों दें यहाँ पर पैसे, आपको बंद करना है ये अरेंजमेंट, हमें तो नहीं करना। उन लोगों ने तो लॉयर्स हायर कर लिया, ब्रिटिशर्स वहां पर उन्हें पिटवाने के काम कर रहे थे कि चलो इनको मार कूट के सही कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इस प्रोसेस में ये जो पूरी खबर है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया है, ब्रिटिशर्स को इससे फायदा नहीं होगा, इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को फ्री कर दिया है, ये पूरी की पूरी खबर पहुंच गई किसके पास में, हमारे फार्मर्स के पास में। अब जैसे ही खबर उनके पास पहुंच जाती है, तो ऐसे वाले फार्मर्स जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे वो हो जाते हैं खुश, वो कहते हैं चलो अच्छी बात है हमने तो पैसे नहीं दिए, और जिन लोगों ने पैसे दे दिए थे उनको ऐसा लगता है कि हमें तो बेवकूफ बना दिया, बोला मतलब आप तो हमें वैसे भी फ्री करने वाले थे और आपने हमसे पैसे ले लिए, उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए। अब इस मोमेंट पे गांधी जी जो है वो वापस आए थे, इस मोमेंट पे गांधी जी चंपारण में आए थे। अब ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट ये पूरी स्टोरी जो है मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने उन्हें सिखाई समझाई, तो
तो गांधी जी ने बोला कि यार ये पूरी स्टोरी सुनकर मैं एक पॉइंट पर पहुंचा हूं, और वो ये है कि आप इस केस को, इस मुद्दे को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जब आप इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाओगे ये पेजेंट्स कुछ कहेंगे ही नहीं। अरे जहां पर कोर्ट ब्रिटिशर्स का है, जज ब्रिटिशर है, लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर है, प्रोसिक्यूटर ब्रिटिशर है, और ये इंडियंस है, इनकी आवाज यहाँ नहीं निकल रही, कोर्ट में क्या निकलेगी? अगर तुम्हें कुछ करना है, और आज चलो हम लोग इन्हें केस जिता भी दे, कल क्या होगा? अगर तुम्हें करना है कुछ तो इन्हें डर से फ्री करो। ये डर से फ्री होंगे, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो फिर आगे से इनको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज वाई उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मामला जो है वो लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएगा। ओके, अब इसके बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को लेकर भी उन लॉयर्स को डांटा कि तुम इतने सारे पैसे इन शेयर क्रॉपर्स से लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब इसके बाद में मुद्दा आगे बढ़ता है, फाइनली वो अपनी पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो राजकुमार शुक्ला पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे पूरा, कि क्या फैक्ट्स है उन्हें नहीं पता थी, इसी वजह से वो मुजफ्फरपुर आए थे। अब मुजफ्फरपुर में उन्हें कुछ फैक्ट्स पता चला, पूरा स्टोरी लाइन पता चला, अब वो और फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहते हैं, और फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए जब वो तिरहट डिवीजन के लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में जाते हैं, इनफैक्ट वहां जाकर कोई भी डेटा मांगते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आप आउटसाइडर हो, आप बाहर के हो, हम आपको कोई डेटा नहीं दे सकता। हाँ, गांधी जी कहते सुन, अगर यहाँ कोई बाहर का है तो वो तू, मैं बाहर का नहीं हूँ, देश है मेरा, ये देश है मेरा, और ये जिस जिस जमीन पे तू खड़ा है वो मेरी है। तो उनको इस बात पे गुस्सा आ गया, कहीं ना कहीं उन्होंने बुली करने की कोशिश की, और उसके बाद में तिरहट डिवीजन के सुपरिटेंडेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी बोल दिया तिरहट तुरंत छोड़कर चले जा। गांधी जी ने बिल्कुल भी यहाँ पर ये इनके बुली बुली से वो डरने वाले नहीं थे, वो सीधा यहाँ से चले गए मोतिहारी। अब जैसे ही वो मोतिहारी जाते हैं, मोतिहारी जाकर उन्होंने एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अब उन्हें एक खबर आती है कि पास ही के एक विलेज के अंदर एक विलेजर है, एक फार्मर है जिसके साथ में बदसुलूकी हुई है, और वो इसीलिए जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। अब वो निकल पड़ते हैं वो जानने के लिए कि बीच में पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर उन्हें रोक लेते हैं, गांधी जी के लिए कोई पैगाम होता है। अब गांधी जी अपने घर जाते हैं, उसको रिसीव करते हैं, खोलते हैं, और लिखा होता है क्विट चंपारण इमीडिएटली, अभी के अभी चंपारण छोड़कर चले जा। गांधी जी साइन करते हैं, कहते हैं रिसीव हो गया है, और लिखते हैं आई डिसओबे। गांधी जी कहते हैं चिंता मत कर, रिसीव मैंने कर लिया है, बात पर मैं ये मानने नहीं वाला। ये उनके पास ऑर्डर आया हुआ होता है, और उस ऑर्डर को वो कर देते हैं डिसओबे। गांधी जी को पता था कि इधर वो डिसोबे करेंगे इसको, और उधर वहां पर जो ब्रिटिशर्स है वो तिलमिला जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा लाओ अब इसको कोर्ट में लेकर आओ, क्योंकि अब हम करेंगे काम। ऐसा ही करते थे वो, ऐसे ही करते थे, न जाने कितनी कितनी धाराएं लगाकर किन किन लोगों को जेल कर देते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे। तो उन्होंने यही सोचा, पर इस बार पंगा उनका किसके साथ था बस उन्हें ये पता नहीं था। अब जिस चीज का डर था वही हुआ, गांधी जी के लिए सम्मन आ गया, अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना है, उनकी पेशी थी। गांधी जी पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात उन्होंने टेलीग्राम किया पहले आश्रम को, कुछ भी हो सकता है, तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बताया कि कुछ भी हो सकता है। इधर उन्होंने सारे लॉयर फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद को बोला कि भाई तुम आ जाना, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मदद लगेगी। सबको इन्फॉर्म किया, और पूरे मुद्दे को भी उन्होंने पहुंचा दिया लेफ्टिनेंट तक भी, कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें वाइस रॉय को पूरा सब कुछ बता दिया, और बताकर वो सुबह निकल गए आपके कोर्ट के लिए। अब जब वो कोर्ट के लिए निकलते हैं, पूरा मोतिहारी ब्लैक हो जाता है। ये ब्लैक जो है ये सेनेकेड एक ही हो सकता है, क्योंकि ये उनके लोगों के सर है, ये लोगों के सर है जो दिखाया जा रहा है, कि पूरा मोतिहारी ब्लैक हो जाता है पेजेंट से, क्योंकि पूरे के पूरे कोर्ट हाउस को पेजेंट्स ने घेर लिया होता है। गांधी जी को वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे होते हैं, क्योंकि ये खबर कि गांधी जी को अथॉरिटीज के साथ में कुछ परेशानी हो रही है पेजेंट्स तक पहुंच जाती है, और वो सोचते हैं कि एक इंसान जो हमारे लिए यहाँ पर आया है उसे हम ये परेशानी नहीं होने देंगे। गांधी जी जब इसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, ये सोच के कि आज ये लोग अपने डर को हराए हैं, आज ये ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हैं, यही गांधी जी को चाहिए होता है। उस वक्त गवर्नमेंट बैफल हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता कि अंदर कैसे लेकर जाए गांधी जी को। उधर प्रोसिक्यूटर और जज सोच रहे होते हैं, कहते घर चले, कहते क्या करेंगे यहाँ पे, एक एक इंसान ने एक एक पत्थर भी मारा तो सर खुल जाएगा। वो ये सोच रहे होते हैं, वो डीले कर रहे होते हैं, और यहाँ पर पुलिस पर्सन को गांधी जी की मदद लेनी पड़ रही होती है कि प्लीज इस क्राउड को आप रेगुलेट कीजिए। गांधी जी सबको एकदम शांति के साथ में रेगुलेट करते हैं, कहते कुछ नहीं होगा,
और पोलाइटनेस के साथ में वो अभी कोर्ट के अंदर जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, भाई देर किस बात की है जब मैं आ गया हूँ। कैसे जैसे प्रोसीडिंग शुरू होती है, गांधी जी वहां पर अपना जो कह सकते हैं उनके साथ में ये जो उन्होंने डिसोबे किया उसे कबूल कर लेते हैं, तो अब वो प्ली कर लेते हैं गिल्टी के, हाँ उनसे गलती हुई है। वो कहते हैं कि देखो माजरा ये था, मामला ये था कि एक तरफ मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन रहूं, और दूसरी तरफ थी मेरी कॉन्शियसनेस, ठीक है, मेरा कॉन्शियंस, मेरा नेशनल सर्विस। तो मैंने ये चीज डिच कर दिया और मैंने मेरी नेशनल सर्विस को, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, उसे चूज किया। तो मुझे पता है कि मैंने आपके ऑर्डर को डिसोबे किया है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप मुझे पेनल्टी दे सकते हो, आप बताइए कितनी पेनल्टी है, मैं पे कर देता। जज कह रहा है ये इंसान खुद ही वकील है, ये इंसान खुद ही जज बन गया है, नहीं मैं क्या करूं यार, जॉब छोड़ दूं मैं क्यों, मेरे को क्यों बिठाया है यहाँ, ये पेनल्टियां खुद ले रहा है सब कुछ। उन्हें लगा था वो मुद्दा बनाएंगे, गांधी जी को जेल करेंगे, गांधी जी को फांसी चलाएंगे, ये सब होगा, उन्हें ऐसा लग रहा था, पर गांधी जी ने इन सारी चीजों की छुट्टी कर दी। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद अभी जज को भी सोचना पड़ा, कहता यार अथॉरिटीज से बात करनी पड़ेगी। जज ने कहा इंटरवेल है, खाना खा के आएंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आ जाओ खा के। तो इतने में उसने बोला कि 120 मिनट के लिए ऐसा करो तुम बेल ले लो, कहता नीचे ही बेल, इधर ही बैठा हूँ, कहता जा है यार एक चला गया यार। तो अभी उन्होंने यहाँ पर 120 मिनट के लिए गांधी जी को फ्री किया। उसके बाद वापस जब कोर्ट बैठी तो जज ने कहा कि अभी कुछ टाइम तक हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं, तब तक गांधी तुम फ्री हो। तो उन्होंने बोल दिया भाई हम कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तब तक गांधी जी तुम फ्री हो, जाओ जहां पर जाना है। वो तो चाहते थे कि गांधी जी चले जाएं, गांधी जी कहा ठीक है नहीं जाऊंगा मैं तो। कैसा कौन सा फैसला होता है ये, कैसा फैसला है ये। एनीवे गांधी जी को ये नहीं पता था कि ये जज और अथॉरिटीज जो है वो डर गए हैं। गांधी जी को ये लग रहा था कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो फिर ऐसे में इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। वो जब लॉयर्स से इस बारे में बात कर रहे थे तो लॉयर्स कह रहे हैं, जब उनसे बोला गया कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम क्या करोगे, तो एक लॉयर वहां पर कहता है, कहता घर चले जाएंगे, आपके लिए आए थे हम लोग, अगर आप जेल चले जाओगे तो हम घर चले जाएंगे आराम से, मुफलियाँ खाते। आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये इमेजिन कर सकती हूँ जब भी मैं इस लॉयर को नरेट करती हूँ, तो कहता हम भी घर चले जाएंगे। तो इतने में उन्होंने बोला फिर इनका क्या होगा, तो राजेंद्र प्रसाद ने बोला इधर आओ। उन्होंने बोला यार ये इंसान जो है ये ना तो यहाँ का है ना, इसका कोई केस से लेना देना है, और ये इंसान उसके बावजूद जेल जाने को तैयार है, और हम जो कि ना तो सिर्फ इस केस के लॉयर्स हैं, इसके साथ में बाजू में रहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे तो लोग थुतु करेंगे हमारे ऊपर। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर गांधी जी को जेल होगी तो वो भी जेल जाए। गांधी जी ने कहा अब तो देखो तुम, यह चंपारण जीत लिया समझो। अब इसके बाद में क्या था, गांधी जी ने चिटे बनाई, कहता देख भाई पहले मैं जेल जाऊंगा, फिर तुम दोनों ये करना, और फिर तुम जेल आ जाना, फिर तुम दोनों जेल आ जाना। गांधी जी ने पूरा मास बंक का, जैसे प्लानिंग नहीं करते हो आप क्लास में, वैसी प्लानिंग करी। तो गांधी जी ने प्लानिंग करी, प्लानिंग फ्लॉप हो गई, क्योंकि इधर से मैजिस्ट्रेट के यहाँ से नोटिस आता है, उनके पास में एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस वापस करवा दिया है, इसकी वजह से गांधी जी फ्री है, या कहते हैं एलो कहते नहीं, इतनी सारी चीजें हमने करी कुछ नहीं, फ्री कर दिया, गांधी जी फ्री हो गए। अब गांधी जी जो फ्री हो गए थे, अब तो उन्होंने कहा बस अब मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और इसीलिए वो एक एक करके सारे के सारे बयान इकट्ठा करने लगे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लगे, इन्वेस्टिगेशन चलाने लगे, 10,000 लोगों के बयान इकट्ठा किए, ये सब कुछ उन्होंने किया, और ये सारे टाइम बस लैंडलॉर्ड खड़े होकर देख रहे थे। अब ऐसे में सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने कहा ये किसी के सगे नहीं है, मेरे को बुला रहे, हो सकता है मैं वापस ना आऊं। हाँ गांधी जी ने फिर कहा, कहता है हो सकता है मैं वापस ना आऊं, अगर मैं वापस नहीं आऊं ना तो ये मूवमेंट एकदम बढ़िया तरीके से इसको चालू कर देना, क्योंकि ये पहली बार था कि मॉडर्न इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस जीता था, ये पहली बार उन्होंने ट्राई किया था, और बोला कि अगर मैं वापस नहीं आऊं तो मास मूवमेंट चला देना। अब ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोल दी थी, और वो गए सर एडवर्ड गेट के पास में, और वहां पर चार लंबे चौड़े इंटरव्यूज करने के बाद में सर एडवर्ड गेट ने बोला क्यों ना एक ऐसी कमीशन बिठा दी जाए, एक ऐसी कमीशन बिठा दी जाए जहां पर बैठकर हम इस मुद्दे को सुलझा लें। तो एक तरफ गांधी जी बैठ गए पेजेंट्स की तरफ से, दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स बैठ गए, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठ गए, और सर एडवर्ड गेट भी बैठ गए। अब ये सारे लोगों ने बैठकर डिस्कशन करना शुरू किया, और गांधी जी ने कहा एक मिनट
ये लो, क्या एविडेंस? ये एविडेंस है कि ये लैंडलॉर्ड ने क्या किया है पेजेंट्स के साथ। लैंडलॉर्ड तो बस उन एविडेंसेस को देखकर ही पसीना पसीना हो गए थे, कहते हार गए हम, तो उन्होंने वही हार मान ली। कहते कितने पैसे लोगे? तो अभी उन्हें लगा गांधी जी 100% पैसे मांगेंगे। गांधी जी को ये पूरी बात पता थी कि ये 1 रुपया देने वालों में से नहीं। गांधी जी ने बोला 50%, उन्होंने बोला नहीं हम 25% लेंगे। यहाँ पर ये लोग जो 1 रुपया नहीं देना चाहते थे, इनफैक्ट इस पूरे के पूरे चीज में उन्होंने नेगोशिएशन 50% पे ला दिया था ताकि ये मैटर कोर्ट में जाए और डिले हो और उन्हें 1 रुपया ना देना पड़े। उस सिचुएशन के अंदर गांधी जी ने 25% के लिए भी हाँ कर दिया ताकि ना तो सिर्फ यहाँ पर हम इन लोगों से पैसे निकलवा पाए बट इसके साथ साथ में उनका प्रेस्टीज भी आए। ये पहली बार था कि वो हार रहे थे, ये पहली बार था कि वो हार रहे थे, और उसके साथ साथ में आप सोचो कि वो पैसे भी दे रहे थे। और ना तो सिर्फ इतना था, गांधी जी ने जैसा प्रिडिक्ट किया था ये लोग अपनी बेइज्जती नहीं झेल पा रहे थे और इसी वजह से एस्टेट्स खाली करके भी चले गए। और इससे हमारे किसान को सीख मिली, हमारे लोगों को सीख मिली कि आपको अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही थे गांधी जी। गांधी जी का कोई लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्शंस के साथ नहीं था, उनका लॉयल्टी जो था वो लोगों के साथ में था। वो एक एक इंसान को ऐसे फ्री कर देना चाहते थे कि पूरा देश फ्री हो जाए। उनका भरोसा इन पॉलिटिकल एब्स्ट्रैक्शंस और आइडियोलॉजीज के अंदर नहीं हुआ करता था। वो तो इनफैक्ट जैसे ही उन्होंने चंपारण के अंदर इतनी बैकवर्डनेस देखी, इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस देखी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, इसके साथ में कुछ टीचर्स को बुलाया, एक डॉक्टर लेकर आए। ना तो सिर्फ स्कूल्स खुलवाए, लोगों को सैनिटेशन के बारे में ज्ञान दिया, इसके साथ साथ में उन्होंने एक डॉक्टर को लाया, लोगों की इलाज करवाए। 6 महीने तक वो वॉलंटरीली चलता रहा। उन्होंने कस्तूरबाई से बोला कि जाकर इन औरतों से बात करो कि ये ऐसे कपड़ों के अंदर क्यों है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने की। ये सारा का सारा एपिसोड जो चंपारण का था, ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया था। क्योंकि जिस एपिसोड के लिए उन्हें ऐसा लगा था उन्हें 3 4 दिन लगे थे, वो एपिसोड एक बार में 7 महीने ले चुका था उनकी जिंदगी के, और ओवरऑल 1 साल ले चुका था उनकी लाइफ का। ना तो सिर्फ इस एपिसोड से उन्होंने ये सीखा था कि देश कितने मिजरेबल कंडीशन के अंदर उस टाइम पे था, उन्होंने ये भी सीखा था कि सिविल डिसोबीडियंस से अब वो इन लोगों को हरा सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन इज द वे, सत्याग्रह है जिससे हम लोग हरा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमें उसके लिए हार नहीं माननी होती है। हमें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना होता है और हम जीत सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ किया चंपारण के लोगों के लिए और उन्हें इस पूरे शेयर प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर जीत भी दिलाई। इस पूरे मुद्दे के अंदर बीच में एंड्रयू जो थे, एंड्रयूज गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, सी एफ एंड्रयूज, और इतने बड़े डिवोटी थे कि जब वो जा रहे थे तो जाते वक्त उन्होंने गांधी जी से विदा लेने का सोचा, गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। तो जैसे ही सी एफ एंड्रयूज को यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने देखा, उनके दिमाग में बत्ती जली। कहते यार ये ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर है, अपने साइड कर लेते हैं, जल्दी जीत जाएंगे। तो कहते एंड्रयूज तुम जा क्यों रहे हो, तुम रुक जाओ हमारे साइड में, हमारे हमारे को मदद कर दो। एंड्रयूज ने कहा हाँ ठीक है, बोला अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। गांधी जी को सब समझ में आ गया था कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या सोच रहे थे। गांधी जी ने कहा अच्छा तुम्हें लगता है कि वन साइडेड फ्लाइट है फाइट है, हाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग इसकी मदद से ही जीतेंगे, अपने बलबूते पे नहीं जीत पाएंगे, हाँ कि तुम इसके कांधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हो। तो गांधी जी ने उन्हें बताया, बोला मैं सब समझ रहा हूँ, पर क्योंकि ये फाइट जो है ये सच्चाई की है, ये हम यहाँ पर ट्रूथ से लड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और वही बहुत है, हमें यहाँ पर एंड्रयू की या किसी और की जरूरत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा अरे यार गांधी जी तो सब कुछ समझ गए, और इसी के थ्रू गांधी जी ने सबको आत्मनिर्भर बनने का पाठ भी सिखाया। ऑल राइट, इसके साथ में कंप्लीट हो गया है चैप्टर इंडिगो, और ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर मैम? पूरी फ्लेमिंगो? यस। क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाट? नो, सी एफ एंड्रयूज।
मजा आ गया, फुल्ली क्लियर, ओके थैंक यू। चलो, दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वॉन्टेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल एंड विद विद द अथॉरिटीज देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by India. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Okay, question आ गया आपके सामने। The officials felt powerless because of Gandhi's refusal to cooperate with them, of Gandhi's polite and friendly behavior. The crowd was listening only to Gandhi. The crowd was getting violent. आखिरकार गांधी जी के आने पे यहाँ पर ऑफिशियल्स को एकदम ऐसा क्यों फील हो रहा था जैसे कि वो पावरलेस है, जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है क्या आंसर होगा? सी, ओके। द क्राउड वॉज लिसनिंग ओनली टू गांधी। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये 2020-2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, ऑफ गांधी इज रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद देम तो हो ही नहीं सकता, कि सच ही नहीं है। ऑफ गांधी इज पोलाइट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि गांधी जी जो है वो इतने ज्यादा फ्रेंडली है और इतने ज्यादा पोलाइट है, तो उसको लेकर एक बार साइड में कर लेते हैं। द क्राउड वॉज लिसनिंग ओनली टू गांधी, विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर, एंड द क्राउड वॉज गेटिंग वायलेंट, ये भी नहीं हो सकता। आई गो विथ यू, द क्राउड वॉज लिसनिंग ओनली टू गांधी, इसी वजह से ऑफिशियल जो है वो पावरलेस फील कर रहे थे, बट इसका आंसर जो है वो बी दिया हुआ है। तो इसका आंसर इसके अंदर बी दिया हुआ है। वैसे तो आई गो विथ यू, इसका आंसर सी होना चाहिए, बट ठीक है। अब जो मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में इसका आंसर बी है, शायद इसके लिए बी दिया हुआ है क्योंकि उनका ये मानना है कि गांधी जी का इतना पोलाइट बिहेवियर और इतना वो ऐसे थे कि ठीक है, इतने फ्रेंडली थे, जिसकी वजह से केवल उन्हीं की बातें यहाँ पर सुनी जा रही थी और वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उनका जो पावर था, उनका पावर यहाँ पर काम ही नहीं आ रहा था, जबकि गांधी जी की पोलाइटनेस काम आ रही थी, शायद इसके लिए। ये 3 AM क्वेश्चन जरूर सीबीएसई ने, बिल्कुल सही कह रही हो, 3 बजे बनाया होगा। द डिमॉन्स्ट्रेशन प्रूव दैट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश हैड फेल्ड, ड्रेड इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस हैड बिगन टू लेसन, डीलिंग्स विद द इंडियन सिटीजन हैड बीन अनसक्सेसफुल, माइट ऑफ द ब्रिटिश हैड नॉट बीन अंडरस्टूड बाय इंडियंस। क्या लग रहा है? डिमॉन्स्ट्रेशन ने क्या प्रूव कर दिया? पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश हैड फेल्ड, ड्रेड इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस हैड बिगन टू लेसन, डीलिंग्स विद द इंडियन सिटीजन हैड बीन अनसक्सेसफुल, माइट ऑफ ब्रिटिश हैड नॉट बीन अंडरस्टूड बाय इंडियंस। हाँ, जो लोगों के दिल के अंदर डर था, अब वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। नेक्स्ट, विच स्टाइल फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज बींग यूज बाई ऑथर वेन ही सेज अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, ह्यूमरस, ड्रामेटिक, सार्कास्टिक या परसुएसिव? अरे सार्काज्म दिख रहा है क्या? तो लगता है इनको भी अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी गांधी जी का जलवा देख के। सार्कास्टिक,
गांधी जी बिहेवियर टुवर्ड्स द ब्रिटिश प्रायर टू द प्रपोजल ऑफ द पोस्टपोनमेंट ऑफ द ट्रायल वाज दैट ऑफ इंडिफरेंस काम एक्सेप्टेंस इग्नोरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पोलाइट हेल्पफुलनेस। काम थे बहुत ही ज्यादा। हाँ काम एक्सेप्टेंस हो सकता है। फिफ्थ बोलता है राजकुमार शुक्ला's efforts resulted in गांधीजी's fight for the farmers' cause. This showcases that he was meticulous and kind, sincere and curious, enterprising and persistent, respectful and congenial. क्वेश्चन नंबर 5। अरे एंटरप्राइजिंग एंड परसिस्टेंट, उन्होंने वहां पर परसिस्टेंस नहीं दिखाई होती तो गांधी जी यहाँ पर कभी आते ही नहीं और ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। एज द होस्ट ऑफ द टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला टू द ऑडियंस बाय स्टेटिंग एरी टू ऑफ हिज डिफाइनिंग क्वालिटीज। यू मे बिगिन योर आंसर लाइक दिस। Meet Rajkumar Shukla, the man who played a pivotal role in Champaran movement. He, आपको यहाँ पर दो qualities बतानी है जिसमें सबसे बड़ी quality तो उनका persistent होना है, उनका resolute होना है, ठीक है? तो उनका persistent होना, उनका resolute होना, इसके साथ साथ में उनका निडर होना, कितने ब्रेव थे, कितने courageous थे, चंपारण से चलते चलते यहाँ आ गए थे, सोचो। एज इन वहां से एकदम ऐसे ऐसे नहीं सोचा कि मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बात करने जा रहा हूँ, सीधा वहां पर ब्रेवरी से वहां पर आ गए और बात करना शुरू कर दिया कि चलो अभी उनको हराना है। करेजियस। बायोग्राफीज इंक्लूड फीचर्स ऑफ नॉन फिक्शन टेक्स्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स सच एज डिस्क्रिप्शन सीक्वेंस कंपैरिजन कॉज एंड इफेक्ट और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एग्जामिन इंडिगो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स। ऑटोबायोग्राफिकल एक्सर्प्ट है ये और यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बताई हुई है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर गांधी जी आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, एट द सेम टाइम क्या नतीजे निकले। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे आपको इंडिगो की समरी लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। किसने लिखा है? अशोका मित्रन जी ने, जल्दी से ओपी कर दीजिए। पोएट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रन ओपी, बाकी सारे टोपी। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसे अशोका मित्रन ने लिखा है। अशोका मित्रन ने एक हाँ जी एक किताब ऐसी लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ को डिस्कस किया था बॉस के साथ में, इनकी जिंदगी बॉस के साथ में कैसी गुजरी, और उसी का एक्सेप्ट है ये। अशोका मित्रन जेमिनाई स्टूडियो में काम किया करते थे, जहां पर उन्होंने उनका जो काम था वो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग काफी इनसिग्निफिकेंट था, क्योंकि वो वहां पर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को काट के और फाइल किया करते थे, और बाकी सारे लोग जो वहां पर काम किया करते थे उनसे काफी ज्यादा जानते थे अशोका मित्रन जेमिनाई स्टूडियो को। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की ये बताकर कि पैनकेक जो है वो एक मेकअप ब्रांड हुआ करता था जिसका एक एरा था, और उस टाइम पर वो जेमिनाई स्टूडियो के अंदर ट्रकें भर भर के आया करता था और लोगों के ऊपर लगाया करता था। जो मेकअप रूम था जेमिनाई स्टूडियो का वो रॉबर्ट क्लिफ के तबेलों के अंदर था। इसके साथ साथ में ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, ये मेकअप डिपार्टमेंट में पूरा नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पहले इस मेकअप डिपार्टमेंट को एक बंगाली चलाया करता था और अब एक महाराष्ट्रियन उसे चलाता है, बट आपको देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डीडी नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो भी इतना इंटीग्रेशन नहीं कर पाता जितना ये कर पाता है। ये भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक हायरार्की है, जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होता है वो लीड एक्टर्स का ही मेकअप करता है, और जो उससे नीचे उसका एसोसिएट होता है वो सेकेंड लीड, और उसके बाद में उसके नीचे जो होता है वो मेन कमेडियन का मेकअप करता है, एंड देन उसके बाद में जो आता है ऑफिस बॉय वो मेकअप करता है क्राउड का। हाँ, मेकअप डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिस बॉय था। ये जो ऑफिस बॉय था इसका काम ये था, बड़े से पतीले के अंदर खूब सारा फाउंडेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता किस शेड का क्या, बस उसको घोल लो, एक मोटी सी ब्रश ले लो और लेकर सबके ऊपर पेंट कर लो, ये उसका काम था। उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ऑफिस बॉय सालों पहले जेमिनाई स्टूडियो इस होप के अंदर आया था
कि वो यहाँ पर एक लीड एक्टर बनेगा, एक यू नो स्क्रीन राइटर बनेगा, हो सकता है कि एक डायरेक्टर बन जाए, लिरिक्स लिखने लग जाए, और पोएट तो था ही। बट उसके बाद में उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ ये सारी चीजें करके उसका सिर्फ टैलेंट वेस्ट किया जा रहा था। एंड दैट इज वाई जब अशोका मित्रन जी अपने क्यूबिकल के अंदर हुआ करते थे, जहाँ पर आकर लोगों को बस यही लगता था कि अशोका मित्रन जी कोई काम नहीं करते, और आकर लोग ज्ञान ही देते थे, वहां पर वो भी आ गया था और आकर अशोका मित्रन जी को अपने लिटरेरी एपिक्स से बोर किया करता था। अशोका मित्रन जी तो प्रे करने लग जाते थे, हे भगवान आज क्राउड की शूटिंग करा दे, आज इसको मेकअप करने के लिए भेज दे ताकि मेरी जान छूटे, तो प्रे करने लग जाते थे। बट देन अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब है ना। सो अभी यहाँ पर कैसे जैसे उनकी जान तो छूट जाती थी इससे। अब ये जो ऑफिस बॉय है, ये ऑफिस बॉय सच में ऐसा मानता था जैसे कि वो बहुत कुछ डिजर्व करता है, बट ये सारी चीजें उसे इसलिए नहीं मिली है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जिन पे उसका हक है वो तो कोठा मंगलम सुबू के पास है। कोठा मंगलम सुबू से वो नफरत करता था। सुबू एक्चुअली जेमिनाई स्टूडियो के बॉस का राइट हैंड था। सुबू का काम ही पता है बहुत ही निराला था। हर जगह आपको सुबू 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 देखने को मिलेगा। ये सुबू जो है वो किसी भी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के लिए सच में एक एप्ट पर्सन हो सकता है, मतलब टेलर मेड था वो तो फिल्म मेकिंग के लिए। आप उससे कुछ भी करा लो, आप उसको एक सीन दे दो, कह दो देखो यहाँ पर एक चूहा है जिसने पानी के अंदर टाइगर को टाइग्रेस को मार दिया है, और उसके बाद में वो जैसे ही उसके बच्चों को देखता है तो उसे दया आ जाती है और उसे वो पाल पोस के बड़ा करता है। आप ये एक्ट करके दिखाओ, वो करके दिखा देता था। अगर इससे कुछ नहीं होते थे तो वो 14 ऑल्टरनेटिव दे देता था। तो सोचो मतलब वो खतरनाक इंसान था यार। वैसे तो वो यहाँ पर कोई काम नहीं करता था, लोगों को काम उड़ाया जाता था, पर उसके बावजूद भी उसके प्रिंसिपल्स और उसकी लॉयल्टी एंड ऑफ कोर्स उसकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी की वजह से उसे यहाँ पर रखा हुआ था। इसके साथ में सुबू बहुत ही निराला इंसान था। आप सोचो सुबू इतना अच्छा एक्टर था कि कभी कभी जब उसे एक्टिंग का मौका मिलता था तो वो लीड, कभी उसने ऐसे लीड एक्टर्स की जगह नहीं मांगी, पर जब भी उसे एक्टिंग का मौका मिलता था वो लीड एक्टर से बेटर एक्टिंग कर लेता था। जहां पर भी वो होता था उसकी एक्टिंग के लिए लोग तालियां बजाते थे, तो एक अच्छा एक्टर तो था ही। इसके साथ साथ में वो बहुत अच्छा पोएट भी था। लिटरेचर के अंदर भी उसने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। उसने एक नॉवल भी लिखी थी जो कि देवदासी के लाइफ को हाईलाइट करती थी, बट वो फिल्म मेकिंग के अंदर इतना अच्छा था कि उसके लिटरेचर एस्पेक्ट को तो कोई देखता ही नहीं था। इसके साथ साथ में सुबू दिल का भी बहुत अच्छा था। वो बहुत ही चैरिटी करता था। इनफैक्ट आसपास के जितने भी लोग थे, कोई दूर के रिश्तेदार, कोई पास के रिश्तेदार, जो भी यहाँ पर आया करते थे सुबू उनकी मदद किया करता था। सारे के सारे लोग उसके घर में रहते थे, सारे के सारे लोगों को वो खाना खिलाता था। एक बार भी वो ये नहीं सोचता था कि उसका गुजारा कैसे होगा। अब सुबू इतना सब कुछ करता था, उसके बावजूद भी उसके हेटर्स हो सकते थे क्या, वो तो पता नहीं, बट ये जरूर कह सकते हैं कि ऑफिस के अंदर सारे के सारे लोग सुबू को चमचा जरूर मानते थे। सबको ये लगता था कि ये बॉस की चमचागिरी करता है बस। और डेफिनेटली एक इंसान तो था मेकअप डिपार्टमेंट में जो कि उससे नफरत ही करता था। अब यार ये सुबू एक्चुअली वैसे तो आपको बॉस के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेगा, बट हकीकत में ये स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था, जहाँ पर इसके साथ में और भी पोएट्स, राइटर्स और एक लॉयर भी था। ये जो एक लॉयर था, ये लॉयर वैसे तो लीगल एडवाइजर था पर काम इसके इलीगल वाले थे। अरे एक बार की बात है कि एक जो एक्ट्रेस है वो बिगड़ गई। दैट मीन्स वो सारे लोगों के सामने चिल्लाने लग गई, हंगामा कर दिया उसने। अब वो यहाँ पर जब सारे लोगों को सुना रही थी, डांट रही थी, हंगामा कर रही थी, तो लॉयर ने ये सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके जैसे ही वो शांत हुई उसे दिखा दिया। कहता ये देखो मैडम जी आप ऐसे बात कर रहे थे। अब जैसे ही उस लड़की ने, वो लड़की बेचारी कंट्री साइड से आई हुई थी, उसने इतनी सारी चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अरे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसने जैसे ही अपने आप को वहां देखा ऐसे बात करते हुए, है ना, वो वर्ड्स चूज करते हुए, वो एकदम से उसका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। उसे तो ऐसा लगा जैसे कि वो अब कभी भी बोल ही नहीं सकती है कैमरा के सामने। इतना अच्छी, इतनी ब्रिलियंट एक्टर वो थी, और इतने ब्रिलियंट एक्टर का करियर जाने अनजाने के अंदर हमारे लॉयर ने खत्म कर दिया था। एनीवे ये बेचारा लॉयर जो है, ये इतने सारे लोग जो ख्वाबों की दुनिया में जीते थे उनके बीच में बेचारा अकेला ही था। जहाँ पर सारे के सारे लोग गार्डियन थे और खादियाइट थे, और खादी पहन कर आते थे, कुर्ता पजामा पहन कर आते थे, वहां पर ये अलग ही पूरी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहन कर आता था। इतने ड्रीमर्स के बीच में कोल्ड लॉजिक का एक इंसान था। एक बार बॉस ने इसको ये भी कहा कि चलो ठीक है तुम एक फिल्म को भी प्रोड्यूस कर लो। इसने एक फिल्म को भी प्रोड्यूस किया, और वो फिल्म इतनी ज्यादा चली भी नहीं थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टोरी डिपार्टमेंट जो है उसको हटाना पड़ा। ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा, और जैसे ही इसको बंद किया गया इसके साथ में इस लॉयर की भी नौकरी जो है वो चली गई। ये शायद पहली बार ही हुआ होगा कि पोएट्स या राइटर्स की नौकरी जाने की वजह से एक लॉयर की नौकरी गई होगी।
अब यहाँ पर ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में हमें बताया जाता है कि जेमिनाई स्टूडियो जो है, जेमिनाई स्टूडियो के अंदर आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। सारे के सारे लोग कॉफी की चुस्की लेते हुए सारे के सारे लोग बातें करते रहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, जिसके अंदर कम्युनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे तो लोग बस बचना चाहते हैं। उनको कम्युनिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट पूरे जेमिनाई स्टूडियो में आप कम्युनिस्ट इंसान की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम एक कम्युनिस्ट इंसान ऐसा इंसान होता है जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है। एक ऐसा इंसान होता है जो वक्त आने पर अपने खुद के माँ बाप, अपने बच्चे, अपने खुद के प्यार को, अपने स्पाउस को मार दे। ऐसे इंसान का कोई ईमान धर्म नहीं होता, एंड दैट इज वाई उन्हें नफरत थी कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट से। अब ऐसा होता ही था क्योंकि उस टाइम उस एरा के अंदर यही सारी बातें हुआ करती थी, तो ये बातें जेमिनाई स्टूडियो के अंदर भी पहुंचा करती थी। अब इसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है फ्रैंक बकमैन की मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी की। ये जो आर्मी है, ये आर्मी उन्होंने इसके लिए शुरू की थी क्योंकि ये जो समय था, ये समय था कोल्ड वॉर का, जब यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच में लड़ाई थी आइडियोलॉजीज की। यूएसए का मानना ये था कि कैपिटलिज्म अच्छा है, जबकि यूएसएसआर जो कि प्रेजेंट टाइम पर रशिया है, उसका ये मानना था कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म अच्छा है। तो फ्रैंक बकमैन ने इस आर्मी को इसीलिए शुरू किया था ताकि से वो कम्युनिज्म को काउंटर कर सके, कम्युनिज्म को जवाब दे सके। अब ये आर्मी जो उन्होंने शुरू की थी, ये आर्मी जो थी इसके अंदर 20 नेशनैलिटीज से लगभग 200 लोग थे जो कि यहाँ पर आए थे, और ये जेमिनाई स्टूडियो के अंदर आए। जब ये जेमिनाई स्टूडियो के अंदर आए तो लोगों ने इसे इंटरनेशनल सर्कस कहा, और ऑथर ने इसे इंटरनेशनल सर्कस इसके लिए कहा क्योंकि सारे लोग अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप साइजेस के लोग थे, तो बोला ये तो सर्कस जैसा लग रहा है। सच में वो सर्कस नहीं था। उनको ना तो ऊपर हवाओं में चढ़ना आता था, ना ही उनकी दोस्ती एनिमल्स के साथ थी सिवाय डिनर टेबल के, तो सच में तो ऐसा नहीं था। बट वो लोग क्या थे, वो लोग एक्चुअली एक ग्रुप था जो कि प्ले किया करते थे। उनके दो प्लेस बहुत ही ज्यादा फेमस थे, एक था जोटन वैली और दूसरा था फॉरगॉटन फैक्टर। इसके बारे में मतलब इसके तो इतने लोग फैन थे कि 600 लोगों की जेमिनाई स्टूडियो ने न जाने रिपीट पे देखे होंगे, कितने शोज चलाए होंगे इसके। ऐसा इसके लिए था क्योंकि उनकी कॉस्ट्यूम, उनका सेट, उनका खास करके सनराइज और सनसेट बहुत ही अच्छा हुआ करता था। एकदम प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे बांसुरी की आवाज आती थी, बहुत ही अच्छा आइडिया था, और सारे लोग इसे कॉपी करते थे। उनके प्लेस के अंदर और इससे ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा कॉमन सा मॉरल था, बस यही था जो बहुत ही हाई फाई चीज थी। उनके जाने के सालों के बाद में पता चलता है अशोका मित्रन को कि आखिरकार वो वहां पर आए क्यों थे। उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक बकमैन ने ये एक काउंटर कम्युनिज्म मूवमेंट जो है वो शुरू किया था, और ये इसी वजह से यहाँ पर आए थे। उन्हें ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो जेमिनाई स्टूडियो का इस्तेमाल हो गया, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं जरूर बॉस को भी लगा होगा। पर उनका ये मानना है कि ठीक है यार, काउंटर कम्युनिज्म या नो कम्युनिज्म, इंटरनेशनल कम्युनिज्म या नहीं, जो भी है, बस ये जो आर्मी थी ये अच्छा था, कम से कम हमने कुछ नया तो देखा, नहीं तो पूरे टाइम बस उस ऑफिस बॉय को क्राउड को पोतते हुए देखते हैं और कुछ नहीं। तो ये फाइनली उन्होंने यहाँ पर बताया। अब इसके बाद में क्या हुआ, हमारे जेमिनाई स्टूडियो के अंदर एंट्री होती है किसकी, एक पोएट की। एक पोएट जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सारे के सारे पोएट्स एंड राइटर्स ने अपना दिमाग, अपना सर खुजा लिया, पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पोएट है कौन। सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और बाद में हमें पता चल रहा है कि ये तो एडिटर भी है। अब उन्हें पता नहीं है कि यार ये है कौन, और इतने में इस इंसान की हो जाती है एंट्री। अब ये जो इंसान है, ये इंसान एकदम बहुत ही ऐसे टॉल और बहुत ही इंग्लिश और बहुत ही अनजाना लग रहा था, न जाने कौन है। और बॉस ने भी जब इसका वेलकम किया तो एकदम ऐसे ही वेग सी स्पीच देकर वेलकम कर लिया। वो आता है, 1 घंटा आकर बोलता है, किसी को पता ही नहीं क्या बोल रहा है। उसका एक्सेंट ऐसा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे ही वो गया तो सारे लोग सोचते यार, हम तमिल फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री हैं, हाँ हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो तमिल है, तो कर क्या रहा है यहाँ, और ऐसे एक्सेंट में क्या करने आया था ये। ये एक मिस्ट्री हो गई सबको, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर आया क्यों था, ये एक मिस्ट्री बन गई थी। एनीवे इसके बाद में अभी ये क्योंकि मिस्ट्री बनकर चल ही रहा है। अब क्या होता है, इसमें वो प्रोस राइटिंग के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि यार प्रोस राइटिंग ना एक कला है। आपको पता है प्रोस राइटिंग जो कि अभी चैप्टर्स देखते हो, बोला ये जो प्रोस राइटिंग है, ये प्रोस राइटिंग करने के लिए दिल चाहिए, क्योंकि कैसे आप कोई चीज़ को लिखते हो और लिख कर किसी को दे देते हो, और वो इंसान हो सकता है उसे रिजेक्ट कर देता है, पब्लिशिंग हाउस उसे रिजेक्ट कर देता है। आपके अंदर दिल होना चाहिए कि आप वापस किसी और को वो दो, फिर किसी और को, फिर किसी और को। तो इसके लिए प्रोस राइटिंग तो भाई जिगर वाला इंसान ही कर सकता है। अब यहाँ पर ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी उन्हें हिंदू ने प्रोवाइड किया था। एक एडिटोरियल था जिसका नाम था द एनकाउंटर।
जिसके तहत वो अपना प्रोज राइटिंग जो है वो सबमिट कर सकते थे। कॉन्टेस्ट इसके अंदर चल रहा था। अब वो इसमें सबमिट करके और अपना पैसा लगाने से पहले ये सोचना चाहते थे कि क्या है ये, तो इसीलिए वो ब्रिटिश लाइब्रेरी गए। उन्होंने द एनकाउंटर मैगजीन उठाई और देखा तो एडिटर पे स्टीफन स्पेंडर का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने स्टीफन स्पेंडर सुना तो एकदम से घंटियां बजने लग गई। ऐसा लगा जैसे कर्ण अर्जुन है, एक तरफ अशोका मित्र, दूसरी तरफ स्टीफन स्पेंडर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो और गाने बज रहे हो, एक इधर बज रहे हैं उधर स्टीफन स्पेंडर के अंदर भी गाने बज रहे हैं, और फिर जब वो मिलेंगे तब भी गाने बजेंगे। नाम तो कहीं देखा देखा था, ये इंसान जरूर कहीं तो जाना पहचाना था। इसके बाद में जैसे ही उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो छोड़ दिया, उनके पास ज्यादा इनकम सोर्स नहीं था, एंड दैट इज वाई जो भी कुछ भी उनको सस्ते में मिल जाता था वो खरीद लेते थे। एक बार की बात है, उन्हें कुछ स्टूडेंट एडिशन बुक्स मिल गई थी जो कि 50 पैसे के अंदर मिल रही थी, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। अब वो जो बुक थी वो बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, जिसके अंदर 6 महान लोगों ने एसेज लिखे थे, और वो एसेज थे उनकी जर्नी को कि उनकी जर्नी कम्युनिज्म और उससे बाहर कैसी रही, और इन महान लोगों में बिल्कुल लुई फिशर और स्टीफन स्पेंडर जैसे लोगों के नाम थे। अब जैसे ही उन्होंने ये देखा तब उन्हें पता चला कि ये स्टीफन स्पेंडर आखिरकार कौन था। ये तो वही पोएट था जो वहां पर आया था और वहां पर हमें अपनी जर्नी जो है कम्युनिज्म की और कम्युनिज्म में और उससे बाहर उसको डिस्कस करने आया था। ये जो मिस्ट्री इतने सालों से उनके दिमाग में चल रही थी, ये मिस्ट्री आखिरकार अब जाकर जो थी वो सॉल्व हो गई थी। स्टीफन स्पेंडर अब वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। तो दिस इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसके अंदर चैप्टर के अंदर एक स्टोरी लाइन नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं। इसके लिए कोशिश करें कि आप इसको तो इवेंट से ही करें, सीरीज ऑफ इवेंट बनाकर ही करो। ऑल राइट। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द स्टोरी एंड टाइटल आर कनेक्टेड। हाय श्रेया। सो पैनकेक कम्स फ्रॉम द मेकअप ब्रांड पैनकेक एंड ऑफ कोर्स द मेकअप डिपार्टमेंट, क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट किसी भी फिल्म मेकिंग स्टूडियो की जान होती है, तो इसकी वजह से पैनकेक का सिग्निफिकेंस वहाँ से आता है। एंड अबाउट पोएट्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले देखा पोएट नंबर वन जो कि हमारा ऑफिस बॉय था, एंड देन वी सी कोठा मंगलम सुबू, एंड देन वी सॉ स्टीफन स्पेंडर एंड सो मेनी पोएट्स हु यूज्ड टू सिट इन जेमिनाई स्टूडियोज कैंटीन एंड सिप यू नो कप्स ऑफ कॉफीज। सो या, सो इट वाज ऑल अबाउट पोएट्स एंड राइटर्स। सो दैट्स हाउ द टाइटल इज कनेक्टेड टू द स्टोरी। व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ना, देयर इज नो मॉरल। ओके, बाकी सारे बच्चे जो एकदम से जाग गए, सो गए थे, अब जाग जाओ। अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड, शी हैडन गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैज फाउंड हरसेल्फ कैप्सुलेटेड इनटू। ओ नो, कैपिलेटेड इन टू। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड अ ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। सो दिस इज द एक्सट्रैक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रीसेंट पेपर ओनली। वाई? बिकॉज पोएट्स एंड पैनकेक्स इससे पहले आया नहीं। सो आप ही हो वो लकी बैच जिसको ये पढ़ना पड़ रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट वुड रेफर टू गुड एजुकेशन टू गेन नॉलेज, सिचुएशंस दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, स्मॉलर नॉट सो इम्पॉर्टेंट रोल्स इन एक्टिंग, ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स। वो जो लड़की थी वो बेचारी इधर कंट्री साइड से आई हुई थी, तो उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, ये कि कब क्या बोलना है, पब्लिक में क्या चीज रिवील करनी है, नहीं करनी है, किसके साथ कैसे बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। मैं बैटरी चेंज करती हूँ।
हाँ जी, पहले का आंसर, अरे बिल्कुल बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। सिचुएशंस दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक में कब क्या बोलना है। सेलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। सील्ड, क्लोज्ड, प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड को किसके साथ में? कैटेपुलेटेड, कैटेपुलेटेड, कैटेपुलेटेड के साथ में फिल होगा ये। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वॉज अ और एन वेल प्लान्ड एक्ट, अन इंटेंशनल एक्ट, एक्ट ऑफ जेलसी, एक्ट ऑफ मेल डोमिनेंस। हाँ, उसे एक्चुअली पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि वो उसका करियर खत्म कर देगा, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, तो अनइंटेंशनल। बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर। ही डिसलाइक द एक्ट्रेस फ्रॉम द कंट्री साइड। ही एक्टेड आफ्टर थिंकिंग थ्रू थिंग्स केयरफुली। ही डिड नॉट जेल वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट। ही वॉज ऑलवेज ड्रेस स्मार्टली। दैट इज ट्रू, समथिंग दैट्स ट्रू। सी विल बी ट्रू। ही डिड नॉट जेल वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि बाकी सारे लोग जहाँ पर ड्रीम्स देखने वाले, ख्वाबों की दुनिया के अंदर रहने वाले पोएट्स और राइटर्स थे, वहाँ पर ये इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड लॉजिक से सोचता था। आइडेंटिफाई द टेक्सुअल क्लू दैट अलाउज द रीडर टू इन्फर दैट द राइटर इज सिंपथेटिक टूवर्ड्स द प्रोफेशनल फेट ऑफ द एक्टर। तो बिल्कुल राइटर ने यहाँ पर बताया है कहाँ पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अरे यार बेचारी का करियर खराब हो गया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर उन्होंने लिखा है सैड एंड। ये जो सैड एंड है ये उनकी जिंदगी के अंदर उस लीगल एडवाइजर की वजह से आया था। तो ये सैड एंड जो है ये उन्होंने ऐड किया हुआ है, अपने एक्सप्रेशन दिए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो भी इसके साथ में बहुत ही सिंपेथेटिक थे। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एज पर द एक्सट्रैक्ट। द राइटर यूजेस द वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर टू द आउटफिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर्स बिकॉज जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म सब लोगों की सिमिलर होती है, तो जैसे यूनिफॉर्म सिमिलर होती है वैसे ही ये सारे के सारे लोग जो डिपार्टमेंट के थे वो कुर्ता और धोती पहना करते थे, तो उनके क्लोथ्स के अंदर भी सिमिलैरिटी थी और साथ ही साथ उनकी आइडियोलॉजी भी सिमिलर थी, गांधीयंस एंड खादियाइट। इसके लिए तो वो आप इसके आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया है द इंटरव्यू। इसे किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। द इंटरव्यू ओपी। इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू की उन्होंने शुरुआत की है और बताया है कि इंटरव्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 130 साल पुराना है और आपको यहाँ पर बहुत सारे इट्स बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर कहेंगे। अच्छा, इसके साथ में ये जो इंटरव्यू है ये बहुत सारे लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरव्यू लिया गया है, अलग अलग मोड से, अलग अलग तरीके से। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू किया गया है। अब यहाँ पर इतने सारे लोग जो इंटरव्यू हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना एक अलग परसेप्शन इसको लेकर है। बहुत सारे लोग इसके लिए पॉजिटिव हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए नेगेटिव हैं। जो लोग इसके लिए पॉजिटिव हैं उनका ये मानना है कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं इकलौता ऐसा सोर्स है सच्चाई का, या एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको सच पता चलता है। क्योंकि यार आप बाहर किसी और इंसान से सुनते हो या किसी इंसान से बात करते हो तो वहां पे तो मिर्च मसाला लगकर ही आप तक बात पहुंचती है। जब आप किसी और जो इंसान है उस इंसान से ही पूछ लेते हो कि आखिर क्या मुद्दा है, तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या मैटर है। सो यस, एक सोर्स है ट्रूथ का। इसके साथ में इसे आर्ट के जैसे बताया गया है कि इसी तरीके से इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इट्स एन आर्ट। तो जो लोग हैं वो पॉजिटिव इस चीज को लेकर पॉजिटिव है। इसके अलावा नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, जैसे वीएस नायपॉल जो है वो मानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो वूंड कर देता है किसी एक इंसान को, इंजर कर देता है एक इंसान से, उनका एक पार्ट जो है वो छिन जाता है। लुइस कैरोल जो है उनका ये मानना है कि वो तो बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं, उन तो इंटरव्यूअर से डर लगता है और मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इंटरव्यू मेरे को कोई, मैं जितना हूँ उससे बड़ा दिखा दे कि मैं पता नहीं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ये हूँ वो हूँ और मेरी सक्सेस स्टोरी है वो। मेरी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, होगी तो मैं खुद ही बता दूंगा।
यहाँ पर ये है। अच्छा, इसके साथ में हम लोगों ने इसके अलावा रुडियार्ड किपलिंग का भी इंटरव्यू यहाँ पर देखा था, तो ये इनका भी ओपिनियन हमने यहाँ पर देखा था। वो अपनी वाइफ के साथ में बॉस्टन में जा रहे थे और उन्हें दो इंटरव्यूअर्स ने रोक लिया और उन्होंने उनका इंटरव्यू मांगा, तो रुडियार्ड ने बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। पूछने पर उन्होंने ये बताया कि मैं इंटरव्यू इसके लिए नहीं दूंगा क्योंकि ये इमोरल है। इंटरव्यू कोई भी एक अच्छा इंसान ना तो इंटरव्यू देगा और ना इंटरव्यू लेगा, क्योंकि ये एक असॉल्ट है किसी इंसान के ऊपर। इसको क्राइम का दर्जा मिलना चाहिए, इसके इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो कि असॉल्ट उन्होंने खुद किया था मार्क ट्वेन पे, उन्होंने खुद इंटरव्यू किया न जाने कितने साल पहले मार्क ट्वेन पे, और अब जब उनका इंटरव्यू हो रहा है तो उसको असॉल्ट कह रहे हैं। कहने का मतलब है, लोग इंटरव्यू करने से नहीं डरते हैं। कोई अगर उनसे सवाल पूछता है तो उससे नेचुरली डरते हैं, ये हमें पता चलता है। एंड देन इसके बाद में हमें पता चलता है सॉल बिलो का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इंटरव्यू ऐसा है जैसे कि किसी ने मेरे थंब पाइप के ऊपर, सॉरी, थंबप्रिंट दे दिए हो मेरे विंड पाइप के ऊपर। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे बोलने से रोक रहा है। मैं अपने पर्सपेक्टिव को सामने नहीं लेकर आ सकता, मुझे सोच समझ के बोलना पड़ता है। सारी चीजें यू नो पब्लिक के सामने लाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। एक घुटन सी महसूस होती है इंटरव्यू के अंदर, ऐसा लगता है जैसे कि मैं घुट रहा हूँ। इसके साथ में इतने सारे डीमेरिट्स तो हैं इसके, बट फिर भी एक बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का। अगर हम डेनिस ब्रायन की बात करते हैं, तो डेनिस ब्रायन ने तो इसे बताया है कि ये एक ऐसा सोर्स है जिससे शायद इस दुनिया की सारी बातें हमें पता चलती है। एक इंसान दूसरे इंसान से सवाल पूछता है, दैट्स हाउ यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? बट इसके थ्रू जो इंटरव्यूअर होता है उसे काफी ज्यादा पावर मिलती है। एक इंटरव्यूअर जो है वो कहीं ना कहीं आपको कैसे भी पोर्ट्रे कर सकता है। अगर उसे आपको अच्छा दिखाना है तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछकर आपको अच्छा दिखा सकता है। अगर उसे बेकार दिखाना है तो वो कोशिश कर सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे ऐसा हो कि ठीक है, अभी बेइज्जती हो जाएगी, डिफेमेशन हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं है, तो दैट्स वन थिंग। इसके बाद में दूसरे पार्ट में अभी उन्होंने बताया उम्बर्टो इको, जो कि एक नॉवलिस्ट है, और मुकुंद पद्मनाभन, उन दोनों के बीच का इंटरव्यू जहाँ पर मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू से है और उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेने के लिए गए हैं, जो कि जिन्होंने सुपर स्टार्डम जो है वो अचीव कर लिया जब उन्होंने एक नॉवल निकाली जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, जिससे मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो सेल की है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मुकुंद उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो उनका यही से शुरुआत होती है कि आप कैसे इतने सारे काम एक साथ कर लेते हो। उम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं तो कोई काम एक साथ नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही जैसा काम करता हूँ, इसी वजह से सब हो जाता है। और मुकुंद पूछते हैं कि वो काम क्या है, तो वो बताते हैं कि देखो मेरा कोई आइडियोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल मैं पीस को प्रमोट करना चाहता हूँ या मैं नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं वही चीज़ कहीं ना कहीं अपने सेमियोटिक्स, जो कि जिसके वो प्रोफेसर हैं, जिसके वो पेपर्स लिखते हैं, तो सेमियोटिक्स के अंदर भी मैं वही प्रमोट करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए भी मैं वही लिखता हूँ। एंड एट द सेम टाइम जिन आर्टिकल्स और जिन बाकी राइटअप्स की आप बात करते हो उसके अंदर भी मेरा वही थीम रहता है, तो ओवरऑल मैं काम एक ही कर रहा हूँ। इसके साथ में वो ये भी बताते हैं कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है, अगर उसके अंदर खाली स्पेसेस जो एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये पूरा यूनिवर्स आपके मुट्ठी जितना हो जाएगा। ऐसा ही हमारे जिंदगी के अंदर भी खाली समय होता है, अगर उस खाली समय को हम यूज कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकुंद जब उनसे मिलने आ रहा था और जब तक वो इंतजार कर रहे थे मुकुंद का, उन्होंने एक आर्टिकल लिख लिया। मुकुंद इस बात पे चौंक जाता है और पूछता है कि देखो आप ये जो बातें बता रहे हो ये हर कोई नहीं कर सकता, बट आपका जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉन फिक्शन राइटअप्स करते हैं उनका स्टाइल बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है, जबकि आपका स्टाइल बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही पर्सनल है। तो ये क्या आप जानबूझ के करते हो या फिर आपके अंदर ही है? तो वो बताते हैं कि देखो यार, मैं जब अपना पीएचडी कर रहा था और मैंने अपना थीसिस जब लिखा था, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास आते हैं और थीसिस लिखने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं। थीसिस लिखने के लिए सबसे पहले कुछ अजम्पशंस लेते हैं और उन अजम्पशंस के अंदर ही कुछ चीजें सही या गलत अपने खुद से ही बताते रहते हैं, एंड उसके बाद में उसका कंक्लूजन सबमिट कर देते हैं। हाउएवर, मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर मैंने मेरी पूरी जर्नी को दिखाया, मैंने बताया कि किस तरीके से मैं हिट एंड ट्रायल किया हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है, क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, और यही चीज़ प्रोफेसर को पसंद आ गई और उन्होंने 22 साल की उम्र में उम्बर्टो इको की ये जो प्रोजेक्ट था उसे बुक बना दिया।
कहते हैं कि ऐसा ही है मेरा स्टाइल, मैं नैरेटिव स्टाइल ही अडॉप्ट करता हूँ, मुझे नरेशन करना बहुत पसंद है, एंड दैट इज व्हाई नॉवेल्स को लिखकर मैं कभी लेकर इतना कभी बेचैन नहीं था जितना बाकी लोग होते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो कि नॉवेल्स को लेकर काफी बेचैन था, उसे ऐसा लगता था वो एसेज लिख सकता है पर नॉवेल्स क्यों नहीं, और वो कभी लिख भी नहीं पाया, वो मर गया। बट मैं 50 की उम्र में नॉवल लिखना शुरू किया है क्योंकि ये मेरी नरेशन की थर्स्ट को पूरा करता है। मैं जो नरेशन अपने इन सारी चीजों में करता रहता हूँ वो मैं नॉवेल्स के अंदर अच्छे से कर पाता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स एक्सीडेंटली। मैंने एक्सीडेंटली, बस एक दिन मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैंने नॉवल लिख दिया। तो यहाँ पर ये चीज बताते हैं जिससे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उनका नॉवल पे ही पूछा जाएगा, और ये पूछा जाता है कि यार आपने यहाँ पर 5 नॉवेल्स लिखी है और 20 अकेडमिक पेपर्स लिखे हैं, जिसे करेक्ट करते हुए उम्बर्टो इको कहते हैं कि उन्होंने 40 अकेडमिक पेपर्स लिखे हैं। तो आपने इतने पेपर्स, मतलब पेपर्स आपने ज्यादा लिखे हैं और आप नॉवेल्स कम लिखे हो, उसके बावजूद भी अगर लोगों से पूछा जाता है उम्बर्टो इको कौन है तो लोग कहते हैं अरे नॉवेलिस्ट, तो आपको बुरा नहीं लगता? वो कहते हैं लगता है, बिल्कुल लगता है, मैं तो नॉवेलिस्ट के जैसे जाना ही नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो अपने आप को अकेडमिक सोसाइटी के साथ में ही मानता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ और मुझे उन्हीं चीजों में मजा आता है। मुझे नहीं मजा आता ये पेन क्लब्स और इन सबको ज्वाइन करने में, और ये पब्लिशर्स की मीटिंग्स और ऑथर्स की मीटिंग में, इनमें मेरे को नहीं मजा आता है। तो वो ये चीज बताना चाहते हैं कि वो कितने कितने ज्यादा अंदर से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है देन अ नॉवलिस्ट। तो ये चीज बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये जो नॉवल लिखने वाला चीज है वो सिर्फ वो संडे को करते हैं, वो अभी तक अपना वही काम करते हुए आ रहे हैं जो उनका प्राइमरी प्रोफेशन है, बच्चों को पढ़ाना, बट जब वो फ्री होते हैं तब वो नॉवेल्स लिखते हैं। इसके बाद में उनकी नॉवल पे क्वेश्चन आता है जो कि है द नेम ऑफ द रोज, और बात होती है कि किस तरीके से द नेम ऑफ द रोज जो है उसके अंदर आपको सारे का सारे फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको मेटाफिजिक्स देखने को मिल जाएगी, थियोलॉजी देखने को मिल जाएगी, एक आपको डिटेक्टिव यार्न भी वहां पर देखने को मिलेगा, उसके बावजूद वो चल गई है। तो क्या ये चीज उम्बर्टो इको को पजल नहीं करती? तो उम्बर्टो इको कहते हैं कि जर्नलिस्ट को करती होगी, मुझे तो नहीं करती। बोला कि देखो यार, आप लोगों को ऐसा लगता है कि वही घिसी पिटी लव स्टोरियां जो है जहां पर एक इंसान की दूसरे इंसान से शादी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, वॉट एवर रीजन, और फिर फाइनली उन रीजन को फाइट करके वो शादी कर लेते हैं, वही चीजें लोगों को पसंद है। हाँ, ये क्रिस्पी स्टोरीज बहुत सारे लोगों को पसंद है, बट मैं ये मानता हूँ कि इन 6 बिलियन की पॉपुलेशन में, उस टाइम 6 बिलियन पॉपुलेशन थी, तो 6 बिलियन की पॉपुलेशन में अगर 10 से 15 मिलियन लोगों ने मेरी किताब खरीदी है, दैट मीन्स ये 10 से 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी टफ रीडिंग पसंद है, या फिर ये कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। अब यार रोज मैं भी दाल चावल नहीं खा सकती, वैसे उन्होंने बोला कि यार रोज मैं भी एक ही चीज तो नहीं कर सकता ना, मुझे भी आई विल सीक डिफरेंस, तो बस उसी के लिए मेरी किताब वो लोग पढ़ रहे हैं। अब अगेन इसके लिए उन्होंने बोला बोला कि ये जो तुम्हारी किताब है इस किताब में मेडिवल हिस्ट्री भी है, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी किताब चल रही है? उम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं और कहते हैं, बोला कि मेरी एक ये थी पब्लिशर थी अमेरिका में, जिसने मुझे ये कहा था कि आपकी किताब में मेडिवल हिस्ट्री है एंड इसकी वजह से ये इतनी नहीं चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा 3,000 किताबें यहाँ पर बिकेगी, तो ये लीजिए आप 3,000 का एडवांस, एंड बात खत्म। अब यहाँ पर वही, वहां पर जो उसने रीजन दिया था, बोला यहाँ पर कोई नहीं इन सारी चीजों को पढ़ेगा, वहीं पर ये जो किताब है ये किताब 3 से 4 मिलियन कॉपीज इसकी बिक चुकी है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये मेडिवल हिस्ट्री की वजह से चल रही है या नहीं, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पे ये किताबें लिखी है, ये क्यों चल गई है इस टाइम पे गॉड नोस। अगर 10 दिन पहले ही आई होती या 10 दिन बाद में ही आई होती तो शायद ये इतना नहीं चलती। मेरी किताब के चलना अभी भी एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है, आई एम सॉरी नॉट सीक्रेट, मिस्ट्री है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा राइटअप को समझाते हैं, हमें पता चलता है कि वो कितने ज्यादा मुकुंद कितने ज्यादा इंक्विजिटिव हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ड्स पकड़ते हैं और उन्हीं पे क्वेश्चन पूछते हैं, और उम्बर्टो इको कितने चालाक हैं क्योंकि उन्होंने आगे से मुकुंद को स्कोप दिया है क्वेश्चन पूछने का, और वो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंसेस दे देकर समझा रहे हैं। तो यस, इंटरव्यू इज डन, सम माइट मेक क्वाइट एक्सट्रावगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives, or feel that it somehow diminishes them.
Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपसे इसी सैंपल पेपर में. What is the most likely reason some people consider the practice of interview to be an art? This could be because it requires A. fluency of words, sensitivity and careful handling, C. creativity and imagination, and D. probing and focusing on details. क्या लगता है? क्लास देखते देखते राजमा चावल खाने वाले लोगों को मैं माफ नहीं करूंगी. ठीक है, इट्स क्रिएटिव एंड इमेज. सी होगा इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज इट्स क्रिएटिविटी, बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. री राइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद इट्स इन्फेरेंस. सेलिब्रिटीज फील दैट एन इंटरव्यू डिमिनिशेस देम. डिमिनिशेस देम का मतलब होता है कि शायद हो सकता है कि उनके ऑरा को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी इमेज को कहीं वो लोअर करता है, लेसन करने की कोशिश करता है. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. सेलिब्रिटीज डोंट कंसेंट टू बी इंटरव्यूड. इंटरव्यूज इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज. हाँ शाश्वत, हाय बेटा. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 डी होगा. डी 2 इज द रीजन फॉर 1. इंटरव्यूज इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज. सो सेलिब्रिटीज डोंट कंसेंट टू बी इंटरव्यूड बिकॉज इंटरव्यूज इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज. वो इसीलिए हार नहीं करते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी पे क्वेश्चन आ जाता है. रैशनलाइज टू सपोर्ट द गिवन ओपिनियन. आपको इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हुए लॉजिक देना है. टू से दैट एन इंटरव्यू इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ इज एन एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम. ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही इसके लिए है क्योंकि आप सोचते हो कि किसी एक इंसान ने आकर आपको इंटरव्यू दिया है तो वो जो बोल रहा होगा सच बोल रहा होगा. कैसे पता? देयर आर चांसेस कि वो झूठ बोल रहा है. हो सकता है कुछ क्वेश्चन है जिसका वो आंसर नहीं दे रहा है. हो सकता है कि वो किसी चीज़ को अभी भी छुपा रहा है. तो इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो भी पता चल रहा है किसी इंसान के बारे में वो एकदम सच है. एंड दैट इज व्हाई दिस कैन बी एन एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम. इन्फर्ड का मीनिंग होता है डेराइड. रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द एंटोनिम ऑफ द फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. सम सेलिब्रिटीज हेट द आइडिया ऑफ हैविंग टू गिव एन इंटरव्यू बिकॉज इट मेक्स देम फील लाइक सपोर्टर्स. हाँ, विक्टिम होगा इसका. ये देखो यहाँ पर लाइन में आपको मिलेगा, ये रहा सेम लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी. यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स, विक्टिम्स होगा इसमें. द ऑथर्स व्यूज इन द इंटरव्यू ऑन इंटरव्यू इन द एक्सट्रैक्ट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हाइपोथीसिस, बिलीव्स या फिर सुपरस्टिशंस. क्वेश्चन नंबर 6. ऑफ कोर्स फैक्ट्स, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ में बात की है, लोगों ने जो कहा है उसे इकट्ठा किया है. इनफैक्ट एक एग्जाम्पल भी दिया है हम लोगों को. ए विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, लास्ट चैप्टर बचवाड़ी, गोइंग प्लेसेस. किसने लिखा है गोइंग प्लेसेस को? कोई बात नहीं, खाना बाद में खा लेंगे. हाँ बताओ. ए आर बार्टन ओपी, वेरी गुड. अब पता चला ना मेरे को कि कोई सो नहीं रहा है. सो गोइंग प्लेसेस ए आर बार्टन ने लिखा है और बहुत ही कमाल की स्टोरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आजकल के कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको बताते हैं.
स्टोरी दो थीम पे रिवॉल्व करती है। सबसे पहला डे ड्रीमिंग जो टीनेजर्स करते हैं, और साथ ही साथ में हीरो वर्शिपिंग, जब उन्हें किसी एक इंसान को वो पसंद करने लगते हैं तो हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं, ख्वाब देखने लग जाते हैं, तो पूजा ही कर लेते हैं उसकी। सो यहाँ पर इसीलिए हमारी प्रोटैगनिस्ट सोफी, जो कि एक टीनेजर है, अपने स्कूल से बस अब बाहर जाने ही वाली है, उसकी कहानी बताई जाती है कि कितना ज़्यादा वो अटेंशन सीक करती है, और इसमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो कितना ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती है। एक रोलर कोस्टर राइड होती है जिसमें वो पता नहीं कितने सारे इमोशंस हैं जिनको फेस करती है, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसकी सिर्फ इमेजिनेशन होता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब सोफी और जेनजी, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, और सोफी कहती है कि मैं इस सिटी का सबसे शानदार बुटीक खोलूंगी। जेनजी उसे बताती है कि बहन उसमें पैसा लगता है, तो कहती है कोई बात नहीं, बोला तेरे पास वो पैसा नहीं है, तो कहती कोई बात नहीं मैं मैनेजर बन जाऊंगी, बोला देख बेटा स्कूल से जस्ट निकलते ही तेरे को मैनेजर कोई नहीं बनाएगा, तो कहती कोई बात नहीं मैं एक फैशन आइकन बन जाऊंगी। एंड इसके बाद में इट्स लाइक वो अभी यहाँ पर जेनजी उसे कहती है देख सुन सोफी, हमारी किस्मत के अंदर बिस्किट फैक्ट्री ही लिखी है, और हमें वही करते रहना होगा, हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। हम पहली बात तो हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, और दूसरी बात हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें और कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी, हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें वही करना होगा, तो जाग जा इससे। अब इसमें वो जैसे ये बोल रही होती है, सोफी इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती, और सोफी कहती है या फिर एक एक्ट्रेस, और वैसे भी एक्ट्रेस को पूरे टाइम थोड़ी काम करना पड़ता है, एक्ट्रेस साइड में बुटीक खोल सकती है, और खोलकर फिर उसके बाद में आप सोचो बुटीक का भी तो ख्याल रख सकती है ना, तो मैं बहुत अच्छा बुटीक बनाऊंगी। अब इसमें वो सोफी की स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर बारिश हो रही होती है, और वो जेनजी को वहीं पे छोड़ देती है, और वो बोलती है कि जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा ना मैं एक बुटीक खोलूंगी। अब ये जो एक लाइन है इसके बाद में, इसमें अस लिखा हुआ है कि जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आएगा तो हमारे लिए घर खरीद लेना, तो इसका एक बहुत ही कमाल का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि क्योंकि उसने घर पर जाकर वहाँ पर ये बोला था, और बेचारी जेनजी को अंदर बुलाया भी नहीं, तो जेनजी ये कह रही है कि ठीक है भाई हमारे लिए घर खरीद लेना अगर तेरे पास पैसा आए, और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्योंकि अस है यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अंदर से उसके भाई या अंदर से कोई भी उसकी उसकी माँ या फिर उसके पापा में से किसी ने बोला होगा कि अगर तेरे पास पैसा आए तो पहले हमारे लिए एक डिसेंट घर खरीद लेना। एनीवे इसके बाद में जब वो अंदर जाती है तो चुगलखोर डायरेक्ट जो है उसके पापा से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है ये सोफी ना उसको लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं, वो बात कर रहा होता है यहाँ पर उसके पापा जो कि एकदम मजदूरी करके आए हुए होते हैं और बस एकदम उन्हें बहुत तेज भूख लगी होती है, खाना खा रहे होते हैं, और उसकी मम्मी बेचारी लेबर कर रही होती है, सारा काम कर रही होती है। मैं लेबर इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्हें बहुत ही नेगेटिवली शो किया गया है, ऐसा शो किया गया है जैसे कि वो बेचारी सिर्फ और सिर्फ काम करती रहती है, घर के कामकाज के अंदर ही व्यस्त रहती है और खुद पे ख्याल नहीं देती है, उनकी तो इनफैक्ट कमर भी झुक गई है, और वो झुके हुए बर्तन मांज रही होती है और सारा काम कर रही होती है, और वो एक छोटे से कमरे के अंदर ही सारी चीज़ें होती है, एक तरफ मम्मी काम कर रही है, एक तरफ डेरेक और पापा बैठे हुए हैं, इधर कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ है, चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है बिना धोई हुई। सोफी कहती है ओहो ये सारी चीज़ें सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं है, सोफी वैसे भी एक्ट्रेस है यार कम ऑन। तो वो जियोफ जो कि उसका बड़ा भाई होता है उसके कमरे में जाती है, जियोफ जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक अप्रेंटिस भी है, बेसिकली कोई अपने इंटर्नशिप के पीरियड के अंदर चल रहा है, वो अपनी बाइक को वहाँ पर खोल कर बैठा होता है और उसे रिपेयर कर रहा होता है, वो वहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि पार्ट्स खुद बोल पड़ेंगे कि अरे भाई क्या देख रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर है तू, इतना तो तेरे को आना चाहिए था, तो उसको ऐसा लग रहा होता है। और इतने में सोफी वहाँ पर जाती है और जाकर बोलती है कि अच्छा सोफी एक्चुअली उसके भाई की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि सोफी को लगता है कि उसका भाई इतना ज़्यादा चुप चुप रहता है, उसके पास तो एक बाइक भी है, वो न जाने इस दुनिया से कौन सी दुनिया में जाता होगा, कितने सारे लोग मिलते होंगे, कितने लोगों से उसने दोस्ती की होती होगी, और वो तो बिल्कुल भी सच्चाई हमें बताता नहीं है, कोई भी चीज़ मुझे बताता नहीं है, और वो इतना ज़्यादा चुप रहता है, तो मुझे इसकी लाइफ का सारे सीक्रेट जानना है, सब कुछ जानना है, बट और इसके फ्रेंड से मिलना है, बट ऑफकोर्स जियोफ सोचता है कि सोफी इस चीज़ के लिए बहुत छोटी है, और उसके पापा भी यही सोचते हैं, और इसी वजह से वो दो कभी भी जियोफ की ज़िंदगी का हिस्सा बन नहीं पाती है। हाउएवर अभी उसको उसका अटेंशन तो फुल टू चाहिए ही होता है, एंड दैट इज़ वाई वो जियोफ का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बोलते हैं जियोफ मैं डैनी कैसी से मिली थी,
जॉब सब छोड़ देता है। क्या कहाँ पे? तो सोफी बोलती है मैं यहाँ पर बाजार गई थी और वहां पर रॉयस का जो दुकान है वहां पर विंडो शॉपिंग कर रही थी, यानी कि बाहर खड़े होकर सिर्फ कपड़े देख रही थी। इतने में मैंने बाजू में देखा तो डेनी कैसी खड़ा हुआ था और मैं उससे मिली थी। बोला हो ही नहीं सकता। बोला अरे हाँ सच में ऐसा है। बोला कैसा दिखता है जरा बताना। अरे तुम जैसा उसे मैच में देखते हो ना, तुम्हें जितना वो टॉल वहां पर दिखता है उतना टॉल नहीं है, और उसकी आंखें परफेक्ट ग्रीन आंखें हैं, एकदम काम आंखें हैं, एकदम बहुत ही यू नो। तो उसके दांत के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं? और उसके दांत छोड़ो। तो अभी यहाँ पर वो ये चीज़ बोलती है और जियो भागा भागा आता है यू नो जहाँ पर उसके पापा ने ऑलरेडी हाथ पैर धो लिए होते हैं और अब वो टीवी चलाने की फिराक में होते हैं। और तभी जियो आता है और आकर कहता है पापा सोफी डेनी कैसी से मिली है। उसके पापा बोलते तो क्या हो गया, एक इंसान है जो टॉम किनी से मिला था, ये तो एकदम ऐसे ही हो गया कि उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो डेनी कैसी से मिली है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि डेनी कैसी कोई इतना इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है। उनका तो ये मानना है कि एक इंसान जो टॉम फिनी से मिला था वो कितना महान होगा, क्योंकि टॉम फिनी कितना महान प्लेयर है। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो सोफी की डेनी कैसी के मीटिंग से शिफ्ट हो जाता है इस मामले पे कि सोफी जो है कि डेनी कैसी जो है वो उसको और सीखना चाहिए और बेहतर प्लेयर बनना चाहिए। तो ये मुद्दा डिस्कशन होने लग जाता है। कहते हैं हाँ बोला बहुत अच्छा है डेनी कैसी, इतनी कम उम्र के अंदर इतनी अच्छी टीम के अंदर खेल रहा है वो। उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा अभी जीवन में बहुत डिस्ट्रैक्शन है उसके, वो थोड़ा और अच्छा खेलेगा उसके ऊपर और ध्यान दिया जाएगा तो एक दिन वो भी टॉम फिनी बनेगा। वो वहाँ डिस्कशनें चल रही होती है, सोफी कहती है वो एक दुकान खरीदेगा। डिस्कशन रुक गई है। उसके पापा कह रहे तेरे को कैसे पता? सोफी कहती है कि मेरे को डेनी कैसी ने खुद बताया है। वो कहते देख बेटा एक लपड़ पड़ेगी, तूने अगर अपनी ये स्टोरियां बंद नहीं करी ना तो किसी दिन तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी सोफी। तो सोफी बोलती है कि अरे क्या मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप पूछ लो, जियोफ भी मेरे पे यकीन करता है। वो कहता है वो चाहता है तेरे पे यकीन करना, जियोफ चाहता है तेरे पे यकीन करना, करता नहीं है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जियोफ को यकीन दिलाना चाहती है। एंड दैट इज वेन वो जियोफ के रूम में जाती है जहाँ पर फुटबॉल का पूरा पूरा उसने किंगडम बनाया हुआ होता है, एकदम ऐसे पोस्टर्स वोस्टर्स बनाए हुए होते हैं, सारे प्लेयर्स की फोटोज होती है, 3 पिक्चर तो उनमें डेनी कैसी की होती है। और वहां पर जाकर कहती है यार जियोफ तू ये बात किसी को मत बताना। बोला अरे इसमें कोई सच्चाई होगी तो बताऊंगा। अरे यार प्लीज जियोफ ये किसी को मत बताना, पापा मुझे मार डालेंगे। बोला पापा तेरे को तब मारेंगे जब उनको पता होगा और उन्हें लगेगा जो तू कह रही है वो सच है, हमें पता है कि तू सच नहीं कह रही है। कहती अरे सच है तेरे को पता है, इट्स लाइक ये जो पूरी बात मैंने तुझे बताई ना ये सच है। बोला अरे तू ग्रो अप सोफी, तू स्कूल में जाने वाली लड़की है और डेनी कैसी के सामने लड़कियों की लाइन खड़ी होगी। बोला नहीं ऐसा नहीं है, उसने मुझे बताया ऐसा कुछ नहीं है। डेनी कैसी तेरे को बताएगा ये बात? लड़के ऐसी बातें लड़कियों को नहीं बताते हैं सोफी। बोला नहीं तुम जैसे सोचते हो वैसा नहीं है, उसने ये बात मुझे बताई, वो बहुत ही शाय और बहुत ही क्वाइट है। बोला वो तो दिख ही रहा है कितना क्वाइट है। बोला देखो ऐसा हुआ था कि मैं वहां पर खड़ी थी और डेनी कैसी वहां पर आ गया और मैंने बोला हाँ अरे आप तो डेनी कैसी हो? उसने बोला हाँ मैं डेनी कैसी हूँ। अरे वो मैं और मेरे भाई लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और क्या आप मेरे ब्रदर्स के लिए ऑटोग्राफ दे सकते हो? तो उसने बोला मेरे पास पेन पेपर नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास भी पेन पेपर नहीं है। तो हमने बात की और उसके बाद में उसने बोला कि क्यों ना कि तुम मुझे अगले हफ्ते मिलो और मैं उस वक्त तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूँ। तो तेरे को पता है जियो उसने मुझे डेट के लिए पूछा, मैं अगले हफ्ते उसके साथ में डेट पे जाने वाली हूँ और मुझे वहीं पर वो ऑटोग्राफ देने वाला है। जियो कहता है जैसे कि तो वो किसी डेट वेट पे आएगा। जियो कपड़े पहनता है अपने और वहां से चला जाता है। सोफी को लगता है हाँ इसे कुछ तो भरोसा जरूर हुआ है और वो सोचती है अरे यार ये थोड़े अच्छे कपड़े पहनता तो कितना अच्छा लगता है ना। एनीवे ये एक्चुअली सोफी का दिमाग थोड़ा सा इस डायरेक्शन के अंदर हमेशा से ही रहा है। उसे तो ऐसा लगता है कि एक दुनिया जो है उसका इंतजार कर रही है जहां पर वो जियोफ की बाइक के पीछे बैठेगी। जियोफ बहुत शानदार कपड़े पहनेगा, लेदर्स पहनेगा और पीछे वो येलो कलर की अच्छी सी ड्रेस पहनेगी जो उड़ रही होगी और सारी की सारी दुनिया खड़ी होकर उसके लिए तालियां बजाएगी। हाँ खैर ये पहले की बात है जो वो सोचा करती है, वो एनीवे यही ख्वाब रहता है उसका। अब इसके बाद में ये सैटरडे की बात है जब ये सारे के सारे लोग मैच देखने जाते हैं। जियोफ अपने दोस्तों के साथ में बैठ जाता है और ये उसके पापा सोफी और डेरिक जो है आगे बैठ जाते हैं गोल के पास में।
अब ये सारे लोग जब मैच देख रहे होते हैं, इन्हें लग रहा होता है मैच वो जीतेंगे, एंड वो जीत ही जाते हैं। और जीतते भी किसकी वजह से? डैनी कैसी की वजह से। सोफी तो ग्लो करने लग जाती है, सोफी को तो खुशी भी का ठिकाना नहीं होता, सोफी अब के दमाद है, सोफी को तो इतनी खुशी हो रही होती है जैसे डैनी कैसी, और वो है भी कुछ। तो इस खुशी खुशी के मारे उसके पापा जो है वो तो पब में चले जाते हैं क्योंकि उनकी टीम मैच जीती होती है। जियो भी बहुत खुश होता है, और सोफी और डेरेक घर आते हैं, और डेरेक आकर मम्मी को बताता है कि तो मम्मी आपको पता हम इस बार सुरूर वर्ल्ड कप जीतेंगे। वो आकर ही बताता है, मम्मी बेचारी इतनी परेशान घर के काम काज में, कहते हैं एनीवे इस वक्त एंट्री होती है किसकी? इस वक्त एंट्री होती है जेनजी की। जेनजी कहती है क्या बताती फिर रही है तू सबको कि तू डैनी कैसी से मिली है? बोला तेरे को किसने बताया? बोला तेरे भाई ने मेरे भाई को बताया फ्रैंक को कि तू डैनी कैसी से मिली है, ये सच है क्या? सोफी कहती है यार ये जियो के पेट में बात क्यों नहीं बचती है यार इसके, इसने बताया भी तो इस जेनजी को, ये जेनजी पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देगी। कहती क्या कहूँ यार इसे, क्या कहूँ? बोला देख जेनजी ये एक सीक्रेट है, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वो वहाँ पर था और मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार देखो मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए, उसके पास पेन पेपर नहीं था, मेरे पास पेन पेपर नहीं था, कहानी खत्म। बोला अरे यार काश मैं भी वहाँ पर होती। बोला देख यार जेनजी ये ना ये जो बात है इसको अपने अंदर ही रखना, ठीक है बाहर मत निकालना, लोगों को पता चला तो मेरे घर के आगे भीड़ लग जाएगी और तेरे को पता है मेरे मम्मी पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। संजी कहती ऑफ कोर्स यार मैं तेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी, ठीक है। और इसके बाद में वो सोचती है चलो जान छूटी है क्योंकि जेनजी को डेट के बारे में तो कुछ नहीं पता। अब वो कैनाल के पास जाती है जहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक मौसम होता है, स्ट्रीट की जो लाइट है वो हल्की सी गिर रही होती है, कैनाल पे एक रिफ्लेक्शन बन रहा होता है, नीचे यू नो सीढ़ियों से उतरती है तो पास में यू नो एक एल्म ट्री होता है जहाँ पर एक वुडन बेंच लगी हुई होती है। लवर स्पॉट है क्योंकि वहाँ पर आपको कोई नहीं देखता, ऐसे लोग जो नहीं ऑब्जर्व होना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है, उसे लगता है डैनी कैसी के लिए बेस्ट प्लेस होगी। वहाँ पर जाती है, बैठती है, इमेजिन करती है डैनी कैसी को आते हुए, और वो गिगल्स उसके यू नो कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे इसमें दिखेंगे कि कितनी खुश होती है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में यू नो इट्स लाइक वो बैलेंस करती है अपने थॉट को कि डैनी कैसी तो पर आने ही वाला नहीं है, तो बस ये इमेजिन कर रही होती है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और डैनी कैसी आया है और कैसे वो उस अंधेरे में से चलकर आएगा, और इतनी खुश हो रही होती है। देन जस्ट देन वो रियलाइज करती है कि अरे यार डैनी कैसी तो नहीं आएगा, और जैसे उसे ये रियलाइज होता है वो एकदम से सैड हो जाती है। हर बीतते मिनट के साथ में वो सैड होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। अब घर जाने का डिसाइड करती है तो कैसे जैसे दुखी होकर क्लाइम करती है स्टेयर्स को और सोचती है कि यार मेरे पे वैसे भी कोई यकीन नहीं करता और अब तो मेरे पे कोई यकीन नहीं करेगा। जियोफ ने तो कहा था कि डैनी कैसी नहीं आएगा और देखो डैनी कैसी नहीं आया, अब मेरे पे ये दुनिया वाले बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, पर मुझे तो पता है ना मेरे और डैनी कैसी के बीच में क्या है। क्या कर रही हो सोफी? तो मुझे तो पता है ना कि मेरे और डैनी कैसी के बीच में क्या है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस दुनिया से। जियोफ को नाराजगी होगी, वो मैं जैसे उसको बोलूंगी जियोफ तुम सही थे डैनी कैसी नहीं आया जियोफ, तो जियोफ एकदम क्रॉस करके जाएगा और गेट मार के बाहर चला जाएगा, पर कोई बात नहीं मैं इस दुख के साथ में जी लूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे और डैनी कैसी के बीच का क्या रिश्ता है। एंड फाइनली उसके बाद में वो घर जाते वक्त देखती है कि उसके पापा की बाइक अभी भी पब के उधर ही है, सोच के चलो जान बची तो लाखों पाए। इसके बाद में वो जाती है वहीं पर उसी दुकान के सामने खड़ी हो जाती है जिस दुकान के सामने उसने वो स्टोरी बनाई थी, उस स्टोरी के अंदर वो जो दुकान थी वो वहीं खड़ी हो जाती है और वो इमेजिन करती है कि वो वहाँ खड़ी है, डैनी कैसी वहाँ पर है। वो कहती है आप तो डैनी कैसी हो, वो याद करती है वापस से, डैनी कैसी कहता है हाँ मैं ही हूँ डैनी कैसी, पर आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो? तो डैनी कैसी देखता है, उसके पास पेन पेपर नहीं होता और तुम्हारे पास भी पेन पेपर नहीं होता, पर डैनी कैसी आपको देखता है और आप आँखें छुपाते हो, डैनी कैसी अभी भी आपको देख रहा है। एंड देन उसके बाद आप उसे वापस देखते हो, आपका वो जो आई कॉन्टैक्ट होता है उसकी सांसें रुक जाती हैं, और उसके बाद में वाओ यार कितना अच्छा था डैनी कैसी, कितना अच्छा मोमेंट था यार वो, मतलब वो आपसे टॉल नहीं है, आपसे बोल्ड नहीं है, कितनी प्यारी जेंटल ग्रीन आईज है उसकी, कितना कमाल का है डैनी कैसी, यू नो चलता फिरता महान महानता की मूर्त है, एपिटमी है डैनी कैसी हीरो वर्सेस। तो ये वो सोच रही होती है यहाँ पर, बस यही चीज़ें वो इमेजिन कर रही होती है, अगेन रीलिव करती है उस मोमेंट को, पर हकीकत ये है कि सोफी ने डैनी कैसी को मैच के बाहर कभी भी नहीं देखा है,
लास्ट टाइम वो जब डेनी कैसी से मिली थी तो वो मैच में मिली थी, जब वो सैटरडे को मैच में गई थी और वहां पर जब डेनी कैसी ने गोल किया था, दैट वाज द टाइम जब उसने डेनी कैसी को देखा होगा, अदरवाइज उसने डेनी कैसी को कभी नहीं देखा। ये पूरी की पूरा स्टोरी सिर्फ एक फैंटेसी है जिसे वो जीती है और बाकी सारे लोगों को फालतू स्टोरियां बनवा के जीवा देती है। तो दैट्स गोइंग प्लेसेस। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। देयर मदर साइड सोफी वॉश हर बैक स्टूव्ड ओवर द सिंक वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो व्हिच फास्टन्ड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। द पोस्ट सिलेक्शन गोइंग प्लेसेस इंक्लूड्स दिस टेलिंग कमेंट अबाउट सोफीज मदर। नाउ इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स वी आर टोल्ड दैट द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। Imagine a conversation between Sophie's mother and Aunt Jennifer. Create this exchange with reference to the two extract given above. You may begin the conversation like this. Sophie's mother, your embroidery is so beautiful. Do you love tigers? अब बच्चों यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर बताया गया है कि सोफी की मॉम जो है वो कितनी ज्यादा बर्डनड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। उनकी कमर जो है, उनका बैक जो है वो पूरी तरीके से झुक गया है जब वो बर्तन माज रही होती है। उनका वो जो साय है वो सैडनेस दिखाता है कि वो कितनी थक गई है, वो कितनी थक गई है, और वो भी वो जिंदगी डिजर्व करती है जो बाकी लोग जी रहे हैं, बट इंस्टेड उन्हें घर का काम करना पड़ता है और इस फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है। हमें यहाँ पर आंट जेनिफर वाली लाइन्स के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है कि आंट जेनिफर भी इस मैरिज के साथ में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बर्डन फील कर रही है। तो ये दो औरतें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बर्डन फील कर रही हैं। आपको इन दोनों का कॉन्वर्जेशन बनाना पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो कॉन्वर्जेशन आप ड्रॉ करो उसका थीम एक ही होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आन जारी पर बता रही है अपने टाइगर्स के बारे में और बता रही है कि यार मुझे मेरा हस्बैंड कभी भी ये ड्रॉ नहीं करने देता, मैं तो थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं थक गई हूँ इस मैरिज से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इधर सोफी की मम्मी बता रही है कि हाँ मेरे घर के अंदर भी ऐसा ही है, मेरी बेटी जो है वो तो सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। मेरा छोटा बेटा छोटा है अभी और मेरा बड़ा बेटा जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है। मैं फैमिली को जैसा रखना चाहती हूँ वैसा नहीं रहता है, मैं दिन भर बस काम ही करती रहती हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं पूछता है। ये सारी बातें आप बता सकते हो। कॉन्वर्जेशन शुड रिवॉल्व अराउंड द आइडिया दैट बोथ ऑफ देम आर बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद मैरिज। ओके, और इसके साथ में कंप्लीट हो गया है। छोटा बेटा अभी छोटा है, दैट मीन्स वो कॉन्वर्जेशन डेरिक बेसिकली, अब डेरिक बोल सकते हो आप छोटे बेटे की जगह, मतलब वो उसके साथ कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हो सकती है, वो छोटा है अभी, तो वो सिर्फ इन्हीं सारे वर्ल्ड के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर खोया रहता है, उसके अंदर उतना सेंस नहीं है दैट यू कैन सिट विथ हिम एंड टॉक विथ हिम। वेर एज सोफी तो इमेजिनेशन में रहती है, उससे तो बात करना ही बेकार है, एनजी ऑफ वैसे ही बात नहीं करता। और उसके पापा जो है उनका कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही अजीब कैरेक्टर दिखाया हुआ है, जो फैमिली के अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। ऑल राइट, सो ये सब कुछ आज हमने पढ़ लिया है, सारे चैप्टर्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट, इनसे जुड़े हुए 2020 से लेकर 2022 के, दैट मीन्स 2023 के सैम्पल पेपर तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो इंक्लूड कर दिए, आपको करा दिए हैं, और क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, जो कि नीचे जिसका लिंक दिया हुआ है, क्लास 12th बाय अन अकेडमी। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम से भी उसे ले सकते हो। दूसरी बात है मेरे कम्युनिटी पे आपको वो मिल जाएंगे, और बैचेस चेकआउट कर सकते हो जो अन अकेडमी ने नए लॉन्च किए हैं, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो, उनकी काफ़ी मदद होगी। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बाकी सारे रेलिवेंट लिंक्स भी वही है। लॉस्ट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट मस्तियाँ है ना, लॉस्ट चाइल्डहुड, स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से आया हुआ है। थैंक यू कुणाल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, 3.5 घंटे के अंदर लगभग हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, 3.5 घंटे के अंदर 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो आप इसको वापस रेफर भी कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको रिवाइज करना है तो आप वापस रेफर कर सकते हो। मैं आपके लिए इसके अंदर चैप्टर्स डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट लेसन कहाँ है, लॉस्ट स्प्रिंग कहाँ है, जो भी है।
And I will see you in the next one. Thank you so much for joining today. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.